अनेक व्यक्तियों ने उन घटनाओं को लिखकर इकट्ठा करने का कार्य किया है जो हमारे बीच में घटी। ये सबूत हमें उनसे प्राप्त हुए हैं जो प्रारंभ ही से इनके प्रत्यक्ष दर्शी और परमेश्वर के वचन के सेवक रहे। मैंने स्वयं हर एक घटनाओं की शुरुआत से सावधानी पूर्वक जांच की है, इसलिए परम सम्मान्य थियोफिलास महोदय, मुझे भी ये उचित लगा कि आपके लिए मैं ये सब क्रम के अनुसार लिखूं कि जो शिक्षाएं आपको दी गई हैं, आप उनकी विश्वसनीयता को जान लें। यहूदिया प्रदेश के राजा हेरोदेस के शासनकाल में अबिया दल के एक याजक थे जिनका नाम जकरिया था। उनकी पत्नी का नाम एलिजाबेथ था जो हारून की वंशज थीं। वे दोनों ही परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी तथा प्रभु के सभी आदेशों और नियमों के पालन में दोषहीन थे। उनके कोई संतान न थी क्योंकि एलिजाबेथ बांझ थी और वे दोनों ही अब बूढ़े हो चुके थे। अपने दल की बारी के अनुसार जब जकरिया एक दिन परमेश्वर के सामने अपनी याजकीय सेवा भेंट कर रहे थे, उन्हें पुरोहितों की रीति के अनुसार पर्ची द्वारा चुनाव कर प्रभु के मंदिर में प्रवेश करने और धूप जलाने का काम सौंपा गया था। धूप जलाने के समय बाहर सभी लोगों का विशाल समूह प्रार्थना कर रहा था। तभी जकरिया के सामने प्रभु का एक स्वर्ग दूत प्रकट हुआ जो धूप वेदी की दाईं ओर खड़ा था। स्वर्ग दूत को देख जकरिया चौंक पड़े और भयभीत हो गए, किंतु स्वर्ग दूत ने उनसे कहा, मत डरो जकरिया, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। तुम्हारी पत्नी एलिजाबेथ एक पुत्र जनेगी, तुम उसका नाम योहन रखना। तुम आनंदित और प्रसन्न होंगे तथा अनेक उसके जन्म के कारण आनंद मनाएंगे। ये बालक प्रभु की दृष्टि में महान होगा। वो दाखरस और मदिरा का सेवन कभी ना करेगा तथा माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ होगा। वो इज़राइल के वंशजों में से अनेकों को प्रभु उनके परमेश्वर की ओर लौटा ले आएगा। वो एलिया की आत्मा और सामर्थ में प्रभु के आगे चलने वाला बनकर पिताओं के हृदय संतानों की ओर तथा अन्य आज्ञाकारियों को धर्मी के ज्ञान की ओर फेरेगा कि एक राष्ट्र को प्रभु के लिए तैयार करें। जकरिया ने स्वर्गदूत से प्रश्न किया, मैं कैसे विश्वास करूं क्योंकि मैं ठहरा एक बूढ़ा व्यक्ति और मेरी पत्नी की आयु भी ढल चुकी है। स्वर्गदूत ने उन्हें उत्तर दिया, मैं गब्रियल हूं, मैं नित परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूं। मुझे तुम्हें ये बताने और इस शुभ समाचार की घोषणा करने के लिए ही भेजा गया है। और सुनो, जब तक मेरी ये बातें पूरी ना हो जाएं, तब तक के लिए तुम गूंगे हो जाओगे, बोलने में असमर्थ, क्योंकि तुमने मेरे वचनों पर विश्वास नहीं किया जिसका नियत समय पर पूरा होना निश्चित है। बाहर जकरिया का इंतजार कर रहे लोग असमंजस में पड़ गए कि उन्हें मंदिर में इतनी देर क्यों हो रही है। जब जकरिया बाहर आए, वो उनसे बातें करने में असमर्थ रहे, इसलिए वे समझ गए कि जकरिया को मंदिर में कोई दर्शन प्राप्त हुआ है। वो उनसे संकेतों द्वारा बातचीत करते रहे और मौन बने रहे। अपने याजकीय सेवा काल की समाप्ति पर जकरिया घर लौट गए। उनकी पत्नी एलिजाबेथ ने गर्भ धारण किया और ये कहते हुए 5 माह तक अकेले में रही, प्रभु ने मुझ पर ये कृपा दृष्टि की है और समूह में मेरी लज्जित स्थिति से मुझे उभार लिया है। छठे माह में स्वर्गदूत गब्रियल को परमेश्वर द्वारा गलील प्रदेश के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी कन्या के पास भेजा गया जिसका विवाह योसेफ नामक एक पुरुष से होना निश्चित हुआ था। योसेफ राजा दाविद के वंशज थे। कन्या का नाम था मरियम।
मरियम को संबोधित करते हुए स्वर्गदूत ने कहा, प्रभु की कृपा पात्री, नमस्कार, प्रभु आपके साथ हैं। इस कथन को सुन वो बहुत ही घबरा गई कि इस प्रकार के नमस्कार का क्या अर्थ हो सकता है। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरिए मरियम, क्योंकि आप परमेश्वर की कृपा की पात्र हैं। सुनिए, आप गर्भ धारण कर एक पुत्र को जन्म देंगी। आप उनका नाम यीशु रखें। वो महान होंगे, परम प्रधान के पुत्र कहलाएंगे, और प्रभु परमेश्वर उन्हें उनके पूर्वज दाविद का सिंहासन सौंपेंगे। वे याकूब के वंश पर हमेशा के लिए राज्य करेंगे, तथा उनके राज्य का अंत कभी ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से प्रश्न किया, ये कैसे संभव होगा, क्योंकि मैं तो कुंवारी हूं। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेंगे, तथा परम प्रधान का सामर्थ्य आप पर छाया करेगा, इसलिए जो जन्म लेंगे वो पवित्र और परमेश्वर पुत्र कहलाएंगे। और ये भी सुनिए, आपकी परिजन एलिजाबेथ ने अपनी वृद्धावस्था में एक पुत्र गर्भ धारण किया है। वो जो बांझ कहलाती थी, उन्हें 6 माह का गर्भ है। परमेश्वर के लिए असंभव कुछ भी नहीं। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, मेरे लिए वही सब हो जैसा आपने कहा है। तब वो स्वर्गदूत उनके पास से चला गया। मरियम तुरंत यहूदिया प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के एक नगर को चली गई। वहां उन्होंने जकरिया के घर पर जाकर एलिजाबेथ को नमस्कार किया। जैसे ही एलिजाबेथ ने मरियम का नमस्कार सुना, उनके गर्भ में शिशु उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर गई। वो उल्लसित शब्द में बोल उठी, तुम सभी नारियों में धन्य हो, और धन्य है तुम्हारे गर्भ का फल। मुझ पर ये कैसी कृपा दृष्टि हुई है, जो मेरे प्रभु की माता मुझसे भेंट करने आई हैं। देखो तो, जैसे ही तुम्हारा नमस्कार मेरे कानों में पड़ा, हर्षोल्लास से मेरे गर्भ में शिशु उछल पड़ा। धन्य है वो जिसने प्रभु द्वारा कही हुई बातों के पूरा होने का विश्वास किया है। इस पर मरियम के वचन ये थे, मेरा प्राण प्रभु की प्रशंसा करता है, और मेरी अंतरात्मा परमेश्वर मेरे उद्धारकर्ता में आनंदित हुई है, क्योंकि उन्होंने अपनी दासी की दीनता की ओर दृष्टि की है। अब से सभी पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सामर्थी ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। पवित्र है उनका नाम, उनकी दया उनके श्रद्धालुओं पर पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। अपने भुजबल से उन्होंने प्रतापी काम किए हैं और अभिमानियों को बिखरा दिया है। परमेश्वर ने राजाओं को उनके सिंहासनों से नीचे उतार दिया, तथा विनम्रों को उठाया है। उन्होंने भूखों को उत्तम पदार्थों से तृप्त किया, तथा संपन्नों को खाली लौटा दिया। उन्होंने अपने सेवक इज़राइल की सहायता अपनी उस करुणा के स्मरण में की, जिसकी प्रतिज्ञा उसने हमारे बाप दादों से करी थी, और जो अब्राहम तथा उनके वंशजों पर सदा सर्वदा रहेगी। लगभग 3 माह एलिजाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गईं। एलिजाबेथ का प्रसव काल पूरा हुआ और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। जब पड़ोसियों और परिजनों ने यह सुना कि एलिजाबेथ पर यह अनुग्रह हुआ है, तो वे भी उनके इस आनंद में सम्मिलित हो गए। 8वें दिन वे शिशु के खतना के लिए इकट्ठा हुए। वे शिशु को उसके पिता के नाम पर जकरिया पुकारने लगे, किंतु शिशु की माता ने उत्तर दिया, नहीं, इसका नाम योहन होगा। इस पर उन्होंने एलिजाबेथ से कहा, आपके परिजनों में तो इस नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं है। तब उन्होंने शिशु के पिता से संकेत में प्रश्न किया कि वो शिशु का नाम क्या रखना चाहते हैं। जकरिया ने एक लेखन पट मंगाकर उस पर लिख दिया,
इसका नाम योहन है। ये देख सभी चकित रह गए। उसी क्षण उनकी आवाज लौट आई, उनकी जीभ के बंधन खुल गए और वो परमेश्वर का स्तुति करने लगे। सभी पड़ोसियों में परमेश्वर के प्रति श्रद्धा भाव आ गया और यहूदिया प्रदेश के सभी पर्वतीय क्षेत्र में इसकी चर्चा होने लगी। निसंदेह प्रभु का हाथ उस बालक पर था। जिन्होंने ये सुना उन्होंने इसे याद रखा और ये विचार करते रहे, क्या होगा ये बालक? पवित्र आत्मा से भरकर उनके पिता जकर्याह इन भविष्यवाणियों का वर्णानुभाषण करना, वार्तालाप करना। धन्य है प्रभु इज़राइल के परमेश्वर, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रजा की सुधि ली और उसका उद्धार किया। उन्होंने हमारे लिए अपने सेवक दाविद के वंश में एक उद्धारकर्ता उत्पन्न किया है, जैसा उन्होंने प्राचीन काल के अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से प्रकट किया, शत्रुओं तथा उन सब से जो हमसे घृणा करते हैं बचाए रखा, कि वो हमारे पूर्वजों पर अपनी कृपा दृष्टि प्रदर्शित करें तथा अपनी पवित्र वाचा को पूरा करें, वही वाचा जो उन्होंने हमारे पूर्वज अब्राहम से स्थापित की थी। वो हमें हमारे शत्रुओं से छुड़ाएंगे कि हम पवित्रता और धार्मिकता में निर्भय हो जीवन भर उनकी सेवा कर सके। और बालक तुम मेरे पुत्र परम प्रधान परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता कहलाओगे, क्योंकि तुम उनका मार्ग तैयार करने के लिए प्रभु के आगे आगे चलोगे। तुम परमेश्वर की प्रजा को उसके पापों की क्षमा के द्वारा उद्धार का ज्ञान प्रदान करोगे। हमारे परमेश्वर की अत्यधिक कृपा के कारण स्वर्ग से हम पर प्रकाश का उदय होगा, उन पर जो अंधकार और मृत्यु की छाया में हैं, कि इसके द्वारा शांति के मार्ग पर हमारा मार्गदर्शन हो। बालक योहन का विकास होता गया तथा वो आत्मिक रूप से भी बलवंत होते गए। इज़राइल के सामने सार्वजनिक रूप से प्रकट होने के पहले वो जंगल में निवास करते रहे। ये उस समय की घटना है जब सम्राट कैसर ऑगस्टस की ओर से ये राजाज्ञा घोषित की गई कि सभी रोम शासित राष्ट्रों में जनगणना की जाए। ये सीरिया राज्य पर राज्यपाल क्विरिनियोस के शासनकाल में पहली जनगणना थी। सभी नागरिक अपने नाम लिखवाने के लिए अपने अपने जन्म स्थान को जाने लगे। योसेफ दाविद के वंशज थे, इसलिए वो गलील प्रदेश के नाजरेत नगर से यहूदिया प्रदेश के बैतलहम अर्थात दाविद के नगर गए कि वो भी अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाएं। वहीं मरियम का प्रसव काल पूरा हुआ और उन्होंने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया। क्योंकि यात्री निवास में उनके ठहरने के लिए कोई स्थान उपलब्ध न था। उसी क्षेत्र में कुछ चरवाहे रात के समय मैदानों में अपनी भेड़ों की चौकसी कर रहे थे। सहसा प्रभु का एक स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर फैल गया और चरवाहे अत्यंत डर गए। इस पर स्वर्गदूत ने उन्हें धीरज देते हुए कहा, डरो मत, क्योंकि मैं अतिशय आनंद का एक शुभ संदेश लाया हूँ जो सभी के लिए है। तुम्हारे उद्धारकर्ता ने आज दाविद के नगर में जन्म लिया है। मसीह प्रभु वही है। उनकी पहचान के चिन्ह ये हैं, कपड़ों में लिपटा और चरनी में लेटा हुआ एक शिशु। सहसा उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का एक विशाल समूह प्रकट हुआ जो परमेश्वर की स्तुति इस गान के द्वारा कर रहा था। सबसे ऊंचे स्वर्ग में परमेश्वर की स्तुति तथा पृथ्वी पर उनमें जिन पर उनकी कृपा दृष्टि है शांति स्थापित हो। जब स्वर्गदूत स्वर्ग लौट गए तब चरवाहों ने आपस में विचार किया, आओ हम बैतलहम जाकर वो सब देखें जिसका प्रभु ने हम पर प्रकाशन किया है। इसलिए वे तुरंत चल पड़े और बैतलहम नगर पहुंचकर मरियम
योसेफ तथा उस शिशु को देखा जो चरनी में लेटा हुआ था। उस शिशु का दर्शन कर वे उससे संबंधित सभी बातों को जो उन पर प्रकाशित की गई थी सभी जगह बताने लगे। सभी सुनने वालों के लिए चरवाहों का समाचार आश्चर्य का विषय था। मरियम इन बातों को अपने हृदय में संजोकर उनके बारे में सोच विचार करती रही। चरवाहे परमेश्वर की स्तुति तथा गुणगान करते हुए लौट गए, क्योंकि जो कुछ उन्होंने देखा था वो ठीक वैसा ही था जैसा उन पर प्रकाशित किया गया था। जन्म के आठवें दिन खतना के समय उस शिशु का नाम यीशु रखा गया, वही नाम जो उनके गर्भ में आने के पूर्व स्वर्गदूत द्वारा बताया गया था। जब मूसे की व्यवस्था के अनुरूप मरियम और योसेफ के शुद्ध होने के दिन पूरे हुए, वे शिशु को यरूशलेम लाए कि उसे प्रभु को भेंट किया जाए। जैसा कि व्यवस्था का आदेश है, हर एक पहिलौठा पुत्र प्रभु को भेंट किया जाए, तथा प्रभु के व्यवस्था की आज्ञा के अनुसार एक जोड़ा पंडुकी या कबूतर के दो बच्चों की बलि चढ़ाई जाए। यरूशलेम में शिमोन नामक एक व्यक्ति थे, वो धर्मी तथा श्रद्धालु थे। वो इसराइल की शांति की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन पर पवित्र आत्मा का आच्छादन था। पवित्र आत्मा के द्वारा उन पर यह स्पष्ट कर दिया गया था कि प्रभु के मसीह को देखे बिना उनकी मृत्यु नहीं होगी। पवित्र आत्मा के सिखाने पर शिमोन मंदिर के आंगन में आए। उसी समय मरियम और योसेफ ने व्यवस्था द्वारा निर्धारित विधियों को पूरा करने के उद्देश्य से शिशु यीशु को लेकर वहां प्रवेश किया। शिशु यीशु को देखकर शिमोन ने उन्हें गोद में लेकर परमेश्वर की स्तुति करते हुए कहा, शिमोन का विदाई गान, परमेश्वर प्रधान प्रभु, अब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने सेवक को शांति में विदा कीजिए, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से आपके उद्धार को देख लिया है, जिसे आपने सभी के लिए तैयार किया है। ये आपकी प्रजा इज़राइल का गौरव तथा सब राष्ट्रों की ज्ञान की ज्योति है। मरियम और योसेफ अपने पुत्र के विषय में इन बातों को सुन चकित रह गए। शिमोन ने मरियम को संबोधित करते हुए ये आशीर्वचन कहे, ये पहले से ठहराया हुआ है कि ये शिशु इज़राइल में अनेकों के पतन और उत्थान के लिए चुना गया है। ये एक ऐसा चिन्ह होगा लोकमत जिसके विरुद्ध ही होगा। ये तलवार तुम्हारे ही प्राण को आर पार बेध देगी कि अनेकों के हृदय के विचार प्रकट हो जाएं। हन्ना नामक एक भविष्यद्वक्तिन थी जो आशेर वंश के फनुएल नामक व्यक्ति की पुत्री थी। वो अत्यंत वृद्ध थी तथा विवाह के बाद पति के साथ मात्र 7 वर्ष रहकर विधवा हो गई थी। इस समय उनकी आयु 84 वर्ष थी। उन्होंने मंदिर कभी नहीं छोड़ा और वो दिन रात उपवास तथा प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की उपासना में तल्लीन रहती थी। उसी समय वो वहां आई और परमेश्वर के प्रति धन्यवाद व्यक्त करने लगी। उन्होंने उन सभी को इस शिशु के विषय में सूचित किया जो यरूशलेम के छुटकारे की प्रतीक्षा में थे। जब योसेफ तथा मरियम प्रभु के व्यवस्था में निर्धारित विधियां पूरी कर चुके, वे गलील प्रदेश में अपने नगर नाजरेत लौट गए। बालक यीशु बड़े होते हुए बलवंत होते गए तथा उनकी बुद्धि का विकास होता गया। परमेश्वर उनसे प्रसन्न थे तथा वो उनकी कृपा दृष्टि के पात्र थे। मसीह यीशु के माता पिता प्रतिवर्ष फसा उत्सव के उपलक्ष्य में यरूशलेम जाया करते थे। जब मसीह यीशु की अवस्था 12 वर्ष की हुई, तब प्रथा के अनुसार वो भी अपने माता पिता के साथ उत्सव के लिए यरूशलेम गए। उत्सव की समाप्ति पर जब उनके माता पिता घर लौट रहे थे, बालक यीशु यरूशलेम में ही ठहर गए। उनके माता पिता इससे अनजान थे। ये सोचकर कि बालक यात्री समूह में ही कहीं होगा, वे उस दिन की यात्रा में आगे बढ़ते गए। जब उन्होंने परिजनों मित्रों में मसीह यीशु को खोजना प्रारंभ किया, मसीह यीशु उन्हें उनके मध्य नहीं मिले, इसलिए वे उन्हें खोजने यरूशलेम लौट गए। 3 दिन बाद उन्होंने मसीह यीशु को मंदिर परिसर में शिक्षकों के साथ बैठा हुआ पाया। वहां बैठे हुए वो उनकी सुन रहे थे तथा उनसे प्रश्न भी कर रहे थे। जिस किसी ने भी उनको सुना, वो उनकी समझ और उनके उत्तरों से चकित थे। उनके माता पिता उन्हें वहां देख चकित रह गए। उनकी माता ने उनसे प्रश्न किया, पुत्र, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया?
तुम्हारे पिता और मैं तुम्हें कितनी बेचैनी से खोज रहे थे। क्यों खोज रहे थे आप मुझे? मसीह यीशु ने उनसे पूछा, क्या आपको ये मालूम न था कि मेरा मेरे पिता के घर में ही होना उचित है? मरियम और योसेफ को मसीह यीशु की इस बात का अर्थ समझ नहीं आया। मसीह यीशु अपने माता पिता के साथ नाजरेत लौट गए और उनके आज्ञाकारी रहे। उनकी माता ने ये सब विषय हृदय में संजोए रखे। मसीह यीशु बुद्धि, डील डॉल तथा परमेश्वर और मनुष्यों की कृपा दृष्टि में बढ़ते चले गए। सम्राट कैसर तिबिरियास के शासनकाल के 15वें वर्ष में, जब पोंतियास पिलातोस यहूदिया प्रदेश का, हेरोदेस गलील प्रदेश का, उसका भाई फिलिपोस इतुरिया और तरखोनितिस प्रदेश का तथा लिसनियस एबिलिन का राज्यपाल था, तथा जब हन्ना और कायफस महायाजक पद पर थे, जकरिया के पुत्र योहन को जब वो जंगल में थे, परमेश्वर की ओर से एक संदेश प्राप्त हुआ। इसलिए योहन यर्दन नदी के आसपास के सभी क्षेत्र में भ्रमण करते हुए पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का प्रचार करने लगे, जैसी बपतिस्मा देने वाले योहन के विषय में भविष्यद्वक्ता यशायाह की भविष्यवाणी है। जंगल में पुकारती हुई आवाज, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, उनके लिए रास्ते सीधे बनाओ, हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पर्वत और पहाड़ी समतल की जाएगी, टेढ़े रास्ते सीधे हो जाएंगे तथा असमतल पथ समतल, हर एक मनुष्य के सामने परमेश्वर का उद्धार स्पष्ट हो जाएगा। बपतिस्मा लेने के उद्देश्य से अपने पास आई भीड़ को संबोधित करते हुए योहन कहते थे, अरे ओ विषैले सर्पों की संतान, तुम्हें आने वाले महाक्रोध से बचकर लौटने की चेतावनी किसने दे दी? सच्चे मन फिराने का प्रमाण दो और इस भ्रम में स्वयं को धोखा ना दो। हम तो अब्राहम की संतान हैं, क्योंकि ये समझ लो कि परमेश्वर में इन पत्थरों तक से अब्राहम की संतान उत्पन्न करने का सामर्थ्य है। पहले ही वृक्षों की जड़ पर कुल्हाड़ी रखी हुई है। हर एक ऐसा पेड़ जिसका फल अच्छा नहीं है, काटा और आग में झोंक दिया जाता है। इस पर भीड़ ने उनसे प्रश्न किया, तब हम क्या करें? योहन ने उन्हें उत्तर दिया, जिस व्यक्ति के पास दो कुर्ते हैं, वो एक उसे दे दे जिसके पास एक भी नहीं है, जिसके पास भोजन है वो भी यही करे। चुंगी लेने वाले भी बपतिस्मा के लिए उनके पास आए और उन्होंने योहन से प्रश्न किया, गुरुवर हमारे लिए उचित क्या है? निर्धारित राशि से अधिक मत लो, योहन ने उत्तर दिया। कुछ सिपाहियों ने उनसे प्रश्न किया, हमें बताइए हम क्या करें? योहन ने उत्तर दिया, ना तो डरा धमका कर लोगों से पैसा ऐंठो और ना ही उन पर झूठा आरोप लगाओ, परंतु अपने वेतन में ही संतुष्ट रहो। बड़ी जिज्ञासा के भाव में भीड़ ये जानने का प्रयास कर रही थी और अपने अपने हृदय में यही विचार कर रहे थे कि कहीं योहन ही तो मसीह नहीं है। भीड़ को संबोधित करते हुए योहन ने स्पष्ट किया, मेरा बपतिस्मा तो मात्र जल बपतिस्मा है, किंतु एक मुझसे अधिक शक्तिमान आ रहे हैं। मैं तो उनकी जूतियों के बंद खोलने योग्य भी नहीं। वही हैं जो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देंगे। वो गेहूं को निरुपयोगी भूसी और डंठल से अलग करते हैं। वो गेहूं को खलियान में इकट्ठा करेंगे तथा भूसी को कभी न बुझने वाली आग में स्वाहा कर देंगे। योहन अनेक प्रकार से शिक्षा देते हुए लोगों में सुसमाचार का प्रचार करते रहे। जब योहन ने राज्यपाल हेरोदेस को उसके भाई की पत्नी हेरोदियस के विषय में तथा स्वयं उसी के द्वारा किए गए अन्य कुकर्मों के कारण फटकार लगाई, तब हेरोदेस ने एक और कुकर्म किया। उसने योहन ही को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। जब लोग योहन से बपतिस्मा ले रहे थे, उन्होंने मसीह यीशु को भी बपतिस्मा दिया। इस अवसर पर जब मसीह यीशु प्रार्थना कर रहे थे, स्वर्ग खोल दिया गया और पवित्र आत्मा मसीह यीशु पर शारीरिक रूप में कबूतर के समान उतरे और स्वर्ग से निकला एक शब्द सुना गया, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे प्रिय, मैं तुम में पूरी तरह संतुष्ट हूं।
मसीह यीशु ने जब अपनी सेवकाई प्रारंभ की तब उनकी अवस्था लगभग 30 वर्ष की थी, जैसा समझा जाता है कि वो योसेफ के पुत्र हैं। योसेफ हेली के, हेली मत्ताथा के, मत्ताथा लेवी के, लेवी मेलखी के, मेलखी यन्नाई के, यन्नाई योसेफ के, योसेफ मत्ताथिया के, मत्ताथिया आमोस के, आमोस नहूम के, नहूम एजली के, एजली नग्गाई के, नग्गाई माहत के, माहत मत्ताथिया के, मत्ताथिया सेमई के, सेमई योसेख के, योसेख योदा के, योदा योअनान के, योअनान रेसा के, रेसा ग्योरो बाबेल के, ग्योरो बाबेल सलाथियल के, सलाथियल नेरी के, नेरी मेलखी के, मेलखी अद्दी के, अद्दी कोसम के, कोसम एलमुदम के, एलमुदम एर के, एर योसेस के, योसेस एलियेजर के, एलियेजर योरीम के, योरीम मत्थात के, मत्थात लेवी के, लेवी शमौन के, शमौन यहूदा के, यहूदा योसेफ के, योसेफ योनन के, योनन एलियाकिम के, एलियाकिम मेलिया के, मेलिया महिनन के, महिनन मत्ताथा के, मत्ताथा नाथान के, नाथान दाविद के, दाविद यीशे के, यीशे ओबेद के, ओबेद बोअज के, बोअज सलमोन के, सलमोन नहशोन के, नहशोन अमीनादाब के, अमीनादाब आदमीन के, आदमीन आर्नी के, आर्नी हेस्रोन के, हेस्रोन फारेस के, फारेस यहूदा के, यहूदा याकोब के, याकोब इसहाक के, इसहाक अब्राहम के, अब्राहम थेरा के, थेरा नाखोर के, नाखोर से रुख के, से रुख रागाव के, रागाव फालेक के, फालेक ईबर के, ईबर शेलाह के, शेलाह केनन के, केनन अरफाशाग के, अरफाशाग शेम के, शेम नोहा के, नोहा लामेक के, लामेक मेथुसेला के, मेथुसेला हनोक, हनोक यारेत के, यारेत मालेलियल के, मालेलियल काइनम के, काइनम इनाश के, इनाश सेत के, सेत आदम के, और आदम परमेश्वर के पुत्र थे। पवित्र आत्मा से भरकर मसीह यीशु यर्दन नदी से लौटे और आत्मा उन्हें जंगल में ले गया, जहां 40 दिन तक शैतान उन्हें परीक्षा में डालने का प्रयास करता रहा। इस अवधि में वो पूरी तरह बिना भोजन के रहे। इसके बाद उन्हें भूख लगी। शैतान ने उनसे कहा, यदि तुम परमेश्वर पुत्र हो तो इस पत्थर को आज्ञा दो कि ये रोटी बन जाए। मसीह यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य मात्र रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा। इसके बाद शैतान ने उन्हें ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर क्षण मात्र में सारे विश्व के सभी राज्यों की झलक दिखाई और उनसे कहा, इन सब का सारा अधिकार और वैभव मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि ये सब मुझे सौंपे गए हैं, इसलिए ये सब मैं अपनी इच्छा से किसी को भी दे सकता हूँ। यदि तुम मात्र मेरी आराधना करो तो ये सब तुम्हारा हो जाएगा। मसीह यीशु ने इसके उत्तर में कहा, लिखा है, तुम केवल प्रभु अपने परमेश्वर की ही वंदना करना तथा मात्र उन्हीं की सेवा करना। इसके बाद शैतान ने उन्हें यरूशलेम ले जाकर मंदिर की चोटी पर खड़ा कर दिया और उनसे कहा, यदि तुम परमेश्वर पुत्र हो तो यहाँ से कूद जाओ, क्योंकि लिखा है, वो अपने स्वर्ग दूतों को तुम्हारी सुरक्षा के संबंध में आज्ञा देंगे तथा वे तुम्हें हाथों हाथ उठा लेंगे कि तुम्हारे पांव को पत्थर से चोट न लगे। इसके उत्तर में मसीह यीशु ने उससे कहा, ये भी तो लिखा है, तुम प्रभु अपने परमेश्वर को ना परखना। जब शैतान मसीह यीशु को परीक्षा में डालने के सभी प्रयास कर चुका, वो उन्हें किसी सटीक अवसर तक के लिए छोड़कर चला गया। मसीह यीशु आत्मा के सामर्थ्य में गलील प्रदेश लौट गए
नजदीकी सभी नगरों में उनके विषय में समाचार फैल गया। मसीह यीशु यहूदी सभागृहों में शिक्षा देते थे तथा सभी उनकी सराहना करते थे। मसीह यीशु नाजरेत नगर आए, जहां उनका पालन पोषण हुआ था। शब्बात पर अपनी रीति के अनुसार वो यहूदी सभागृह में जाकर पवित्र शास्त्र पढ़ने के लिए खड़े हो गए। उन्हें भविष्यद्वक्ता यशायाह का अभिलेख दिया गया। उन्होंने उसमें वो जगह निकाली जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मेरे साथ है, क्योंकि उन्होंने कंगालों को सुसमाचार देने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उन्होंने मुझे बंदियों के छुटकारे का प्रचार, अंधों को रोशनी, कुचले हुओं को कष्ट से छुड़ाने तथा प्रभु की कृपा दृष्टि के समय के प्रचार के लिए भेजा है। तब उन्होंने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथों में दे दी और स्वयं बैठ गए। सभागृह में हर एक व्यक्ति उन्हें एक टक देख रहा था। मसीह यीशु ने आगे कहा, आज आपके सुनते सुनते ये लेख पूरा हुआ। सभी मसीह यीशु की सराहना कर रहे थे तथा उनके मुख से निकलने वाले सुंदर विचारों ने सबको चकित कर रखा था। वे आपस में पूछ रहे थे, ये योसेफ का ही पुत्र है ना? मसीह यीशु ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, मैं जानता हूं कि आप मुझसे ये कहना चाहेंगे, अरे चिकित्सक, पहले स्वयं को तो स्वस्थ कर, अपने गृह नगर में भी वो सब कर दिखा जो हमने तुझे कफरनहूम में करते सुना है। मसीह यीशु ने आगे कहा, वास्तव में कोई भी भविष्यद्वक्ता अपने गृह नगर में सम्मान नहीं पाता। सच तो ये है कि एलिया के समय में जब 3.5 वर्ष वर्षा न हुई, इज़राइल राष्ट्र में अनेक विधवाएं थी तथा सभी राष्ट्र में भयंकर अकाल पड़ा। एलिया को उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, अतिरिक्त उसके जो सीदोन प्रदेश के सारेप्ता नगर में थी। वैसे ही भविष्यद्वक्ता एलीशा के समय में इज़राइल राष्ट्र में अनेक कोढ़ रोगी थे, किंतु सीरियावासी नामान के अतिरिक्त कोई भी शुद्ध नहीं किया गया। ये सुनते ही यहूदी सभागृह में इकट्ठा सभी व्यक्ति अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने मसीह यीशु को धक्के मारते हुए नगर से बाहर निकाल दिया और उन्हें खींचते हुए उस पर्वत शिखर पर ले गए जिस पर वो नगर बसा हुआ था, कि उन्हें चट्टान पर से नीचे धकेल दे। किंतु मसीह यीशु बचते हुए भीड़ के बीच से निकल गए। वहां से वो गलील प्रदेश के कफरनहूम नामक नगर में आए और शब्बात पर लोगों को शिक्षा देने लगे। मसीह यीशु की शिक्षा उनके लिए आश्चर्य का विषय थी, क्योंकि उनका संदेश अधिकार पूर्ण होता था। सभागृह में एक प्रेतात्मा से पीड़ित व्यक्ति था। वो ऊंचे शब्द में बोल उठा, ओ नाजरेत के यीशु, हमारा और तुम्हारा एक दूसरे से क्या लेना देना? क्या तुम हमें नाश करने आए हो? हम सब जानते हैं कि तुम कौन हो, परमेश्वर के पवित्र जन। चुप! मसीह यीशु ने कड़े शब्द में कहा, उसमें से बाहर निकला। प्रेत ने उस व्यक्ति को उन सब के सामने भूमि पर पटक दिया और उस व्यक्ति की हानि किए बिना उसमें से निकल गया। ये देख वे सभी चकित रह गए और आपस में कहने लगे, विलक्षण है ये संदेश, ये बड़े अधिकार तथा सामर्थ्य के साथ प्रेतों को आज्ञा देता है और वे मनुष्यों में से बाहर आ जाते हैं। उनके विषय में ये वर्णन आसपास के सभी क्षेत्रों में फैल गया। यहूदी सभागृह से निकलकर मसीह यीशु शिमोन के निवास पर गए। वहां शिमोन की सास ज्वर पीड़ित थी। शिष्यों ने मसीह यीशु से उन्हें स्वस्थ करने की विनती की। मसीह यीशु ने उनके पास जाकर ज्वर को फटकारा और ज्वर उन्हें छोड़ चला गया। वो तुरंत बिछौने से उठकर उनकी सेवा टहल में जुट गईं। सूर्यास्त के समय लोग विभिन्न रोगों से पीड़ितों को उनके पास ले आए। मसीह यीशु ने हर एक पर हाथ रख उन्हें रोग से मुक्ति प्रदान की। इसके अतिरिक्त अनेकों में से प्रेत ये चिल्लाते हुए बाहर निकल गए, आप तो परमेश्वर पुत्र हैं, किंतु मसीह यीशु उन्हें डांट कर बोलने से रोक देते थे।
क्योंकि प्रेत उनके मसीह होने के सत्य से परिचित थे। पौ फटते ही मसीह यीशु एक सुनसान स्थल पर चले गए। लोग उन्हें खोजते हुए वहां पहुंच गए। वे प्रयास कर रहे थे कि मसीह यीशु उन्हें छोड़कर ना जाएं। मसीह यीशु ने स्पष्ट किया, ये जरूरी है कि मैं अन्य नगरों में भी जाकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार दूं, क्योंकि मुझे इसी उद्देश्य से भेजा गया है। इसलिए वो यहूदिया प्रदेश के यहूदी सभागृहों में सुसमाचार का प्रचार करते रहे। एक दिन मसीह यीशु गनेसरत झील के तट पर खड़े थे। वहां एक बड़ी भीड़ उनसे परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिर पड़ रही थी। मसीह यीशु ने तट पर नावें देखी। मछुआरे उन्हें छोड़कर चले गए थे क्योंकि वे अपने जाल धो रहे थे। मसीह यीशु एक नाव पर बैठ गए जो शिमोन की थी। उन्होंने शिमोन से नाव को तट से कुछ दूर झील में ले जाने के लिए कहा और तब उन्होंने नाव में बैठकर इकट्ठा भीड़ को शिक्षा देनी प्रारंभ कर दी। जब वो अपना विषय समाप्त कर चुके, शिमोन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, नाव को गहरे जल में ले चलो और तब जाल डालो। शिमोन प्रभु से बोले, स्वामी हम रात भर कठिन परिश्रम कर चुके हैं किंतु हाथ कुछ ना लगा, फिर भी इसलिए कि ये आप कह रहे हैं मैं जाल डाल देता हूँ। ये कहते हुए उन्होंने जाल डाल दिए। जाल में इतनी बड़ी संख्या में मछलियां आ गई कि जाल फटने लगे। इसलिए उन्होंने दूसरी नाव के सह मछुआरों को सहायता के लिए बुलाया। उन्होंने आकर सहायता की और दोनों नावों में इतनी मछलियां भर गईं कि बोझ के कारण नावें डूबने लगीं। सच्चाई का एहसास होते ही शिमोन मसीह यीशु के चरणों पर गिर कहने लगे, आप मुझसे दूर ही रहिए प्रभु, मैं एक पापी मनुष्य हूँ। ये इसलिए कि शिमोन तथा उनके साथी मछुआरे इतनी मछलियों के पकड़े जाने से अचंभित थे। शिमोन के अन्य साथी जेबेदियास के दोनों पुत्र याकोब और योहन भी ये देख भौचक्के रह गए थे। तब मसीह यीशु ने शिमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मछलियों को नहीं मनुष्यों को मेरे पास लाओगे। इसलिए उन्होंने नावें तट पर लगाई और सब कुछ त्याग कर मसीह यीशु के पीछे चलने लगे। किसी नगर में एक व्यक्ति था जिसके सारे शरीर में कोढ़ रोग फैल चुका था। मसीह यीशु को देख उसने भूमि पर गिरकर उनसे विनती की, प्रभु यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। मसीह यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसका स्पर्श किया और कहा, मैं चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। तत्काल ही उसे कोढ़ रोग से चंगाई प्राप्त हो गई। मसीह यीशु ने उसे आज्ञा दी, इसके विषय में किसी से कुछ ना कहना, परंतु जाकर याजक को अपने शुद्ध होने का प्रमाण दो तथा मोशे द्वारा निर्धारित शुद्धि बलि भेंट करो कि तुम्हारा कोढ़ से छुटकारा उनके सामने गवाही हो जाए। फिर भी मसीह यीशु के विषय में समाचार और भी अधिक फैलता गया। परिणाम स्वरूप लोग भारी संख्या में उनके प्रवचन सुनने और बीमारियों से चंगा होने की अभिलाषा से उनके पास आने लगे। मसीह यीशु प्रायः भीड़ को छोड़ गुप्त रूप से एकांत में जाकर प्रार्थना किया करते थे। एक दिन जब मसीह यीशु शिक्षा दे रहे थे, फरीसी तथा व्यवस्थापक जो गलील तथा यहूदिया प्रदेशों तथा यरूशलेम नगर से वहां आए थे बैठे हुए थे। रोगियों को स्वस्थ करने का परमेश्वर प्रदत्त सामर्थ्य मसीह यीशु में सक्रिय था। कुछ व्यक्ति एक लकवे के रोगी को बिछौने पर लिटाकर वहां लाए। ये लोग रोगी को मसीह यीशु के सामने लाने का प्रयास कर रहे थे। जब वे भीड़ के कारण उसे भीतर ले जाने में असफल रहे तो वे छत पर चढ़ गए और छत में से उसके बिछौने सहित रोगी को मसीह यीशु के ठीक सामने उतार दिया।
तुम्हारे विश्वास देख मसीह यीशु ने कहा, वत्स, तुम्हारे पाप क्षमा किए जा चुके हैं। फरीसी और शास्त्री अपने मन में विचार करने लगे, कौन है ये व्यक्ति जो परमेश्वर निंदा कर रहा है? भला परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कौन पाप क्षमा कर सकता है? ये जानते हुए कि उनके मन में क्या विचार उठ रहे थे, मसीह यीशु ने उनसे कहा, आप अपने मन में इस प्रकार के तर्क वितर्क क्यों कर रहे हैं? क्या कहना सरल होगा, तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए गए या उठो और चलो? किंतु इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको ये मालूम हो जाए कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। मैं लकवे के इस रोगी से कह रहा हूं, मेरी आज्ञा है, खड़े हो जाओ, अपना बिछौना उठाओ और घर जाओ। उसी क्षण वो रोगी उन सब के सामने उठ खड़ा हुआ, अपना बिछौना उठाया जिस पर वो लेटा हुआ था और परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए घर चला गया। सभी हैरान रह गए, सभी परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे। श्रद्धा से भर कर वे कह रहे थे, हमने आज अनोखे काम होते देखे हैं। जब वो वहां से जा रहे थे, उनकी दृष्टि एक चुंगी लेने वाले पर पड़ी जिनका नाम लेवी था। वो अपनी चौकी पर बैठे काम कर रहे थे। मसीह यीशु ने उन्हें आज्ञा दी, आओ मेरे पीछे हो लो। लेवी उठे तथा सभी कुछ वहीं छोड़कर मसीह यीशु के पीछे हो लिए। मसीह यीशु के सम्मान में लेवी ने अपने घर पर एक बड़े भोज का आयोजन किया। बड़ी संख्या में चुंगी लेने वालों के अतिरिक्त वहां अनेक अन्य व्यक्ति भी इकट्ठा थे। ये देख उस संप्रदाय के फरीसी और शास्त्री मसीह यीशु के शिष्यों से कहने लगे, तुम लोग चुंगी लेने वालों तथा अपराधियों के साथ क्यों खाते पीते हो? मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, चिकित्सक की जरूरत स्वस्थ व्यक्ति को नहीं रोगी को होती है। मैं पृथ्वी पर धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ कि वे पश्चाताप करें। फरीसियों और शास्त्रियों ने उन्हें याद दिलाते हुए कहा, यूहन के शिष्य अक्सर उपवास और प्रार्थना करते हैं, फरीसियों के शिष्य भी यही करते हैं, किंतु आपके शिष्य तो खाते पीते रहते हैं। मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या वर की उपस्थिति में अतिथियों से उपवास की आशा की जा सकती है? किंतु वो समय आएगा जब वर उनके मध्य से हटा लिया जाएगा, वे उस समय उपवास करेंगे। मसीह यीशु ने उनके सामने ये दृष्टांत प्रस्तुत किया, पुराने वस्त्र पर नए वस्त्र का जोड़ नहीं लगाया जाता। यदि कोई ऐसा करता है तब कोरा वस्त्र तो नाश होता ही है, साथ ही वो जोड़ पुराने वस्त्र पर अशोभनीय भी लगता है। वैसे ही नया दाखरस पुरानी मशकों में रखा नहीं जाता। यदि कोई ऐसा करे तो नया दाखरस मशकों को फाड़ कर बह जाएगा और मटकी भी नाश हो जाएगी। नया दाखरस नई मटकियों में ही रखा जाता है। पुराने दाखरस का पान करने के बाद कोई भी नए दाखरस की इच्छा नहीं करता, क्योंकि वे कहते हैं पुराना दाखरस ही उत्तम है। एक शब्बात पर मसीह यीशु अन्न के खेत से होकर जा रहे थे। उनके शिष्यों ने बालें तोड़कर मसल मसल कर खाना प्रारंभ कर दिया। ये देख कुछ फरीसियों ने कहा, आप शब्बात पे ये काम क्यों कर रहे हैं जो विधान सम्मत नहीं? मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या आपने ये कभी नहीं पढ़ा कि भूख लगने पर दाविद और उनके साथियों ने क्या किया था? दाविद ने परमेश्वर के भवन में प्रवेश कर वो समर्पित रोटी खाई जिसका खाना पुरोहितों के अतिरिक्त किसी अन्य के लिए विधान सम्मत ना था। यही रोटी उन्होंने अपने साथियों को भी दी। मसीह यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र शब्बात का प्रभु है। एक अन्य शब्बात पर मसीह यीशु यहूदी सभागृह में शिक्षा देने लगे। वहाँ एक व्यक्ति था जिसका दायां हाथ सूख गया था। फरीसी और शास्त्री इस अवसर की ताक में थे कि शब्बात पर मसीह यीशु इस व्यक्ति को स्वस्थ करें
और वो उन पर दोष लगा सके। मसीह यीशु को उनके मनों में उठ रहे विचारों का पूरा पता था। उन्होंने उस व्यक्ति को जिसका हाथ सूखा हुआ था आज्ञा दी, उठो, यहाँ सबके मध्य खड़े हो जाओ। वो उठकर वहाँ खड़ा हो गया। तब मसीह यीशु ने फरीसियों और शास्त्रियों को संबोधित कर प्रश्न किया, ये बताइए शब्बात पर क्या करना उचित है, भलाई या बुराई, जीवन रक्षा या विनाश? उन सब पर एक दृष्टि डालते हुए मसीह यीशु ने उस व्यक्ति को आज्ञा दी, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा ही किया, उसका हाथ स्वस्थ हो गया था। ये देख फरीसी और शास्त्री क्रोध से जलने लगे। वे आपस में विचार विमर्श करने लगे कि मसीह यीशु के साथ अब क्या किया जाए। एक दिन मसीह यीशु पर्वत पर प्रार्थना करने चले गए और सारी रात वो परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे। प्रातःकाल उन्होंने अपने चेलों को अपने पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उन्हें प्रेरित पद प्रदान किया। शिमोन, जिन्हें वो पतरस के नाम से पुकारते थे, उनके भाई आंद्रयास, याकूब, योहन, फिलिपोस, बार्थोलोमियास, मत्ती, थोमास, हल्फियास के पुत्र याकूब, राष्ट्रवादी शिमोन, याकूब के पुत्र यहूदा तथा कारियोतवासी यहूदा, जिसने उनके साथ धोखा किया। मसीह यीशु उनके साथ पर्वत से उतरे और आकर एक समतल स्थल पर खड़े हो गए। यरूशलेम तथा समुद्र के किनारे के नगर सोर और सीदोन से आए लोगों तथा सुनने वालों का एक बड़ा समूह वहां इकट्ठा था, जो उनके प्रवचन सुनने और अपने रोगों से चंगाई के उद्देश्य से वहां आया था। इस समूह में वे दुष्टात्मा से पीड़ित भी सम्मिलित थे, जिन्हें मसीह यीशु प्रेत मुक्त करते जा रहे थे। सभी लोग उन्हें छूने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि उनसे निकली हुई सामर्थ्य उन सभी को स्वस्थ कर रही थी। अपने शिष्यों की ओर दृष्टि करते हुए मसीह यीशु ने उनसे कहा, धन्य हो तुम सभी जो निर्धन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो भूखे हो, क्योंकि तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो इस समय रो रहे हो, क्योंकि तुम आनंदित होगे। धन्य हो तुम सभी जिनसे सभी मनुष्य घृणा करते हैं, तुम्हारा बहिष्कार करते हैं, तुम्हारी निंदा करते हैं, तुम्हारे नाम को मनुष्य के पुत्र के कारण बुराई करने वाला घोषित कर देते हैं। आनंदित होकर हर्षोल्लास में उछलो कूदो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा। उनके पूर्वजों ने भी भविष्यद्वक्ताओं को इसी प्रकार सताया था। धिक्कार है तुम पर, तुम जो धनी हो, तुम अपने सारे सुख भोग चुके। धिक्कार है तुम पर, तुम जो अब तृप्त हो, क्योंकि तुम्हारे लिए भूखा रहना निर्धारित है। धिक्कार है तुम पर, तुम जो इस समय हंस रहे हो, क्योंकि तुम शोक तथा विलाप करोगे। धिक्कार है तुम पर, जब सब मनुष्य तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उनके पूर्वज झूठे भविष्यद्वक्ताओं के साथ यही किया करते थे। किंतु तुम जो इस समय मेरे प्रवचन सुन रहे हो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो तथा उनके साथ भलाई, जो तुमसे घृणा करते हैं, जो तुम्हें शाप देते हैं, उनके लिए भलाई की कामना करो, और जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करें, उनके लिए प्रार्थना। यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर प्रहार करे, उसकी ओर दूसरा भी फेर दो। यदि कोई तुम्हारी चादर लेना चाहे, तो उसे अपना कुर्ता भी देने में संकोच न करो। जब भी कोई तुमसे कुछ मांगे, तो उसे अवश्य दो, और यदि कोई तुम्हारी कोई वस्तु ले ले, तो उसे वापस न मांगो। अन्यों के साथ तुम्हारा व्यवहार ठीक वैसा ही हो, जैसे व्यवहार की आशा तुम उनसे अपने लिए करते हो। यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो इसमें तुम्हारी क्या प्रशंसा, क्योंकि दुर्जन भी तो यही करते हैं। वैसे ही यदि तुम उन्हीं के साथ भलाई करते हो जिन्होंने तुम्हारे साथ भलाई की है, तो इसमें तुम्हारी क्या प्रशंसा, क्योंकि दुर्जन भी तो यही करते हैं। और यदि तुम उन्हीं को कर्ज देते हो जिनसे राशि वापस प्राप्त करने की आशा होती है, तो तुमने कौन सा प्रशंसनीय काम कर दिखाया। ऐसा तो परमेश्वर से दूर रहने वाले लोग भी करते हैं, इस आशा में कि उनकी सारी राशि उन्हें लौटा दी जाएगी। सही तो ये है कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनका उपकार करो, और कुछ भी वापस प्राप्त करने की आशा किए बिना उन्हें कर्ज दे दो। तब तुम्हारा इनाम असाधारण होगा और तुम परम प्रधान की संतान ठहराए जाओगे, क्योंकि वो उनके प्रति भी कृपालु हैं।
जो उपकार नहीं मानते और बुरे हैं, कृपालु बनो, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे पिता कृपालु हैं। किसी का न्याय मत करो तो तुम्हारा भी न्याय नहीं किया जाएगा। किसी पर दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। उदारता पूर्वक दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग तुम्हें अत्यंत उदारता पूर्वक देंगे। देने के तुम्हारे नाप के अनुसार ही तुम प्राप्त करोगे। मसीह यीशु ने उन्हें इस दृष्टांत के द्वारा भी शिक्षा दी। क्या कोई अंधा दूसरे अंधे का मार्गदर्शन कर सकता है? क्या वे दोनों ही गड्ढे में न गिरेंगे? विद्यार्थी अपने शिक्षक से बढ़कर नहीं है, परंतु हर एक जिसने शिक्षा पूरी कर ली है वो अपने शिक्षक के समान होगा। तुम अपने भाई के आँख में उस बुरादे के तिनके को क्यों देख रहे हो, जबकि अपने आँख में पड़े लट्ठे का तुम्हें ज्ञान ही नहीं? तुम अपने भाई से ये कैसे कह सकते हो, लाओ मैं तुम्हारी आँख में से बुरादे का तिनका निकाल दूं, जबकि स्वयं तुमको अपनी आँख में पड़ा लट्ठा दिखाई नहीं देता? अरे पाखंडी, पहले अपनी आँख में से लट्ठा तो निकाल, तभी तुझे अपने भाई की आँख में से बुरादे का तिनका निकालने के लिए साफ दृष्टि मिल सकेगी। कोई भी अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं लाता, और ना बुरा पेड़ अच्छा फल। हर एक पेड़ उसके अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है। कंटीले वृक्षों में से लोग अंजीर या कंटीली झाड़ियों में से अंगूर इकट्ठा नहीं किया करते। भला व्यक्ति अपने हृदय में एकत्रित भलाई में से भलाई ही प्रस्तुत करता है, वैसे ही बुरा मनुष्य अपने हृदय में एकत्रित बुरे विचारों में से बुराई ही निकालता है, क्योंकि उसका मुख उसके हृदय के अंदर की वस्तुओं में से ही निकालता है। तुम लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर क्यों पुकारते हो, जबकि मेरी आज्ञाओं का पालन ही नहीं करते? मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो व्यक्ति किस प्रकार का है जो मेरे पास आता है, मेरे संदेश को सुनता तथा उसका पालन करता है। वो उस घर बनाने वाले के जैसा है जिसने गहरी खुदाई करके चट्टान पर नींव डाली। मूसलाधार बारिश के तेज बहाव ने उस घर पर ठोकरें मारी, किंतु उसे हिला ना पाया, क्योंकि वो घर मजबूत था। वो व्यक्ति जो मेरे संदेश को सुनता है किंतु उसका पालन नहीं करता, उस व्यक्ति के समान है जिसने भूमि पर बिना नींव के घर बनाया, और जिस क्षण उस पर तेज बहाव ने ठोकरें मारी वो ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। लोगों को ऊपर लिखी शिक्षा देने के बाद मसीह यीशु कफरनहूम नगर लौट गए। वहां एक सेनापति का एक अत्यंत प्रिय सेवक रोग से बिस्तर पर था। रोग के कारण वो लगभग मरने पर था। मसीह यीशु के विषय में मालूम होने पर सेनापति ने कुछ वरिष्ठ यहूदियों को मसीह यीशु के पास इस विनती के साथ भेजा कि वो आकर उसके सेवक को चंगा करें। उन्होंने मसीह यीशु के पास आकर उनसे विनती कर कहा, ये सेनापति निश्चय ही आपकी इस दया का पात्र है, क्योंकि उसे हमारे राष्ट्र से प्रेम है तथा उसने हमारे लिए सभागृह भी बनाया है। इसलिए मसीह यीशु उनके साथ चले गए। मसीह यीशु उसके घर के पास पहुँचे ही थे कि सेनापति ने अपने मित्रों के द्वारा उन्हें संदेश भेजा, प्रभु आप कष्ट न कीजिए, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे घर पधारे। अपनी इस अयोग्यता को ध्यान में रखते हुए मैं स्वयं आपसे भेंट करने नहीं आया। आप मात्र वचन कह दीजिए और मेरा सेवक स्वस्थ हो जाएगा। मैं स्वयं बड़े अधिकारियों के अधीन नियुक्त हूँ और सैनिक मेरे अधिकार में है। मैं किसी को आदेश देता हूँ जाओ तो वो जाता है, और किसी को आदेश देता हूं इधर आओ तो वो आता है। अपने सेवक से कहता हूं ये करो तो वो वही करता है। ये सुनकर मसीह यीशु अत्यंत चकित हुए और मुड़कर पीछे आ रही भीड़ को संबोधित कर बोले, मैं ये बताना सही समझता हूं कि मुझे इसराइलियों तक में ऐसा दृढ़ विश्वास देखने को नहीं मिला।
वे जो सेनापति द्वारा मसीह यीशु के पास भेजे गए थे, जब घर लौटे तो ये पाया कि वो सेवक स्वस्थ हो चुका था। इसके कुछ ही समय बाद मसीह यीशु नाइन नामक एक नगर को गए। एक बड़ी भीड़ और उनके शिष्य उनके साथ थे। जब वो नगर द्वार पर पहुंचे, एक मृत व्यक्ति अंतिम संस्कार के लिए बाहर लाया जा रहा था, अपनी माता का एक लौता पुत्र, और वो स्वयं विधवा थी, और उसके साथ नगर की एक बड़ी भीड़ थी। उसे देख मसीह यीशु करुणा से भर उठे। उन्होंने उसे कहा, रो मत। तब उन्होंने जाकर उस अर्थी को स्पर्श किया। ये देख वे जिन्होंने उसे उठाया हुआ था रुक गए। तब मसीह यीशु ने कहा, युवक, मैं तुमसे कहता हूं, उठ जाओ। मृतक उठ बैठा और वार्तालाप करने लगा। मसीह यीशु ने माता को उसका जीवित पुत्र सौंप दिया। वे सभी श्रद्धा में परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे। वे कह रहे थे, हमारे मध्य एक तेजस्वी भविष्यद्वक्ता का आगमन हुआ है। परमेश्वर ने अपनी प्रजा की सुधि ली है। मसीह यीशु के विषय में ये समाचार यहूदिया प्रदेश तथा पास के क्षेत्रों में फैल गया। योहन के शिष्यों ने उन्हें इस विषय में सूचना दी। योहन ने अपने दो शिष्यों को प्रभु के पास इस प्रश्न के साथ भेजा, जिनके आगमन की प्रतीक्षा की जा रही है, क्या आप ही हैं या हम किसी अन्य की प्रतीक्षा करें? जब वे दोनों मसीह यीशु के पास पहुंचे, उन्होंने कहा, बपतिस्मा देने वाले योहन ने हमें आपके पास ये पूछने भेजा है, जिनके आगमन की प्रतीक्षा की जा रही है, क्या वो आप ही हैं या हम किसी अन्य की प्रतीक्षा करें? ठीक उसी समय मसीह यीशु अनेकों को स्वस्थ कर रहे थे, जो रोगी, पीड़ित और दुष्ट आत्मा के सताए हुए थे। वो अनेक अंधों को भी दृष्टि प्रदान कर रहे थे। इसलिए मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुमने जो कुछ सुना और देखा है उसकी सूचना योहन को दे दो। अंधे दृष्टि पा रहे हैं, अपंग चल रहे हैं, कोढ़ी शुद्ध होते जा रहे हैं, बहरे सुनने लगे हैं, मृतक जीवित किए जा रहे हैं तथा कंगालों में सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा है। धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर नहीं खाता है। योहन का संदेश लाने वालों के विदा होने के बाद मसीह यीशु ने भीड़ से योहन के विषय में कहना प्रारंभ किया, तुम्हारी आशा जंगल में क्या देखने की थी? हवा में हिलते हुए सरकंडे को? यदि ये नहीं तो फिर कीमती वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को? सुनो, जो ऐसे वस्त्र पहनते हैं उनका निवास राजमहलों में होता है। तुम वास्तव में क्या देखने गए थे? एक भविष्यद्वक्ता को? हाँ, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये वो है जो भविष्यद्वक्ता से भी बढ़कर हैं। ये वही हैं जिनके विषय में लिखा गया है, मैं अपना दूत तुम्हारे आगे भेज रहा हूं, जो तुम्हारे आगे आगे चलकर तुम्हारे लिए मार्ग तैयार करेगा। सच तो ये है, प्राकृतिक रूप से जन्मे हुओं में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं जो योहन से बढ़कर हो। फिर भी परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा भी योहन से बढ़कर है। जब सभी लोगों ने, यहाँ तक कि चुंगी लेने वालों ने मसीह यीशु के वचन सुने, तो उन्होंने योहन का बपतिस्मा लेने के द्वारा ये स्वीकार किया कि परमेश्वर की योजना सही है। किंतु फरीसियों और शास्त्रियों ने बपतिस्मा न लेकर उनके लिए तय परमेश्वर के उद्देश्य को अस्वीकार कर दिया। मसीह यीशु ने आगे कहा, इस पीढ़ी के लोगों की तुलना मैं किससे करूं? किसके समान है ये हाट में बैठे हुए उन बालकों के समान हैं, जो एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई किंतु तुम नहीं नाचे, हमने तुम्हारे लिए शोक गीत भी गाया फिर भी तुम ना रोए। बपतिस्मा देने वाले योहन रोटी नहीं खाते थे और दाखरस का सेवन भी नहीं करते थे, इसलिए तुमने घोषित कर दिया उसमें प्रेत का वास है। मनुष्य के पुत्र का आहार सामान्य है, इसलिए तुमने घोषित कर दिया, अरे वो तो पेटू और पियक्कड़ है, वो तो चुंगी लेने वालों तथा अपराधियों का मित्र है। फिर भी ज्ञान की सच्चाई उसकी सभी संतानों द्वारा प्रकट की गई है। एक फरीसी ने मसीह यीशु को भोज पर आमंत्रित किया। मसीह यीशु आमंत्रण स्वीकार कर वहां गए और भोजन के लिए बैठ गए। नगर की एक पापिन स्त्री, ये मालूम होने पर कि मसीह यीशु
वहां आमंत्रित हैं, संगमरमर के एक बर्तन में इत्र लेकर आई। और उनके चरणों के पास रोती हुई खड़ी हो गई। उसके आंसुओं से उनके पांव भीगने लगे। तब उसने प्रभु के पांवों को अपने बालों से पोंछा, उनके पांवों को चूमा तथा उस इत्र को उनके पांवों पर उंडेल दिया। जब उस फरीसी ने जिसने मसीह यीशु को आमंत्रित किया था ये देखा तो मन में विचार करने लगा, यदि यह व्यक्ति वास्तव में भविष्यद्वक्ता होता तो अवश्य जान जाता कि जो स्त्री उसे छू रही है वो कौन है, एक पापी स्त्री। मसीह यीशु ने उस फरीसी को कहा, शिमोन मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहिए गुरुवर, उसने कहा। मसीह यीशु ने कहा, एक साहूकार के दो कर्जदार थे, एक 500 दिनार का तथा दूसरा 50 का। दोनों ही कर्ज चुकाने में असमर्थ थे, इसलिए उस साहूकार ने दोनों ही के कर्ज क्षमा कर दिए। ये बताओ दोनों में से कौन उस साहूकार से अधिक प्रेम करेगा? शिमोन ने उत्तर दिया, मेरे विचार से वो जिसकी बड़ी राशि क्षमा की गई। तुमने सही उत्तर दिया, मसीह यीशु ने कहा। तब उस स्त्री से उन्मुख होकर मसीह यीशु ने शिमोन से कहा, इस स्त्री की ओर देखो, मैं तुम्हारे यहाँ आया, तुमने तो मुझे पांव धोने के लिए भी जल न दिया, किंतु इसने अपने आंसुओं से मेरे पांव भिगो दिए और अपने केशों से उन्हें पोंछ दिया। तुमने चुंबन से मेरा स्वागत नहीं किया, किंतु ये स्त्री मेरे पांवों को चूमती रही। तुमने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, किंतु इसने मेरे पांवों पर इत्र उंडेल दिया है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि ये मुझसे इतना अधिक प्रेम इसलिए करती है कि इसके बहुत पाप क्षमा कर दिए गए हैं, किंतु वो जिसके थोड़े ही पाप क्षमा किए गए हैं प्रेम भी थोड़ा ही करता है। तब मसीह यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। आमंत्रित अतिथि आपस में विचार विमर्श करने लगे, कौन है ये जो पाप भी क्षमा करता है? मसीह यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे उद्धार का कारण है, परमेश्वर की शांति में विदा हो जाओ। इसके बाद शीघ्र ही मसीह यीशु परमेश्वर के राज्य की घोषणा तथा प्रचार करते हुए नगर नगर और गांव गांव फिरने लगे। 12 शिष्य उनके साथ साथ थे। इनके अतिरिक्त कुछ वे स्त्रियां भी उनके साथ यात्रा कर रही थी जिन्हें रोगों और प्रेतों से छुटकारा दिलाया गया था। मगदाला वासी मरियम, जिसमें से 7 प्रेत निकाले गए थे, हेरोदेस के भंडारी कूजा की पत्नी योहान्ना, सुजन्ना तथा अन्य स्त्रियां। ये वे स्त्रियां थीं जो अपनी संपत्ति से इनकी सहायता कर रही थीं। जब नगर नगर से बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रही थी और लोग मसीह यीशु के पास आ रहे थे, मसीह यीशु ने उन्हें इस दृष्टांत के द्वारा शिक्षा दी। एक किसान बीज बोने निकला। जब वो बीज बिखरा रहा था, कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, पैरों के नीचे कुचले गए तथा आकाश के पक्षियों ने उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर जा पड़े, वे अंकुरित तो हुए परंतु नमी न होने के कारण मुरझा गए। कुछ बीज कंटीली झाड़ियों में जा पड़े और झाड़ियों ने उनके साथ बड़े होते हुए उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, बड़े हुए और फल लाए, जितना बोया गया था उससे 100 गुणा। जब मसीह यीशु ये दृष्टांत सुना चुके तो उन्होंने ऊंचे शब्द में कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। उनके शिष्यों ने उनसे प्रश्न किया, इस दृष्टांत का अर्थ क्या है? मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम्हें तो परमेश्वर के राज्य का भेद जानने की क्षमता प्रदान की गई है, किंतु अन्यों के लिए मुझे दृष्टांतों का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे कि वे देखते हुए भी न देखें और सुनते हुए भी न समझें। इस दृष्टांत का अर्थ ये है, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे की भूमि वे लोग हैं जो वचन सुनते तो हैं, किंतु शैतान आता है और उनके मन से वचन उठा ले जाता है कि वे विश्वास करके उद्धार प्राप्त न कर सकें। पथरीली भूमि वे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनने पर
खुशी से स्वीकारते हैं, किंतु उनमें जड़ न होने के कारण वे विश्वास में थोड़े समय के लिए ही स्थिर रह पाते हैं। कठिन परिस्थितियों में घिरने पर वे विश्वास से दूर हो जाते हैं। वो भूमि जहां बीज कंटीली झाड़ियों के मध्य गिरा, वे लोग हैं जो सुनते तो हैं, किंतु जब वे जीवन पथ पर आगे बढ़ते हैं, जीवन की चिंताएं, धन तथा विलासिता उनका दमन कर देती हैं और वे मजबूत हो ही नहीं पाते। इसके विपरीत उत्तम भूमि वे लोग हैं जो भले और निष्कपट हृदय से वचन सुनते हैं और उसे दृढ़ता पूर्वक थामे रहते हैं तथा निरंतर फल लाते हैं। कोई भी दीपक को जलाकर न तो उसे बर्तन से ढांकता है और न ही उसे पलंग के नीचे रखता है, परंतु उसे दीवट पर रखता है कि कमरे में प्रवेश करने पर लोग देख सके। ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जिसे प्रकट न किया जाएगा तथा ऐसा कोई रहस्य नहीं जिसे उजागर कर सामने न लाया जाएगा। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखो कि तुम कैसे सुनते हो। जिस किसी के पास है उसे और भी दिया जाएगा तथा जिस किसी के पास नहीं है उसके पास से वो भी ले लिया जाएगा जो उसके विचार से उसका है। तब मसीह यीशु की माता और उनके भाई उनसे भेंट करने वहां आए, किंतु लोगों की भीड़ के कारण वे उनके पास पहुंचने में असमर्थ रहे। किसी ने मसीह यीशु को सूचना दी, आपकी माता और आपके भाई बाहर खड़े हैं, वे आपसे भेंट करना चाह रहे हैं। मसीह यीशु ने कहा, मेरी माता और भाई वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते तथा उसका पालन करते हैं। एक दिन मसीह यीशु ने शिष्यों से कहा, आओ हम झील की दूसरी ओर चलें। इसलिए वे सब नाव में बैठकर चल दिए। जब वे नाव खे रहे थे, मसीह यीशु सो गए। उसी समय झील पर प्रचंड बवंडर उठा, यहां तक कि नाव में जल भरने लगा और उनका जीवन खतरे में पड़ गया। शिष्यों ने जाकर मसीह यीशु को जगाते हुए कहा, स्वामी स्वामी हम नाश हुए जा रहे हैं। मसीह यीशु उठे और बवंडर और तेज लहरों को डांटा। शांत हो गई। कहां है तुम्हारा विश्वास? मसीह यीशु ने अपने शिष्यों से प्रश्न किया। भय और अचंभे में वे एक दूसरे से पूछने लगे, कौन है ये जो बवंडर और लहरों तक को आदेश देते हैं और वे भी उनके आदेशों का पालन करती हैं? इसके बाद वे गिरासेन प्रदेश में आए जो गलील झील के दूसरी ओर है। जब मसीह यीशु तट पर उतरे, उनकी भेंट एक ऐसे व्यक्ति से हो गई जिसमें अनेक प्रेत समाये हुए थे। प्रेतात्मा से पीड़ित व्यक्ति उनके पास आ गया। ये व्यक्ति लंबे समय से कपड़े न पहनता था। वो मकान में नहीं परंतु कब्रों की गुफाओं में रहता था। मसीह यीशु पर दृष्टि पड़ते ही वो चिल्लाता हुआ उनके चरणों में जा गिरा और अत्यंत ऊंचे शब्द में चिल्लाया, यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मेरा और आपका एक दूसरे से क्या लेना देना? आपसे मेरी विनती है कि आप मुझे कष्ट ना दें। क्योंकि मसीह यीशु दुष्टात्मा को उस व्यक्ति में से निकल जाने की आज्ञा दे चुके थे। समय समय पर प्रेत उस व्यक्ति पर प्रबल हो जाया करता था तथा लोग उसे सांकलों और बेड़ियों में बांधकर पहरे पे रखते थे। फिर भी वो प्रेत बेड़ियां तोड़ उसे सुनसान स्थान में ले जाता था। मसीह यीशु ने उससे प्रश्न किया, क्या नाम है तुम्हारा? विशाल सेना, उसने उत्तर दिया, क्योंकि अनेक प्रेत उसमें समाये हुए थे। प्रेतगण मसीह यीशु से निरंतर विनती कर रहे थे कि वो उन्हें अथाह गड्ढे में ना भेजे। वहीं पहाड़ी के ढाल पर सुअरों का एक विशाल समूह चर रहा था। प्रेतों ने मसीह यीशु से विनती की कि वो उन्हें सुअरों में जाने की अनुमति दे दे। मसीह यीशु ने उन्हें अनुमति दे दी।
जब प्रेत उस व्यक्ति में से बाहर आए, उन्होंने तुरंत जाकर सुअरों में प्रवेश किया और सुअर ढाल से झपट कर दौड़ते हुए झील में जा डूबे। इन सुअरों के चरवाहे ये देख दौड़ कर गए और नगर तथा उस प्रदेश में सब जगह इस घटना के विषय में बताने लगे। लोग वहां ये देखने आने लगे कि क्या हुआ है। तब वे मसीह यीशु के पास आए। वहां उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति जो पहले प्रेतात्मा से पीड़ित था, वस्त्र धारण किए हुए पूरी तरह स्वस्थ और सचेत मसीह यीशु के चरणों में बैठा हुआ है। ये देख वे हैरान रह गए। जिन्होंने ये सब देखा, उन्होंने जाकर अन्यों को सूचित किया कि ये प्रेतात्मा से पीड़ित व्यक्ति किस प्रकार प्रेत से दूर हुआ है। तब गिरासेन प्रदेश तथा पास के क्षेत्रों के सभी निवासियों ने मसीह यीशु को वहां से दूर चले जाने को कहा, क्योंकि वे अत्यंत भयभीत हो गए थे। इसलिए मसीह यीशु नाव द्वारा वहां से चले गए। वो व्यक्ति जिसमें से प्रेत निकाला गया था, उसने मसीह यीशु से विनती की कि वो उसे अपने साथ ले लें, किंतु मसीह यीशु ने उसे ये कहते हुए विदा किया, अपने परिजनों में लौट जाओ तथा इन बड़े बड़े कामों का वर्णन करो जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए किए हैं। इसलिए वो लौट कर सभी नगर में ये वर्णन करने लगा कि मसीह यीशु ने उसके लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। जब मसीह यीशु झील की दूसरी ओर पहुंचे, वहां इंतजार करती भीड़ ने उनका स्वागत किया। जायरूस नामक एक व्यक्ति जो यहूदी सभागृह का प्रधान था, उनसे भेंट करने आया। उसने मसीह यीशु के चरणों पर गिरकर उनसे विनती की कि वो उसके साथ उसके घर जाएं, क्योंकि उसकी एकमात्र बेटी जो लगभग 12 वर्ष की थी मरने पर थी। जब मसीह यीशु वहां जा रहे थे, मार्ग में वो भीड़ में दबे जा रहे थे। वहां एक स्त्री थी जिसे 12 वर्षों से लहू बहने का रोग था। वो किसी भी इलाज से स्वस्थ न हो पाई थी। इस स्त्री ने पीछे पीछे आकर मसीह यीशु के वस्त्र की किनारी को छुआ और उसी क्षण उसका लहू बहना बंद हो गया। किसने मुझे छुआ है? मसीह यीशु ने पूछा। जब सभी इससे इनकार कर रहे थे, पत्रस ने उनसे कहा, स्वामी, ये बढ़ती हुई भीड़ आप पर गिरी जा रही है। किंतु मसीह यीशु ने उनसे कहा, किसी ने तो मुझे छुआ है, क्योंकि मुझे ये पता चला है कि मुझमें से सामर्थ्य निकली है। जब उस स्त्री ने ये समझ लिया कि उसका छुपा रहना असंभव है, भय से कांपती हुई सामने आई और मसीह यीशु के चरणों में गिर पड़ी। उसने सभी उपस्थित भीड़ के सामने ये स्वीकार किया कि उसने मसीह यीशु को क्यों छुआ था तथा कैसे वो तत्काल रोग से चंगी हो गई। इस पर मसीह यीशु ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, परमेश्वर की शांति में लौट जाओ। जब मसीह यीशु ये कह ही रहे थे, यहूदी सभागृह प्रधान जायरूस के घर से किसी व्यक्ति ने आकर सूचना दी, आपकी पुत्री की मृत्यु हो चुकी है, अब गुरुवर को कष्ट ना दीजिए। ये सुन मसीह यीशु ने जायरूस को संबोधित कर कहा, डरो मत, केवल विश्वास करो और वो स्वस्थ हो जाएगी। जब वे जायरूस के घर पर पहुंचे, मसीह यीशु ने पतरस, योहन और याकोब तथा कन्या के माता पिता के अतिरिक्त किसी अन्य को अपने साथ भीतर आने की अनुमति नहीं दी। उस समय सभी उस बालिका के लिए रो रो कर शोक प्रकट कर रहे थे। बंद करो ये रोना चिल्लाना, मसीह यीशु ने आज्ञा दी, उसकी मृत्यु नहीं हुई है, वो सिर्फ सो रही है। इस पर वे मसीह यीशु पर हंसने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि बालिका की मृत्यु हो चुकी है। मसीह यीशु ने बालिका का हाथ पकड़कर कहा, बालिके, उठो। उसके प्राण उसमें लौट आए और वो तुरंत खड़ी हो गई। मसीह यीशु ने उनसे कहा कि बालिका को खाने के लिए कुछ दिया जाए। उसके माता पिता चकित रह गए, किंतु मसीह यीशु ने उन्हें निर्देश दिया कि जो कुछ हुआ है उसकी चर्चा किसी से न करें।
मसीह यीशु ने 12 शिष्यों को बुलाकर उन्हें प्रेतों के निकालने तथा रोग दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार प्रदान किया तथा उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने तथा रोगियों को स्वस्थ करने के लिए भेज दिया। मसीह यीशु ने उन्हें निर्देश दिए, यात्रा के लिए अपने साथ कुछ न रखना, न छड़ी, न झोला, न रोटी, न पैसा और न ही कोई बाहरी वस्त्र। तुम जिस किसी घर में मेहमान होकर रहो, नगर से विदा होने तक उसी घर के मेहमान बने रहना। यदि लोग तुम्हें स्वीकार न करें, तब उस नगर से बाहर जाते हुए अपने पैरों की धूली झाड़ देना कि ये उनके विरुद्ध गवाही हो। वे चल दिए तथा सुसमाचार का प्रचार करते और रोगियों को स्वस्थ करते हुए सब जगह यात्रा करते रहे। जो कुछ हो रहा था उसके विषय में हेरोदेस ने भी सुना और वो अत्यंत घबरा गया, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि बपतिस्मा देने वाले योहन मरे हुओं में से दोबारा जीवित हो गए हैं। कुछ अन्य कह रहे थे कि एलिया प्रकट हुए हैं तथा कुछ अन्यों ने दावा किया कि प्राचीन काल के भविष्यद्वक्ताओं में से कोई दोबारा जीवित हो गया है। किंतु हेरोदेस ने विरोध किया, योहन का सिर तो स्वयं मैंने उड़वाया था, तब ये कौन है जिसके विषय में मैं ये सब सुन रहा हूँ। इसलिए हेरोदेस मसीह यीशु से मिलने का प्रयास करने लगा। अपनी यात्रा से लौटकर प्रेरितों ने मसीह यीशु के सामने अपने अपने कामों का बखान किया। तब मसीह यीशु उन्हें लेकर चुपचाप बैतसैदा नामक नगर चले गए, किंतु लोगों को इसके विषय में मालूम हो गया और वे वहां पहुंच गए। मसीह यीशु ने सहर्ष उनका स्वागत किया और उन्हें परमेश्वर के राज्य के विषय में शिक्षा दी तथा रोगियों को चंगा किया जिन्हें इसकी जरूरत थी। जब दिन ढलने पर आया, तब 12 प्रेरितों ने मसीह यीशु के पास आकर उन्हें सुझाव दिया, भीड़ को विदा कर दीजिए कि वे पास के गांवों में जाकर अपने ठहरने और भोजन की व्यवस्था कर सकें, क्योंकि ये सुनसान जगह है। इस पर मसीह यीशु ने उनसे कहा, तुम ही करो इनके भोजन की व्यवस्था। उन्होंने इसके उत्तर में कहा, हमारे पास तो केवल 5 रोटियां तथा 2 मछलियां ही हैं। हाँ, यदि हम जाकर इन सबके लिए भोजन मोल ले आएं तो ये संभव है। इस भीड़ में पुरुष ही लगभग 5,000 थे। मसीह यीशु ने शिष्यों को आदेश दिया, इन्हें लगभग 50-50 के झुंड में बैठा दो। शिष्यों ने उन सबको भोजन के लिए बैठा दिया। 5 रोटियां तथा 2 मछलियां अपने हाथ में लेकर मसीह यीशु ने स्वर्ग की ओर दृष्टि करते हुए उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद किया तथा उन्हें तोड़ तोड़ कर शिष्यों को देते गए कि वे लोगों में इनको बांटते जाएं। सब ने भर पेट खाया। शिष्यों ने तोड़ी हुई रोटियों तथा मछलियों के टुकड़े इकट्ठा किए, जिनसे 12 टोकरे भर गए। एक समय जब मसीह यीशु एकांत में प्रार्थना कर रहे थे तथा उनके शिष्य भी उनके साथ थे, मसीह यीशु ने शिष्यों से प्रश्न किया, लोगों की मेरे विषय में क्या धारणा है? क्या कहते हैं वे मेरे विषय में? मैं कौन हूँ? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ कहते हैं बपतिस्मा देने वाला योहन, कुछ एलिया, और कुछ अन्य कहते हैं पुराने भविष्यद्वक्ताओं में से एक जो दोबारा जीवित हो गया है। मैं कौन हूँ? इस विषय में तुम्हारी धारणा क्या है? मसीह यीशु ने प्रश्न किया। पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर के मसीह। मसीह यीशु ने उन्हें कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वे ये किसी से ना कहें। आगे मसीह यीशु ने प्रकट किया, ये अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र अनेक पीड़ाएं सहे, यहूदी प्रधानों, प्रधान पुरोहितों तथा व्यवस्था के शिक्षकों के द्वारा अस्वीकृत किया जाए, तो उसका वध किया जाए तथा तीसरे दिन उसे दोबारा जीवित किया जाए। तब मसीह यीशु ने उन सब से कहा, यदि कोई मेरे पीछे होना चाहे, वो अपने अहम का त्याग कर प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले, क्योंकि जो कोई अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहता है उसे खो देगा, किंतु जो कोई मेरे हित में अपने प्राणों को त्यागने के लिए तत्पर है वो अपने प्राणों को सुरक्षित रखेगा। क्या लाभ है यदि कोई व्यक्ति सारे संसार पर अधिकार तो प्राप्त कर ले किंतु स्वयं को खो दे या उसका जीवन ले लिया जाए? क्योंकि जो कोई मुझसे और मेरी शिक्षा से लज्जित होता है, मनुष्य का पुत्र भी जब वो अपनी, अपने पिता की तथा पवित्र दूतों की महिमा में आएगा, उससे लज्जित होगा। सच तो ये है कि यहाँ कुछ हैं जो मृत्यु का स्वाद तब तक न चखेंगे जब तक वे परमेश्वर का राज्य देख न लें।
अपनी इस बात के लगभग 8 दिन बाद मसीह यीशु पतरस, योहन तथा याकोब को साथ लेकर एक ऊंचे पर्वत शिखर पर प्रार्थना करने गए। जब मसीह यीशु प्रार्थना कर रहे थे, उनके मुखमंडल का रूप बदल गया तथा उनके वस्त्र सफेद और उजले हो गए। दो व्यक्ति मोशे तथा एलिया उनके साथ बातें करते दिखाई दिए। वे भी स्वर्गीय तेज में थे। उनकी बातों का विषय था मसीह यीशु का जाना, जो यरूशलेम नगर में शीघ्र ही होने पर था। पतरस तथा उनके साथी अत्यंत नींद में थे, किंतु जब वे पूरी तरह जाग गए, उन्होंने मसीह यीशु को उनके स्वर्गीय तेज में उन दो व्यक्तियों के साथ देखा। जब वे पुरुष मसीह यीशु के पास से जाने लगे, पतरस मसीह यीशु से बोले, प्रभु, हमारे लिए यहाँ होना कितना अच्छा है। हम यहाँ 3 मंडप बनाए, एक आपके लिए, एक मोशे के लिए तथा एक एलिया के लिए। स्वयं उन्हें अपनी इन कही हुई बातों का मतलब नहीं पता था। जब पतरस ये कह ही रहे थे, एक बादल ने उन सबको ढांप लिया। बादल से घिर जाने पर वे भयभीत हो गए। बादल में से एक आवाज सुनाई दी, ये मेरा पुत्र है, मेरा चुना हुआ, इसके आदेश का पालन करो। आवाज का कहना समाप्त होने पर उन्होंने देखा कि मसीह यीशु अकेले हैं। जो कुछ उन्होंने देखा था, उन्होंने उस समय उसका वर्णन किसी से भी न किया। वे इस विषय में मौन बने रहे। अगले दिन जब वे पर्वत से नीचे आए, एक बड़ी भीड़ वहां इकट्ठा थी। भीड़ में से एक व्यक्ति ने ऊंचे शब्द में पुकार कर कहा, गुरुवर, आपसे मेरी विनती है कि आप मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दें, क्योंकि वो मेरी इकलौती संतान है। एक प्रेत अक्सर उस पर प्रबल हो जाता है और वो सहसा चीखने लगता है। प्रेत उसे भूमि पर पटक देता है और मेरे पुत्र को ऐंठन प्रारंभ हो जाती है और उसके मुख से फेन निकलने लगता है। ये प्रेत कदाचित ही उसे छोड़ कर जाता है, वो उसे नाश करने पर उतारू है। मैंने आपके शिष्यों से विनती की थी कि वे उसे मेरे पुत्र में से निकाल दें, किंतु वे असफल रहे। अरे ओ अविश्वासी और बिगड़ी हुई पीढ़ी, मसीह यीशु ने कहा, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक धीरज रखूंगा। यहाँ लाओ अपने पुत्र को। जब वो बालक पास आ ही रहा था, प्रेत ने उसे भूमि पर पटक दिया, जिससे उसके शरीर में ऐंठन प्रारंभ हो गई। किंतु मसीह यीशु ने प्रेत को डांटा, बालक को स्वस्थ किया और उसे उसके पिता को सौंप दिया। परमेश्वर का प्रताप देख सभी चकित रह गए। जब सब लोग इस घटना पर अचंभित हो रहे थे, मसीह यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो कुछ मैं कह रहा हूँ अत्यंत ध्यानपूर्वक सुनो और याद रखो। मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथों पकड़वाया जाने पर है। किंतु शिष्य इस बात का मतलब समझ न पाए। इस बात का मतलब उनसे छुपा कर रखा गया था। यही कारण था कि वे इसका मतलब समझ न पाए और उन्हें इसके विषय में मसीह यीशु से पूछने का साहस भी न हुआ। शिष्यों में इस विषय को लेकर विवाद छिड़ गया कि उन्हें श्रेष्ठ कौन है। ये जानते हुए कि शिष्य अपने मन में क्या सोच रहे हैं, मसीह यीशु ने एक छोटे बालक को अपने पास खड़ा करके कहा, जो कोई मेरे नाम में इस छोटे बालक को ग्रहण करता है, मुझे ग्रहण करता है, तथा जो कोई मुझे ग्रहण करता है, उन्हें ग्रहण करता है जिन्होंने मुझे भेजा है। वो जो तुम्हारे मध्य छोटा है, वही है जो श्रेष्ठ है। योहन ने उन्हें सूचना दी, प्रभु, हमने एक व्यक्ति को आपके नाम में प्रेत निकालते हुए देखा है। हमने उसे ऐसा करने से रोकने का प्रयत्न किया, क्योंकि वो हम में से नहीं है। मत रोको उसे, मसीह यीशु ने कहा, क्योंकि जो तुम्हारा विरोधी नहीं, वो तुम्हारे पक्ष में है। जब मसीह यीशु के स्वर्ग में उठा लिए जाने का निर्धारित समय पास आया, विचार दृढ़ करके मसीह यीशु ने अपने पांव यरूशलेम नगर की ओर बढ़ा दिए। उन्होंने अपने आगे संदेशवाहक भेज दिए। वे शोमरोन प्रदेश के एक गांव में पहुंचे कि मसीह यीशु के आगमन की तैयारी करें।
किंतु वहां के निवासियों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मसीह यीशु यरूशलेम नगर की ओर जा रहे थे। जब उनके दो शिष्यों याकूब और योहन ने यह देखा तो उन्होंने मसीह यीशु से प्रश्न किया, प्रभु यदि आप आज्ञा दें तो हम प्रार्थना करें कि आकाश से इन्हें नाश करने के लिए आग की बारिश हो जाए। पीछे मुड़कर मसीह यीशु ने उन्हें डांटा, तुम नहीं समझ रहे कि तुम ये किस मतलब से कह रहे हो। मनुष्य का पुत्र इंसानों के विनाश के लिए नहीं परंतु उनके उद्धार के लिए आया है। और वे दूसरे नगर की ओर बढ़ गए। मार्ग में एक व्यक्ति ने अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए उनसे कहा, आप जहां कहीं जाएंगे मैं आपके साथ रहूंगा। मसीह यीशु ने इसके उत्तर में कहा, लोमड़ियों के पास उनकी अपनी मांदे होती हैं और पक्षियों के पास उनके अपने घोंसले, किंतु मनुष्य के पुत्र के लिए तो सिर रखने तक का स्थान नहीं है। एक अन्य व्यक्ति से मसीह यीशु ने कहा, आओ मेरे पीछे हो लो। उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु पहले मैं अपने पिता के अंतिम संस्कार का इंतजाम कर लूं। मसीह यीशु ने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मृत गाड़ने दो, किंतु तुम जाकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो। एक अन्य व्यक्ति ने मसीह यीशु से कहा, प्रभु मैं आपके साथ चलूंगा किंतु पहले मैं अपने परिजनों से विदा ले लूं। मसीह यीशु ने इसके उत्तर में कहा, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हल चलाने को उद्यत हो परंतु उसकी दृष्टि पीछे की ओर लगी हुई हो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 व्यक्तियों को चुनकर उन्हें दो दो करके उन नगरों और स्थानों पर अपने आगे भेज दिया जहां वो स्वयं जाने पर थे। मसीह यीशु ने उनसे कहा, फसल तो काफी है किंतु मजदूर कम, इसलिए फसल के स्वामी से खेत में मजदूर भेजने की विनती करो। जाओ मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, तुम भेड़ियों के मध्य मेमनों के समान हो। अपने साथ न तो धन न झोला और न ही जूतियां ले जाना। मार्ग में किसी का कुशल मंगल पूछने में भी समय खर्च न करना। जिस किसी घर में प्रवेश करो तुम्हारे सबसे पहले शब्द हों, इस घर में शांति बनी रहे। यदि परिवार प्रधान शांति प्रिय व्यक्ति है तुम्हारी शांति उस पर बनी रहेगी, यदि वो ऐसा नहीं है तो तुम्हारी शांति तुम्हारे ही पास लौट आएगी। उसी घर के मेहमान बने रहना, भोजन और पीने के लिए जो कुछ तुम्हें परोसा जाए उसे स्वीकार करना, क्योंकि सेवक अपने वेतन का अधिकारी है। एक घर से निकलकर दूसरे घर में मेहमान न बनना। जब तुम किसी नगर में प्रवेश करो और वहाँ लोग तुम्हें सहर्ष स्वीकार करें तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए उसे खाओ। वहाँ जो बीमार हैं उन्हें चंगा करना और उन्हें सूचित करना, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। किंतु यदि तुम किसी नगर में प्रवेश करो और वहाँ नगर वासियों द्वारा स्वीकार न किए जाओ तो उस नगर की गलियों में जाकर ये घोषणा करो, तुम्हारे नगर की धूल तक जो हमारे पांवों में लगी है उसे हम तुम्हारे सामने झाड़े दे रहे हैं, परंतु ये जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। सच मानो न्याय के दिन पर सोदोम नगर के लिए तय किया गया दंड उस नगर के लिए तय किए दंड की तुलना में सहने योग्य होगा। तुम पर धिक्कार है कोराजीन नगर, धिक्कार है तुम पर बैतसैदा नगर, यदि वे सामर्थ्य के काम जो तुम में किए गए हैं सोर और सीदोन नगरों में किए जाते तो वे कब के शोक के वस्त्र धारण कर राख में बैठ पश्चाताप कर चुके होते। किंतु तुम दोनों नगरों की तुलना में सोर और सीदोन नगरों का दंड सहने योग्य होगा। और तुम कफरनहूम, क्या तुम आकाश तक ऊंचे किए जाओगे? बिल्कुल नहीं, तुम तो पाताल में उतार दिए जाओगे। वो जो तुम्हारी शिक्षा को सुनता है मेरी शिक्षा को सुनता है, वो जो तुम्हें अस्वीकार करता है मुझे अस्वीकार करता है, किंतु वो जो मुझे अस्वीकार करता है उन्हें अस्वीकार करता है जिन्होंने मुझे भेजा है। वे 72 बहुत उत्साह से भरकर लौटे और कहने लगे, प्रभु आपके नाम में तो प्रेत भी हमारे सामने समर्पण कर देते हैं। इस पर मसीह यीशु ने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरते देख रहा था। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने तथा शत्रु के सभी सामर्थ्य का नाश करने का अधिकार दिया है, इसलिए किसी भी रीति से तुम्हारी हानि न होगी। फिर भी तुम्हारे लिए आनंद का विषय ये न हो कि प्रेत तुम्हारी आज्ञाओं का पालन करते हैं, परंतु ये कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे जा चुके हैं।
मसीह यीशु पवित्र आत्मा के आनंद से भरकर कहने लगे, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, मैं आपकी स्तुति करता हूँ कि आपने ये सभी सच बुद्धिमानों और ज्ञानियों से छुपा रखे और नन्हे बालकों पर प्रकट कर दिए, क्योंकि पिता आपकी दृष्टि में यही अच्छा था। सब कुछ मुझे मेरे पिता द्वारा सौंपा गया है। कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है अतिरिक्त पिता के, और कोई नहीं जानता कि पिता कौन है अतिरिक्त पुत्र के तथा उनके, जिन पर पुत्र ने उन्हें पिता को प्रकट करना सही समझा। तब मसीह यीशु ने अपने शिष्यों की ओर उन्मुख हो उनसे व्यक्तिगत रूप से कहा, धन्य है वे आँख जो वो देख रही है जो तुम देख रहे हो, क्योंकि सच मानो अनेक भविष्यद्वक्ताओं और राजाओं ने यही देखने की कामना की थी जो तुम देख रहे हो, किंतु वे इससे वंचित रहे, और वे वो सब सुनने की इच्छा करते रहे जो तुम सुन रहे हो किंतु ना सुन सके। एक अवसर पर एक वकील ने मसीह यीशु को परखने के उद्देश्य से उनके सामने ये प्रश्न रखा, गुरुवर, अनंत काल के जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूं? मसीह यीशु ने उससे प्रश्न किया, व्यवस्था में क्या लिखा है, इसके विषय में तुम्हारा विश्लेषण क्या है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति तथा अपनी सारी समझ से प्रेम करो तथा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम। मसीह यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है, यही करने से तुम जीवित रहोगे। स्वयं को संगत प्रमाणित करने के उद्देश्य से उसने मसीह यीशु से प्रश्न किया, तो ये बताइए कौन है मेरा पड़ोसी? मसीह यीशु ने उत्तर दिया, यरूशलेम नगर से एक व्यक्ति यरीखो नगर जा रहा था कि डाकुओं ने उसे घेर लिया। उसके वस्त्र छीन लिए, उसकी पिटाई की और उसे अधमरी हालत में छोड़कर भाग गए। संयोग से एक याजक उसी मार्ग से जा रहा था। जब उसने उस व्यक्ति को देखा, वो मार्ग के दूसरी ओर से आगे बढ़ गया। इसी प्रकार एक लेवी भी उसी स्थान पर आया, उसकी दृष्टि उस पर पड़ी तो वो भी दूसरी ओर से होता हुआ चला गया। एक शोमरोनी भी उसी मार्ग से यात्रा करते हुए उस जगह पर आ पहुंचा। जब उसकी दृष्टि उस घायल व्यक्ति पर पड़ी, वो दया से भर गया। वो उसके पास गया और उसके घावों पर तेल और दाखरस लगाकर पट्टी बांधी। तब वो घायल व्यक्ति को अपने वाहक पशु पर बैठाकर एक यात्री निवास में ले गया तथा उसकी सेवा टहल की। अगले दिन उसने 2 दीनार यात्री निवास के स्वामी को देते हुए कहा, इस व्यक्ति की सेवा टहल कीजिए, इसके अतिरिक्त जो भी व्यय होगा वो मैं लौटने पर चुका दूंगा। ये बताओ, तुम्हारे विचार से इन तीनों व्यक्तियों में से कौन उन डाकुओं द्वारा घायल व्यक्ति का पड़ोसी है? वकील ने उत्तर दिया, वही जिसने उसके प्रति करुणा भाव का परिचय दिया। मसीह यीशु ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारा स्वभाव भी ऐसा ही हो। मसीह यीशु और उनके शिष्य यात्रा करते हुए एक गांव में पहुंचे, जहां मार्था नामक एक स्त्री ने उन्हें अपने घर में आमंत्रित किया। उसकी एक बहन थी जिसका नाम मरियम था। वो प्रभु के चरणों में बैठकर उनके प्रवचन सुनने लगी, किंतु मार्था विभिन्न तैयारियों में उलझी रही। वो मसीह यीशु के पास आई और उनसे प्रश्न किया, प्रभु, क्या आपको इसका लेश मात्र भी ध्यान नहीं कि मेरी बहन ने अतिथि सत्कार का सारा बोझ मुझ अकेली पर ही छोड़ दिया है? आप उससे कहें कि वो मेरी सहायता करे। मार्था, मार्था, प्रभु ने कहा, तुम अनेक विषयों की चिंता करती और घबरा जाती हो, किंतु जरूरत तो कुछ ही की है, वास्तव में एक ही की। मरियम ने उसी उत्तम भाग को चुना है जो उसे कभी अलग ना किया जाएगा। एक दिन मसीह यीशु एक स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। जब उन्होंने प्रार्थना समाप्त की, उनके शिष्यों में से एक ने उनसे विनती की, प्रभु, हमको प्रार्थना करना सिखा दीजिए, ठीक जैसे योहन ने अपने शिष्यों को सिखाया है। मसीह यीशु ने उनसे कहा,
जब भी तुम प्रार्थना करो इस प्रकार किया करो, हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम सभी जगह सम्मानित हो, आपका राज्य हर जगह स्थापित हो, हमारा रोज का भोजन हमें हर दिन दिया कीजिए, हमारे पापों को क्षमा कीजिए, हम भी उनके पाप क्षमा करते हैं जो हमारे विरुद्ध पाप करते हैं, हमें परीक्षा में फंसने से बचाइए। कल्पना करो, मसीह यीशु ने उनसे आगे कहा, तुम में से किसी एक का मित्र आधी रात में आकर ये विनती करे, मित्र मुझे 3 रोटियां दे दो, क्योंकि मेरा एक मित्र यात्रा करते हुए घर आया है और उसके भोजन के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तब वो अंदर ही से उत्तर दे, मुझे मत सताओ, द्वार बंद हो चुका है और मेरे बालक मेरे साथ सो रहे हैं, अब मैं उठकर तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, मैं जो कह रहा हूं उसे समझो। हालांकि वो व्यक्ति मित्र होने पर भी भले ही उसे देना ना चाहे, फिर भी उस मित्र के बहुत विनती करने पर उसकी जरूरत के अनुसार उसे अवश्य देगा। यही कारण है कि मैंने तुमसे कहा, विनती करो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे, द्वार खटखटाओ तो वो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा, क्योंकि हर एक जो विनती करता है प्राप्त करता है, हर एक जो खोजता है पाता है, तथा हर एक जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोल दिया जाता है। तुम में कौन पिता ऐसा है जो अपने पुत्र के मछली मांगने पर उसे सांप दे, या अंडे की विनती पर बिच्छू? जब तुम बुरे होते हुए भी अपने बालकों को सबसे अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता कहीं अधिक बढ़कर उन्हें जो उनसे विनती करते हैं पवित्र आत्मा क्यों ना देंगे? मसीह यीशु एक व्यक्ति में से जो गूंगा था एक प्रेत को निकाल रहे थे। प्रेत के निकलते ही वो जो गूंगा था बोलने लगा, ये देख भीड़ अचंभित रह गई, किंतु उनमें से कुछ ने कहा, वो तो प्रेतों के प्रधान शैतान की सहायता से प्रेत निकालता है। कुछ अन्य ने मसीह यीशु को परखने के उद्देश्य से उनसे अद्भुत चिन्ह की मांग की। उनके मन की बातें जानकर मसीह यीशु ने उनसे कहा, कोई भी राज्य जिसमें फूट पड़ चुकी है नाश हो जाता है, और जिस परिवार में फूट पड़ चुकी हो उसका नाश हो जाता है। यदि शैतान अपने ही विरुद्ध काम करने लगे तो उसका राज्य स्थिर कैसे रह सकता है? मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि तुम ये दावा कर रहे हो कि मैं प्रेतों को शैतान की सहायता से निकाला करता हूँ। अच्छा, यदि मैं प्रेतों को शैतान की सहायता से निकाला करता हूँ, तब तुम्हारे शिष्य उन्हें किसकी सहायता से निकाला करते हैं? परिणाम स्वरूप तुम्हारे ही शिष्य तुम पर आरोप लगाएंगे। किंतु यदि मैं प्रेतों को परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा निकालता हूँ, तब परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य आ चुका है। जब कोई बलवान व्यक्ति शस्त्रों से पूरी तरह से सुसज्जित होकर अपने घर की चौकसी करता है तो उसकी संपत्ति सुरक्षित रहती है, किंतु जब उससे अधिक बलवान कोई व्यक्ति उस पर आक्रमण कर उसे अपने वश में कर लेता है और वे सभी शस्त्र जिन पर वो भरोसा करता था छीन लेता है, तो वो उसकी संपत्ति को लूट कर बांट देता है। वो जो मेरे पक्ष में नहीं है मेरे विरुद्ध है, और वो जो मेरे साथ इकट्ठा नहीं करता वो बिखेरता है। जब प्रेत किसी व्यक्ति में से बाहर निकलता है, वो सूखे स्थानों में विश्राम की खोज में भटकता रहता है, और ना मिलने पर वो विचार करता है, मैं उसी घर में लौट जाऊंगा जिसमें से मैं निकला था। वहां पहुंचकर वो उस घर को साफ और सजा हुआ पाता है। वो जाकर अपने से अधिक दुष्ट 7 अन्य प्रेत ले आता है। वे सभी उस मनुष्य में प्रवेश कर उसमें निवास करने लगते हैं। उस व्यक्ति की ये दशा पहली दशा से अधिक बुरी हो जाती है। जब मसीह यीशु ये शिक्षा दे रहे थे, भीड़ में से एक नारी पुकार उठी, धन्य है वो माता जिसने आपको जन्म दिया और आपका पालन पोषण किया। किंतु मसीह यीशु ने कहा, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनकर उसका पालन करते हैं। जब और अधिक लोग इकट्ठा होने लगे, मसीह यीशु ने कहा, ये पीढ़ी अत्यंत बुरी पीढ़ी है, ये चमत्कार चिन्हों की मांग करती है, किंतु भविष्यद्वक्ता योना के चिन्ह के अतिरिक्त इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार परमेश्वर की ओर से भविष्यद्वक्ता योना नीनवे नगर वासियों के लिए एक चिन्ह थे, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह है।
न्याय के दिन पर इस समय की पीढ़ी के साथ दक्षिण की रानी भी होगी, जो इस पीढ़ी की निंदा करेगी, क्योंकि वो पृथ्वी के सीमांत से राजा शलोमोन के ज्ञान के वचन सुनने आई थी, और आज जो यहाँ हैं, वो शलोमोन से भी बढ़कर हैं। नीनवे नगरवासी न्याय के दिन पर इस पीढ़ी के साथ इकट्ठा होंगे तथा वे इस पीढ़ी की निंदा करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो योना का प्रचार सुनकर पश्चाताप किया था, किंतु आज जो यहाँ हैं वो भविष्यद्वक्ता योना से भी बढ़कर हैं। दीप जलाकर कोई भी उसे न तो ऐसे स्थान पर रखता है जहाँ वो छुप जाए और न ही किसी बर्तन के नीचे, परंतु वो उसे उसके नियत स्थान पर रखता है कि जो प्रवेश करते हैं देख सकें। तुम्हारे शरीर का दीपक तुम्हारी आँख है। यदि तुम्हारी आँख निरोगी है तुम्हारा सारा शरीर उजियाला होगा, किंतु यदि तुम्हारी आँखें रोगी हैं तो तुम्हारा शरीर भी अंधियारा होगा। ध्यान रहे कि तुम्हारे भीतर छिपा हुआ उजाला अंधकार न हो, इसलिए यदि तुम्हारा सारा शरीर उजियाला है, उसमें जरा सा भी अंधकार नहीं है, तब वो सब जगह उजाला देगा, जैसे एक दीप अपने उजाले से तुम्हें उजियाला करता है। जब मसीह यीशु अपना प्रवचन समाप्त कर चुके, एक फरीसी ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। मसीह यीशु उसके साथ गए तथा भोजन के लिए बैठ गए। उस फरीसी को ये देख आश्चर्य हुआ कि भोजन के पूर्व मसीह यीशु ने हाथ नहीं धोए। प्रभु मसीह यीशु ने इस पर उससे कहा, तुम फरीसी प्याले और थाली को बाहर से तो साफ करते हो, किंतु तुम्हारे हृदय लोभ और दुष्टता से भरे हुए हैं। निर्बुद्धियों, जिसने बाहरी भाग बनाया है, क्या उसी ने अंदरूनी भाग नहीं बनाया? तुम में जो अंदर बसा हुआ है उसे दान में दे दो, तब तुम और तुम्हारे संस्कार शुद्ध हो पाएंगे। धिक्कार है तुम पर फरीसियों, तुम परमेश्वर को अपने पुदीना ब्राह्मी तथा अन्य हर एक साग पात का दसवांश तो देते हो, किंतु मनुष्यों के प्रति न्याय और परमेश्वर के प्रति प्रेम की उपेक्षा करते हो। ये ही वे चीजें हैं जिनको पूरा करना आवश्यक है, अन्यों की उपेक्षा किए बिना। धिक्कार है तुम पर फरीसियों, तुम्हें सभागृहों में प्रधान आसन तथा नगर चौक में लोगों द्वारा सम्मान भरा नमस्कार पसंद है। धिक्कार है तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी हुई कब्रों के समान हो जिन पर लोग अनजाने ही चलते फिरते हैं। एक वकील ने मसीह यीशु से कहा, गुरुवर, ऐसा कहकर आप हमारा भी अपमान कर रहे हैं। मसीह यीशु ने इसके उत्तर में कहा, धिक्कार है तुम पर भी वकीलों, क्योंकि तुम लोगों पर नियमों का ऐसा बोझ लाद देते हो जिसको उठाना कठिन होता है, जबकि तुम स्वयं उनकी सहायता के लिए अपनी उंगली से छूते तक नहीं। धिक्कार है तुम पर, क्योंकि तुम भविष्यद्वक्ताओं के लिए स्मारक बनाते हो, जबकि तुम्हारे अपने पूर्वजों ने ही उन भविष्यद्वक्ताओं की हत्या की थी। इस प्रकार तुम अपने पूर्वजों के कुकर्मों के गवाह हो और इसका पूरी तरह समर्थन करते हो, क्योंकि ये ही थे जिन्होंने भविष्यद्वक्ताओं की हत्या की थी। और अब तुम उन्हीं के स्मारक बनाते हो, इसलिए परमेश्वर की बुद्धि का भी ये कहना है, मैं उनके पास भविष्यद्वक्ता और प्रेरित भेजूंगा, वे उनमें से कुछ की हत्या कर देंगे तथा कुछ को उत्पीड़ित करेंगे, कि सृष्टि की स्थापना से लेकर आज तक सारे भविष्यद्वक्ताओं के लहू बहने का हिसाब इसी पीढ़ी से लिया जाए, हाबिल से लेकर जकरिया तक, जिनकी हत्या वेदी तथा मंदिर के मध्य की गई थी। हाँ, मेरा विश्वास करो, इसका हिसाब इसी पीढ़ी से लिया जाएगा। धिक्कार है तुम पर वकीलों, तुमने ज्ञान की कुंजी तो ले ली है, किंतु तुमने ही इसमें प्रवेश नहीं किया, और जो इसमें प्रवेश कर रहे थे उनका भी मार्ग बंद कर दिया है। मसीह यीशु के वहां से निकलने पर शास्त्री और फरीसी, जो उनके कट्टर विरोधी हो गए थे, उनसे अनेक विषयों पर कठिन प्रश्न करने लगे। वे इस घात में थे कि वे मसीह यीशु को उनके ही किसी कथन द्वारा फंसा लें। इसी समय वहां हजारों लोगों का इतना विशाल समूह इकट्ठा हो गया कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे। मसीह यीशु ने सबसे पहले अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, फरीसियों के खमीर अर्थात ढोंग से सावधान रहो, ऐसा कुछ भी ढका नहीं जिसे खोला ना जाएगा, या ऐसा कोई रहस्य नहीं जिसे प्रकट ना किया जाएगा। वे शब्द जो तुमने अंधकार में कहे हैं प्रकाश में सुने जाएंगे, जो कुछ तुमने भीतरी कमरे में कानों में कहा है वो छत से प्रचार किया जाएगा। मेरे मित्रों, मेरी सुनो, उनसे भयभीत ना हो,
जो शरीर का तो नाश कर सकते हैं, किंतु इसके बाद इससे अधिक और कुछ नहीं। पर मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तुम्हारा किससे डरना सही है। उन्हीं से जिन्हें शरीर का नाश करने के बाद नर्क में झोंकने का अधिकार है। सच मानो, तुम्हारा उन्हीं से डरना उचित है। क्या दो असारियों में 5 गौरैया नहीं बेची जाती? फिर भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलते। सच तो ये है कि तुम्हारे सिर का एक एक बाल तक गिना हुआ है। मत डरो, तुम्हारा दाम अनेक गौरैयों से कहीं अधिक बढ़कर है। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करता है, मनुष्य का पुत्र उसे परमेश्वर के स्वर्ग दूतों के सामने स्वीकार करेगा। किंतु जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करता है, उसका परमेश्वर के स्वर्ग दूतों के सामने इनकार किया जाएगा। यदि कोई मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध एक भी शब्द कहता है, उसे तो क्षमा कर दिया जाएगा, किंतु पवित्र आत्मा की निंदा बिल्कुल क्षमा न की जाएगी। जब तुम उनके द्वारा सभागृहों, शासकों और अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किए जाओ, तो इस विषय में कोई चिंता न करना कि अपने बचाव में तुम्हें क्या उत्तर देना है या क्या कहना है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही तुम पर प्रकट करेंगे कि उस समय तुम्हारा क्या कहना सही होगा। उपस्थित भीड़ में से किसी ने मसीह यीशु से कहा, गुरुवर, मेरे भाई से कहिए कि वो मेरे साथ पिता की संपत्ति का बंटवारा कर ले। मसीह यीशु ने इसके उत्तर में कहा, भले मानुस, किसने मुझे तुम्हारे लिए न्यायकर्ता या मध्यस्थ ठहराया है? तब मसीह यीशु ने भीड़ को देखते हुए उन्हें चेतावनी दी, स्वयं को हर प्रकार के लालच से बचाए रखो। मनुष्य का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत होने पर भला नहीं है। तब मसीह यीशु ने उनके सामने ये दृष्टांत प्रस्तुत किया। किसी व्यक्ति की भूमि से अच्छी फसल उत्पन्न हुई। उसने मन में विचार किया, अब मैं क्या करूं? फसल रखने के लिए तो मेरे पास स्थान ही नहीं है। तब उसने विचार किया, मैं ऐसा करता हूँ, मैं इन बखारियों को तोड़कर बड़े भंडार निर्मित करूंगा। तब मेरी सारी उपज तथा वस्तुओं का रख रखाव हो सकेगा। तब मैं स्वयं से कहूंगा, अनेक वर्षों के लिए अब तेरे लिए उत्तम वस्तुएं इकट्ठा हैं, विश्राम कर, खा पी और आनंद कर। किंतु परमेश्वर ने उससे कहा, अरे मूर्ख, आज ही रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे। तब ये सब जो तूने अपने लिए इकट्ठा कर रखा है किसका होगा? यही है उस व्यक्ति की स्थिति जो मात्र अपने लिए इस प्रकार इकट्ठा करता है, किंतु जो परमेश्वर की दृष्टि में धनवान नहीं है। इसके बाद अपने शिष्यों से उन्मुख हो मसीह यीशु ने कहा, यही कारण है कि मैंने तुमसे कहा है, अपने जीवन के विषय में ये चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, या अपने शरीर के विषय में कि हम क्या पहनेंगे। जीवन भोजन से तथा शरीर वस्त्रों से बढ़कर है। कौओं पर विचार करो, वे ना तो बोते हैं और ना काटते हैं, उनके ना तो खलियान होते हैं और ना भंडार, फिर भी परमेश्वर उन्हें भोजन प्रदान करते हैं। तुम्हारा दाम पक्षियों से कहीं अधिक बढ़कर है। तुम में से कौन है जो चिंता के द्वारा अपनी आयु में एक पल भी बढ़ा पाया है? जब तुम ये छोटा सा काम ही नहीं कर सकते, तो भला अन्य विषयों के लिए चिंतित क्यों रहते हो? जंगली फूलों को देखो, वे ना तो कताई करते हैं और ना बुनाई, परंतु मैं कहता हूँ कि राजा शलोमन तक अपने सारे ऐश्वर्य में इनमें से एक के तुल्य भी सजे न थे। यदि परमेश्वर भूमि की घास को, जो आज तो है किंतु कल आग में झोंक दी जाएगी, इस रीति से सजाते हैं, तो अल्प विश्वासियों, वो तुम्हें और कितना अधिक सुशोभित न करेंगे। इस उधेड़बुन में ना लगे रहो कि तुम क्या खाओगे या क्या पियोगे, और ना ही इसकी कोई चिंता करो। विश्व के सभी राष्ट्र इसी कार्य में लगे हैं। तुम्हारे पिता को पहले ही ये मालूम है कि तुम्हें इन वस्तुओं की जरूरत है। इनकी जगह परमेश्वर के राज्य की खोज करो, और ये सभी वस्तुएं तुम्हारी हो जाएंगी। तुम जो संख्या में कम हो, भयभीत ना होना, क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हें राज्य देकर संतुष्ट हुए हैं। अपनी संपत्ति बेचकर प्राप्त धनराशि निर्धनों में बांट दो। अपने लिए ऐसा धन इकट्ठा करो जो नष्ट नहीं किया जा सकता है, स्वर्ग में इकट्ठा किया धन, जहाँ ना तो किसी चोर की पहुँच है और ना ही विनाश करने वाले कीड़ों की। तुम्हारा मन वहीं लगा होगा जहाँ तुम्हारा धन है। हमेशा तैयार रहो तथा अपने दीप जलाए रखो, उन सेवकों के समान जो अपने स्वामी की प्रतीक्षा में है, कि वो जब विवाह उत्सव से लौट कर आए और द्वार खटखटाए, तो वे तुरंत उसके लिए द्वार खोल दें। धन्य है वे दास
जिन्हें स्वामी लौटने पर जागते पाएगा। सच तो यह है कि स्वामी ही सेवक के वस्त्र धारण कर उन्हें भोजन के लिए बैठाएगा तथा स्वयं उन्हें भोजन परोसेगा। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी रात के दूसरे या तीसरे प्रहर में भी आकर जागते पाए। किंतु तुम ये जान लो, यदि घर के स्वामी को यह मालूम हो कि चोर किस समय आएगा तो वो उसे अपने घर में घुसने ही ना दे। इसलिए तुम भी हमेशा तैयार रहो, क्योंकि मनुष्य के पुत्र का आगमन ऐसे समय पर होगा जब तुमने उसके आगमन की आशा भी ना की होगी। पतरस ने उनसे प्रश्न किया, प्रभु आपका यह दृष्टांत मात्र हमारे लिए ही है या भीड़ के लिए भी? प्रभु ने उत्तर दिया, वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन होगा जिसे स्वामी सभी सेवकों का प्रधान ठहराए कि वो अन्य सेवकों को निर्धारित समय पर भोज्य सामग्री दे दे। धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी लौटने पर यही करता हुआ पाए। सच तो ये है कि स्वामी उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। किंतु यदि वो दास अपने मन में कहने लगे, अभी तो मेरे स्वामी के लौटने में बहुत समय है, और वो अन्य दास दासियों की पिटाई करने लगे और खा पी कर नशे में चूर हो जाए, उसका स्वामी एक ऐसे दिन लौटेगा जिसकी उसने कल्पना ही न की थी और एक ऐसे क्षण में जिसके विषय में उसे मालूम ही न था, तो स्वामी उसे मृत्यु दंड देकर उसकी गिनती अविश्वासियों में कर देगा। वो दास जिसे अपने स्वामी की इच्छा का पूरा पता था, किंतु वो न तो इसके लिए तैयार था और न उसने उसकी इच्छा के अनुसार व्यवहार ही किया, कठोर दंड पाएगा। किंतु वो जिसे इसका पता ही न था और उसने दंड पाने योग्य अपराध किए, कम दंड पाएगा। हर एक से जिसे बहुत ज्यादा दिया गया है उससे बहुत ज्यादा मात्रा में ही लिया जाएगा, तथा जिसे अधिक मात्रा में सौंपा गया है उससे अधिक का ही हिसाब लिया जाएगा। मैं पृथ्वी पर आग बरसाने के लक्ष्य से आया हूँ, और कैसा उत्तम होता यदि ये इसी समय हो जाता। किंतु मेरे लिए बपतिस्मा की प्रक्रिया निर्धारित है, और जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, कैसी दुखदाई है इसकी पीड़ा। क्या विचार है तुम्हारा? क्या मैं पृथ्वी पर शांति की स्थापना का लक्ष्य लेकर आया हूँ? नहीं, शांति नहीं परंतु फूट का। अब से 5 सदस्यों के परिवार में फूट पड़ जाएगी, 3 के विरुद्ध 2 और 2 के विरुद्ध 3। वे सब एक दूसरे के विरुद्ध होंगे, पिता पुत्र के और पुत्र पिता के, माता पुत्री के और पुत्री माता के, सास पुत्र वधू के और पुत्र वधू सास के। भीड़ को संबोधित करते हुए मसीह यीशु ने कहा, जब तुम पश्चिम दिशा में बादल उठते देखते हो तो तुम तुरंत कहते हो बारिश होगी, और बारिश होती है। जब पवन दक्षिण दिशा से बहता है तुम कहते हो अब गर्मी पड़ेगी, और ऐसा ही हुआ करता है। पाखंडियों, उसी समय वहां उपस्थित कुछ लोगों ने मसीह यीशु को उन गलील वासियों की याद दिलाई जिनका लहू पिलातोस ने उन्हीं के बलिदानों में मिला दिया था। मसीह यीशु ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारे विचार से ये गलीली अन्य गलील वासियों की तुलना में अधिक पापी थे कि उनकी स्थिति हुई? नहीं, मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम मन ना फिराओ तो तुम सब भी इसी प्रकार नाश हो जाओगे। या वे 18 व्यक्ति जिन पर सिलोवम का खंबा गिरा जिससे उनकी मृत्यु हो गई, यरूशलेम वासियों की अपेक्षा अधिक दोषी थे? नहीं, मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम मन ना फिराओ तो तुम सब भी इसी प्रकार नाश हो जाओगे। तब मसीह यीशु ने उन्हें इस दृष्टांत के द्वारा समझाना प्रारंभ किया। एक व्यक्ति ने अपने बगीचे में एक अंजीर का पेड़ लगाया। वो फल की आशा में उसके पास आया। उसने माली से कहा, देखो मैं 3 वर्ष से इस पेड़ में फल की आशा लिए आ रहा हूँ और मुझे अब तक कोई फल प्राप्त नहीं हुआ, काट डालो इसे, भला क्यों इसके कारण भूमि व्यर्थ ही घिरी रहे। किंतु माली ने स्वामी से कहा, स्वामी इसे इस वर्ष और रहने दीजिए, मैं इसके आसपास की भूमि खोदकर इसमें खाद डाल देता हूँ, यदि अगले वर्ष ये फल लाए तो अच्छा, नहीं तो इसे कटवा दीजिएगा। शब्बात पर मसीह यीशु यहूदी सभागृह में शिक्षा दे रहे थे। वहां एक ऐसी स्त्री थी जिसे एक प्रेत ने 18 वर्ष से अपंग किया हुआ था।
जिसके कारण उसका शरीर झुककर दोहरा हो गया था और उसके लिए सीधा खड़ा होना असंभव हो गया था। जब मसीह यीशु की दृष्टि उस पर पड़ी, उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा, हे नारी, तुम अपने इस रोग से मुक्त हो गई हो। ये कहते हुए मसीह यीशु ने उस पर अपने हाथ रखे और उसी क्षण वो सीधी खड़ी हो गई और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी। किंतु यहूदी सभागृह प्रधान इस पर अत्यंत रुष्ट हो गया, क्योंकि मसीह यीशु ने उसे शब्बात पर स्वस्थ किया था। सभागृह प्रधान ने वहां इकट्ठा लोगों से कहा, काम करने के लिए 6 दिन निर्धारित किए गए हैं, इसलिए इन 6 दिनों में आकर अपना स्वास्थ्य प्राप्त करो, न कि शब्बात पर। किंतु प्रभु ने इसके उत्तर में कहा, पाखंडियों, क्या शब्बात पर तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को पशुशाला से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? और क्या इस स्त्री को, जो अब्राहम ही की संतान है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, शब्बात पर इस बंधन से मुक्त किया जाना उचित न था? मसीह यीशु के ये शब्द सुन उनके सभी विरोधी लज्जित हो गए। सारी भीड़ मसीह यीशु द्वारा किए जा रहे इन महान कामों को देख आनंदित थी। इसलिए मसीह यीशु ने उनसे कहना प्रारंभ किया, परमेश्वर का राज्य कैसा होगा? मैं इसकी तुलना किससे करूं? परमेश्वर का राज्य राई के बीज के समान है, जिसे किसी व्यक्ति ने अपनी वाटिका में बोया और उसने विकसित होते हुए पेड़ का रूप ले लिया, यहाँ तक कि पक्षी भी आकर उसकी शाखाओं पर बसेरा करने लगे। मसीह यीशु ने दोबारा कहा, परमेश्वर के राज्य की तुलना मैं किससे करूं? परमेश्वर का राज्य खमीर के समान है, जिसे एक स्त्री ने 3 माप आटे में मिलाया और सारा आटा ही खमीर युक्त हो गया। नगर नगर और गांव गांव होते हुए और मार्ग में शिक्षा देते हुए मसीह यीशु यरूशलेम नगर की ओर बढ़ रहे थे। किसी ने उनसे प्रश्न किया, प्रभु, क्या मात्र कुछ ही लोग उद्धार प्राप्त कर सकेंगे? मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम्हारी कोशिश ये हो कि तुम संकरे द्वार से प्रवेश करो, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अनेक इसमें प्रवेश तो चाहेंगे किंतु प्रवेश करने में असमर्थ रहेंगे। एक बार जब घर का स्वामी द्वार बंद कर दे, तो तुम बाहर खड़े द्वार खटखटाते हुए विनती करते रह जाओगे, महोदय, कृपया हमारे लिए द्वार खोल दें। किंतु वो उत्तर देगा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? मैं नहीं जानता। तब तुम कहोगे, हम आपके साथ खाया पिया करते थे और आप हमारी गलियों में शिक्षा दिया करते थे। परंतु उसका उत्तर होगा, मैं तुमसे कह चुका हूँ, तुम कौन हो मैं नहीं जानता, चले जाओ यहाँ से, तुम सब कुकर्मी हो। जब तुम परमेश्वर के राज्य में अब्राहम, इसहाक, याकूब तथा सभी भविष्यद्वक्ताओं को देखोगे और स्वयं तुम्हें बाहर फेंक दिया जाएगा, वहां रोना और दांतों का पीसना ही होगा। चारों दिशाओं से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के उत्सव में शामिल होंगे। और सच्चाई ये है कि जो अंतिम हैं वे पहले होंगे तथा जो पहले वे अंतिम। उसी समय कुछ फरीसियों ने उनके पास आकर उनसे कहा, यहां से चले जाओ, क्योंकि हेरोदेस तुम्हारी हत्या कर देना चाहता है। मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, जाकर उस लोमड़ी से कहो, मैं आज और कल प्रेतों को निकालूंगा और लोगों को चंगा करूंगा और 3rd दिन मैं अपने लक्ष्य पर पहुंच जाऊंगा। फिर भी ये जरूरी है कि मैं आज, कल और परसों यात्रा करूं, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि किसी भविष्यद्वक्ता की हत्या यरूशलेम नगर के बाहर हो। यरूशलेम, ओ यरूशलेम, तुम ऐसे नगर हो जो भविष्यद्वक्ताओं की हत्या कर देता है तथा उनका पथराव करता है जो इसके लिए भेजे जाते हैं। कितनी ही बार मैंने चाहा कि तुम्हारी संतानों को इकट्ठा करूं, ठीक वैसे ही जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा कर लेती है, किंतु तुम ही ने ना चाहा, इसलिए तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जा रहा है। जो मैं तुमसे कह रहा हूँ उसे सुनो, तुम मुझे तब तक ना देखोगे जब तक वो समय ना आए जब तुम ये कहोगे, धन्य है वो जो प्रभु के नाम में आता है। एक अवसर पर जब मसीह यीशु शब्बात पर फरीसियों के नायकों में से
एक के घर भोजन करने गए, वे सभी उन्हें उत्सुकता पूर्वक देख रहे थे। वहां जलोदर रोग से पीड़ित एक व्यक्ति था। मसीह यीशु ने फरीसियों और वकीलों से प्रश्न किया, शब्बात पर किसी को स्वस्थ करना व्यवस्था के अनुसार है या नहीं? किंतु वे मौन रहे। इसलिए मसीह यीशु ने उस रोगी पर हाथ रख उसे स्वस्थ कर दिया तथा उसे विदा किया। तब मसीह यीशु ने उनसे प्रश्न किया, ये बताओ, यदि तुम में से किसी का पुत्र या बैल शब्बात पर गड्ढे में गिर जाए तो क्या तुम उसे तुरंत ही बाहर ना निकालोगे? उनके पास इस प्रश्न का कोई उत्तर न था। जब मसीह यीशु ने यह देखा कि आमंत्रित व्यक्ति अपने लिए किस प्रकार प्रधान आसन चुन लेते हैं, मसीह यीशु ने उन्हें ये विचार दिया, जब भी कोई तुम्हें विवाह के उत्सव में आमंत्रित करे, तुम अपने लिए आदर योग्य आसन न चुनना। ये संभव है कि उसने तुमसे अधिक किसी आदर योग्य व्यक्ति को भी आमंत्रित किया हो, तब वो व्यक्ति जिसने तुम्हें और उसे दोनों ही को आमंत्रित किया है आकर तुमसे कहे, तुम ये आसन इन्हें दे दो, तब लज्जित हो तुम्हें वो आसन छोड़कर सबसे पीछे के आसन पर बैठना पड़े। किंतु जब तुम्हें कहीं आमंत्रित किया जाए, जाकर सबसे साधारण आसन पर बैठ जाओ, जिससे कि जब जिसने तुम्हें आमंत्रित किया है तुम्हारे पास आए तो ये कहे, मेरे मित्र उठो और उस ऊंचे आसन पर बैठो। इस पर अन्य सभी आमंत्रित अतिथियों के सामने तुम आदर योग्य साबित होगे। हर एक जो स्वयं को बड़ा बनाता है छोटा बना दिया जाएगा, तथा जो स्वयं को छोटा बना देता है बड़ा किया जाएगा। तब फिर मसीह यीशु ने अपने न्योता देने वाले से कहा, जब तुम दिन या रात के भोजन पर किसी को आमंत्रित करो तो अपने मित्रों, भाई बंधुओं, परिजनों या धनवान पड़ोसियों को आमंत्रित मत करो। ऐसा ना हो कि वे भी तुम्हें आमंत्रित करें और तुम्हें बदला मिल जाए। किंतु जब तुम भोज का आयोजन करो तो निर्धनों, अपंगों, लंगड़ों तथा अंधों को आमंत्रित करो, तब तुम परमेश्वर की कृपा के भागी बनोगे। वे लोग तुम्हारा बदला नहीं चुका सकते, बदला तुम्हें धर्मियों के दोबारा जी उठने के अवसर पर प्राप्त होगा। ये सुन वहां आमंत्रितों में से एक ने मसीह यीशु से कहा, धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य के भोज में सम्मिलित होगा। ये सुन मसीह यीशु ने कहा, किसी व्यक्ति ने एक बड़ा भोज का आयोजन किया और अनेकों को आमंत्रित किया। भोज तैयार होने पर उसने अपने सेवकों को इस सूचना के साथ आमंत्रितों के पास भेजा, आ जाइए सब कुछ तैयार है, किंतु वे सभी बहाने बनाने लगे। एक ने कहा, मैंने भूमि मोल ली है और आवश्यक है कि मैं जाकर उसका निरीक्षण करूं, कृपया मुझे क्षमा करें। दूसरे ने कहा, मैंने अभी अभी 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और मैं उन्हें परखने के लिए बस निकल ही रहा हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। एक और अन्य ने कहा, अभी इसी समय मेरा विवाह हुआ है इसलिए मेरा आना संभव नहीं। सेवक ने लौटकर अपने स्वामी को यह सूचना दे दी। अत्यंत गुस्से में घर के स्वामी ने सेवक को आज्ञा दी, तुरंत नगर की गलियों चौराहों में जाओ और निर्धनों, अपंगों, लंगड़ों और अंधों को ले आओ। सेवक ने लौटकर सूचना दी, स्वामी आपके आदेश अनुसार काम पूरा हो चुका है किंतु अब भी कुछ जगह खाली है। तब घर के स्वामी ने उसे आज्ञा दी, अब नगर के बाहर के मार्गों से लोगों को यहाँ आने के लिए विवश करो कि मेरा भवन भर जाए। ये निश्चित है कि वे जिन्हें आमंत्रित किया गया था उनमें से एक भी मेरे भोज को चख ना सकेगा। एक बड़ी भीड़ मसीह यीशु के साथ साथ चल रही थी। मसीह यीशु ने मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी, संतान तथा भाई बहनों को, यहाँ तक कि स्वयं अपने जीवन को मुझसे अधिक महत्व देता है, मेरा चेला नहीं हो सकता। जो कोई अपना क्रूस उठाए बिना मेरे पीछे हो लेता है वो मेरा चेला हो ही नहीं सकता। तुम्हें ऐसा कौन है जो भवन निर्माण करना चाहे और पहले बैठकर खर्च का अनुमान न करे कि उसके पास निर्माण काम पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि है भी या नहीं? अन्यथा यदि वो नींव डाल ले और काम पूरा न कर पाए तो देखने वालों के ठट्ठों का कारण बन जाएगा, देखो देखो इसने काम प्रारंभ तो कर दिया किंतु अब समाप्त नहीं कर पा रहा। या ऐसा कौन राजा होगा
जो दूसरे पर आक्रमण करने के पहले ये विचार न करेगा कि वो अपने 10,000 सैनिकों के साथ अपने विरुद्ध 20,000 की सेना से टक्कर लेने में समर्थ है भी या नहीं। यदि नहीं तो जब शत्रु सेना दूर ही है वो अपने दूतों को भेजकर उसके सामने शांति प्रस्ताव रखेगा। इसी प्रकार तुम में से कोई भी मेरा चेला नहीं हो सकता यदि वो अपना सब कुछ त्याग न कर दे। नमक उत्तम है किंतु यदि नमक ही स्वादहीन हो जाए तो किस वस्तु से उसका स्वाद लौटाया जा सकेगा? तब वो न तो भूमि के लिए किसी उपयोग का रह जाता है और न खाद के रूप में किसी उपयोग का। उसे फेंक दिया जाता है। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। सभी चुंगी लेने वाले और पापी लोग मसीह यीशु के प्रवचन सुनने उनके पास आए, किंतु फरीसी और शास्त्री बड़बड़ाने लगे, ये व्यक्ति पापियों से मित्रता रखते हुए उनके साथ संगति करता है। इसलिए मसीह यीशु ने उनके सामने ये दृष्टांत प्रस्तुत किया, तुम में से ऐसा कौन होगा जिसके पास 100 भेड़े हों और उनमें से एक खो जाए तो वो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को तब तक खोजता ना रहेगा जब तक वो मिल ना जाए? और जब वो उसे मिल जाती है उसे आनंद पूर्वक कंधों पर लाद लेता है। घर लौटने पर वो अपने मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा कर कहता है, मेरे आनंद में सम्मिलित हो जाओ क्योंकि मुझे मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। ये बात याद रखो, पश्चाताप करते हुए एक पापी के लिए उन 99 धर्मियों की तुलना में स्वर्ग में कहीं अधिक आनंद मनाया जाता है जिन्हें मन फिराने की जरूरत नहीं है। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास चांदी के 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वो घर में रोशनी कर घर को बुहारते हुए उस सिक्के को तब तक खोजती ना रहेगी जब तक वो मिल नहीं जाता? सिक्का मिलने पर वो अपनी पड़ोसिनों और सहेलियों से कहती है, मेरे आनंद में शामिल हो जाओ क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में इसी प्रकार परमेश्वर के दूतों के सामने उस पापी के लिए आनंद मनाया जाता है जिसने मन फिराया है। मसीह यीशु ने आगे कहा, किसी व्यक्ति के 2 पुत्र थे। छोटे पुत्र ने पिता से विनती की, पिताजी संपत्ति में से मेरा भाग मुझे दे दीजिए। इसलिए पिता ने दोनों पुत्रों में अपनी संपत्ति बांट दी। शीघ्र ही छोटे पुत्र ने अपने भाग में आई सारी संपत्ति ली और एक दूर देश की ओर चला गया। वहां उसने अपना सारा धन मनमानी जीवन शैली में उड़ा दिया। और अब जब उसका सब कुछ समाप्त हो गया था सारे देश में भीषण अकाल पड़ा, किंतु उसके पास अब कुछ भी बाकी न रह गया था। इसलिए वो उसी देश के एक नागरिक के यहाँ चला गया जिसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने भेज दिया। वो सुअरों के चारे से ही अपना पेट भरने के लिए तरस जाता था। कोई भी उसे खाने के लिए कुछ नहीं देता था। अपनी परिस्थिति के बारे में होश में आने पर वो विचार करने लगा, मेरे पिता के कितने ही सेवकों को अधिक मात्रा में भोजन उपलब्ध है और यहाँ मैं भूखा मर रहा हूँ। मैं लौटकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी मैंने वो जो स्वर्ग में हैं उनके विरुद्ध तथा आपके विरुद्ध पाप किया है। इसके बाद मैं इस योग्य नहीं रह गया कि आपका पुत्र कहलाऊं। अब आप मुझे अपने यहाँ मजदूर ही रख लीजिए। इसलिए वो अपने पिता के पास लौट गया। वो दूर ही था कि पिता ने उसे देख लिया और वो दया से भर गया। वो दौड़कर अपने पुत्र के पास गया और उसे गले लगाकर चूमता रहा। पुत्र ने पिता से कहा, पिताजी मैंने परमेश्वर के विरुद्ध तथा आपके प्रति पाप किया है। मैं अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं आपका पुत्र कहलाऊं। किंतु पिता ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, बिना देर किए सबसे अच्छे वस्त्र लाकर इसे पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और पांवों में जूतियां भी पहनाओ। जाकर एक सबसे अच्छे बछड़े से भोजन तैयार करो। चलो हम सब आनंद मनाए क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था अब जीवित हो गया है, ये खो गया था किंतु अब मिल गया है। इसलिए वे सभी आनंद से भर गए।
उस समय बड़ा बेटा अपने खेतों में काम कर रहा था। जब वो लौट कर घर आ रहा था, पास आने पर उसे संगीत और नाचने की आवाज सुनाई दी। उसने एक सेवक को बुलाकर उससे पूछा, ये सब क्या हो रहा है? आपका भाई लौट आया है, उस सेवक ने उत्तर दिया, और आपके पिता ने सबसे अच्छा बछड़ा लेकर भोज तैयार करवाया है, क्योंकि उनका पुत्र उन्हें सकुशल और सुरक्षित मिल गया है। गुस्से में बड़े भाई ने घर के भीतर तक जाना ना चाहा, इसलिए उसके पिता ने ही बाहर आकर उससे विनती की। उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए, इन सभी वर्षों में मैं दास जैसे आपकी सेवा करता रहा हूँ और कभी भी आपकी आज्ञा नहीं टाली, फिर भी आपने मुझे कभी एक मेमना तक ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ मिलकर आनंद मना सकूं। किंतु जब आपका ये पुत्र, जिसने आपकी संपत्ति वेश्याओं पर उड़ा दी, घर लौट आया, तो आपने उसके लिए सबसे अच्छे बछड़े का भोजन बनवाया है। मेरे पुत्र, पिता ने कहा, तुम तो सदा से ही मेरे साथ हो, वो सब जो मेरा है तुम्हारा ही है। हमारे लिए आनंद मनाना और हर्षित होना सही ही है, क्योंकि तुम्हारा ये भाई जो मर गया था अब जीवित हो गया है, वो जो खो गया था अब मिल गया है। मसीह यीशु ने अपने शिष्यों को यह वृत्तांत भी सुनाया। किसी धनी व्यक्ति का एक भंडारी था, जिसके विषय में उसे यह सूचना दी गई कि वो उसकी संपत्ति का दुरुपयोग कर रहा है। इसलिए स्वामी ने उसे बुलाकर उससे पूछताछ की, तुम्हारे विषय में मैं क्या सुन रहा हूँ? अपने प्रबंधन का हिसाब दे दो, क्योंकि अब तुम भंडारी के पद पर नहीं रह सकते। भंडारी मन में विचार करने लगा, अब मैं क्या करूं? मेरा पद मुझसे छीना जा रहा है, मेरा शरीर इतना बलवान नहीं कि मैं भूमि खोदने का काम करूं, और लज्जा के कारण मैं भीख भी ना मांग सकूंगा। अब मेरे सामने क्या रास्ता बचा रह गया है? मैं समझ गया कि मेरे लिए क्या करना सही है, कि मुझे पद से हटा दिए जाने के बाद भी लोगों की मित्रता मेरे साथ बनी रहे। उसने अपने स्वामी के हर एक कर्जदार को बुलवाया। पहले कर्जदार से उसने प्रश्न किया, तुम पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? 100 लीटर तेल, उसने उत्तर दिया। भंडारी ने उससे कहा, लो ये है तुम्हारा बही खाता, तुरंत बैठकर इसमें 50 लिख दो। तब उसने दूसरे को बुलवाया, उससे पूछा, तुम पर कितना कर्ज है? 100 किलो गेहूं, भंडारी ने कहा। अपना बही खाता लेकर उसमें 80 लिख दो। स्वामी ने इस ठग भंडारी की इस चतुराई भरी योजना की सराहना की। सांसारिक लोग ज्योति की संतान की तुलना में अपने जैसे लोगों के साथ अपने आचार व्यवहार में कितने अधिक चतुर हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि सांसारिक संपत्ति का उपयोग अपने मित्र बनाने के लिए करो, कि जब यह संपत्ति ना रहे तो अनंत काल के घर में तुम्हारा स्वागत हो। वो जो थोड़े में विश्वास योग्य हैं, वो उस ज्यादा में भी विश्वास योग्य होता है। वो जो थोड़े में भ्रष्ट है, ज्यादा में भी भ्रष्ट होगा। इसलिए यदि तुम सांसारिक संपत्ति के प्रति विश्वास योग्य ना पाए गए, तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? यदि तुम किसी अन्य की संपत्ति के प्रति विश्वास योग्य प्रमाणित ना हुए, तो कौन तुम्हें वो सौंपेगा जो तुम्हारा ही है? किसी भी दास के लिए दो स्वामियों की सेवा करना संभव नहीं है। वो एक से प्रेम तथा दूसरे से घृणा करेगा, या वो एक के प्रति समर्पित रहेगा तथा दूसरे को तुच्छ दृष्टि से देखेगा। तुम परमेश्वर तथा धन दोनों ही की सेवा नहीं कर सकते। वे फरीसी जिन्हें धन से लगाव था, ये सब सुनकर मसीह यीशु का उपहास करने लगे। उन्हें संबोधित करते हुए मसीह यीशु ने कहा, तुम स्वयं को अन्यों के सामने धर्मी रूप में प्रस्तुत करते हो, किंतु परमेश्वर तुम्हारे हृदय को जानते हैं। वो जो मनुष्यों के सामने महान है, परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। व्यवस्था और भविष्यवाणियां बपतिस्मा देने वाले योहन तक प्रभाव में थी। उसके बाद से परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया जा रहा है, और हर एक इसमें प्रबलता से प्रवेश करता जा रहा है। स्वर्ग और पृथ्वी का खत्म हो जाना सरल है, बजाय इसके कि व्यवस्था का एक भी बिंदु व्यर्थ प्रमाणित हो। वो जो अपनी पत्नी से तलाक लेकर अन्य स्त्री से विवाह करता है, व्यभिचार करता है, और वो पुरुष जो इस त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है, व्यभिचार करता है।
मसीह यीशु ने आगे कहा, एक धनवान व्यक्ति था जो हमेशा कीमती तथा अच्छे वस्त्र ही पहनता था। तो उसकी जीवन शैली विलासता से भरी थी। उसके द्वार पर लाजरस नामक एक गरीब व्यक्ति को, जिसका सारा शरीर घावों से भरा था, लाकर छोड़ दिया जाता था। वो धनवान व्यक्ति की मेज से गिरे हुए चूर तार को खाने के लिए तरसता रहता था। ऊपर से कुत्ते आकर उसके घावों को चाटते रहते थे। एक तय समय पर उस गरीब व्यक्ति की मृत्यु हुई और स्वर्ग दूत उसे अब्राहम के सामने ले गए। कुछ समय बाद धनी व्यक्ति की भी मृत्यु हुई और उसे भूमि में गाड़ दिया गया। अधोलोक की ताड़ना में पड़े हुए धनवान व्यक्ति ने दूर से ही अब्राहम को देखा, जिनके सामने लाजरस बैठा हुआ था। उसने अब्राहम को पुकारा और उनसे कहा, पिता अब्राहम, मुझ पर कृपा कीजिए और लाजरस को मेरे पास भेज दीजिए कि वो अपनी उंगली को जल में डुबोकर उससे मेरी जीभ को ठंडक प्रदान करे, क्योंकि मैं यहाँ इस आग की ताड़ना में पड़ा हुआ हूँ। किंतु अब्राहम ने उसे उत्तर दिया, मेरे पुत्र, ये ना भूलो कि अपने शारीरिक जीवन में तुमने अच्छी से अच्छी वस्तुएं प्राप्त की, जबकि लाजरस ने तुच्छ वस्तुएं, किंतु वो अब यहाँ सुख और संतोष में है। और फिर इन सब के अलावा तुम्हारे और हमारे बीच में एक बड़ा गड्ढा बनाया गया है, जिससे कि यहाँ से वहां जाने के इच्छुक वहां ना जा सके और ना ही वहां से कोई यहाँ आ सके। इस पर उस धनवान व्यक्ति ने विनती की, तो पिता, मेरी विनती है कि आप उसे मेरे परिजनों के पास भेज दें। वहां मेरे 5 भाई हैं, कि वो उन्हें सावधान कर दे, ऐसा ना हो कि वे भी ताड़ना के स्थान में आ जाएं। अब्राहम ने उत्तर दिया, उनके पास मोशे और भविष्यद्वक्ता के लेख हैं, सही होगा कि वे उनका पालन करें। नहीं पिता अब्राहम, उसने विरोध करते हुए कहा, वे मन तभी फिराएंगे जब कोई मृत व्यक्ति पुनर्जीवित होकर उनके पास जाएगा। अब्राहम ने इसके उत्तर में कहा, जब वे मोशे और भविष्यद्वक्ताओं के आदेशों का पालन नहीं करते, तो वे किसी दोबारा जीवित हुए व्यक्ति का भी विश्वास न करेंगे। इसके बाद अपने शिष्यों से मसीह यीशु ने कहा, यह असंभव है कि ठोकरें ना लगें, किंतु धिक्कार है उस व्यक्ति पर जो ठोकर का कारण है, इसके बजाय कि वो निर्बलों के लिए ठोकर का कारण बने, उत्तम ये होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधकर उसे गहरे समुद्र में फेंक दिया जाता। इसलिए तुम स्वयं के प्रति सावधान रहो। यदि तुम्हारा भाई अपराध करे तो उसे डांटो, और यदि वो मन फिराए तो उसे क्षमा कर दो। यदि वो एक दिन में तुम्हारे विरुद्ध 7 भी अपराध करे और 7 तुमसे आकर कहे, मुझे इसका पछतावा है, तो उसे क्षमा कर दो। प्रेरितों ने उनसे विनती की, प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ा दीजिए। मसीह यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा विश्वास राई के बीज के बराबर भी हो, तो तुम इस शहतूत के पेड़ को ये आज्ञा देते, उखड़ जा और जाकर समुद्र में लग जा, तो ये तुम्हारी आज्ञा का पालन करता। क्या तुम में से कोई ऐसा है जिसके खेत में काम करने या भेड़ों की रखवाली के लिए एक दास हो, और जब वो दास खेत से लौटे तो वो दास से कहे, आओ मेरे साथ भोजन करो, क्या वो अपने दास को ये आज्ञा न देगा, मेरे लिए भोजन तैयार करो और मुझे भोजन परोसने के लिए तैयार हो जाओ, मैं भोजन के लिए बैठ रहा हूँ, तुम मेरे भोजन समाप्त करने के बाद भोजन कर लेना। क्या वो अपने दास का आभार इसलिए मानेगा कि उसने उसे दिए गए आदेशों का पालन किया है? नहीं, यही तुम सब के लिए भी सही है। जब तुम वो सब कर लो जिसकी तुम्हें आज्ञा दी गई थी, ये कहो, हम अयोग्य सेवक हैं, हमने केवल अपना कर्तव्य पूरा किया है। यरूशलेम नगर की ओर बढ़ते हुए मसीह यीशु शोमरोन और गलील प्रदेश के बीच से होते हुए जा रहे थे। जब वो गांव में प्रवेश कर ही रहे थे, उनकी भेंट 10 कोढ़ रोगियों से हुई जो दूर ही खड़े रहे। उन्होंने दूर ही से पुकारते हुए मसीह यीशु से कहा, स्वामी, मसीह यीशु, हम पर कृपा कीजिए। उन्हें देख मसीह यीशु ने उन्हें आज्ञा दी, जाकर पुरोहितों द्वारा स्वयं का निरीक्षण करवाओ। जब वे जा ही रहे थे, वे शुद्ध हो गए। उनमें से एक, ये एहसास होते ही कि वो शुद्ध हो गया है, मसीह यीशु के पास लौट आया और ऊंचे शब्द में परमेश्वर की वंदना करने लगा। मसीह यीशु के चरणों पर गिरकर उसने उनके प्रति धन्यवाद प्रकट किया। वो शोमरोन वासी था। मसीह यीशु ने उससे प्रश्न किया, क्या सभी 10 शुद्ध नहीं हुए? कहाँ है वे अन्य 9? क्या इस परदेशी के अतिरिक्त किसी अन्य ने परमेश्वर के प्रति धन्यवाद प्रकट करना सही न समझा? तब मसीह यीशु ने उससे कहा, उठो और जाओ,
तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें हर तरह से स्वस्थ किया है। एक अवसर पर जब फरीसियों ने उनसे ये जानना चाहा कि परमेश्वर के राज्य का आगमन कब होगा, तो मसीह यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर के राज्य का आगमन दिखने वाले संकेतों के साथ नहीं होगा, और ना ही इसके विषय में कोई ये कह सकता है, देखो देखो ये है परमेश्वर का राज्य, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे ही बीच में है। तब अपने शिष्यों से उन्मुख हो मसीह यीशु ने कहा, वो समय आ रहा है जब तुम मनुष्य के पुत्र के राज्य का एक दिन देखने के लिए तरस जाओगे और देख ना पाओगे। लोग आकर तुम्हें सूचना देंगे, देखो वो वहाँ है, या देखो वो यहाँ है। ये सुनकर तुम चले ना जाना और ना ही उनके पीछे भागना, क्योंकि मनुष्य के पुत्र का दोबारा आना बिजली कौंधने के समान होगा आकाश में एक छोर से दूसरे छोर तक। किंतु उसके पूर्व उसका अनेक यातनाएं सहना और इस पीढ़ी द्वारा तिरस्कार किया जाना अवश्य है। ठीक जिस प्रकार नोहा के युग में हुआ था, मनुष्य के पुत्र के समय में भी होगा। तब भी लोगों में उस समय तक खाना पीना विवाह उत्सव होते रहे, जब तक नूह ने जलयान में प्रवेश न किया, तब पानी की बाढ़ आई और सब कुछ नाश हो गया। ठीक यही स्थिति थी लोत के समय में। लोग उत्सव, लेन देन, खेती और निर्माण का काम करते रहे, किंतु जैसे ही लोत ने सोदोम नगर से प्रस्थान किया, आकाश से आग और गंधक की बारिश हुई और सब कुछ नाश हो गया। यही सब होगा उस दिन जब मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा। उस समय सही ये होगा कि वो जो छत पर हो और उसकी वस्तुएं घर में हो, वो उन्हें लेने नीचे ना उतरे। इसी प्रकार वो जो खेत में काम कर रहा है, वो भी लौट कर ना आए। याद है लोत की पत्नी, वो जो अपने प्राणों को बचाना चाहता था उन्हें खो देता है, और वो जो अपने जीवन से मोह नहीं रखता उसे बचा पाता है। उस रात एक बिछौने पर सोए हुए दो व्यक्तियों में से एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां एक साथ अनाज पीस रही होंगी, एक उठा ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। खेत में दो व्यक्ति काम कर रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने मसीह यीशु से प्रश्न किया, कब प्रभु? मसीह यीशु ने उत्तर दिया, गिद्ध वही इकट्ठा होंगे जहाँ शव होता है। तब मसीह यीशु ने उन्हें ये समझाने के उद्देश्य से कि हतोत्साहित हुए बिना निरंतर प्रार्थना करते रहना ही सही है, ये दृष्टांत प्रस्तुत किया। किसी नगर में एक न्यायाधीश था, वो ना तो परमेश्वर से डरता था और ना ही किसी को कुछ समझता था। उसी नगर में एक विधवा भी थी जो बार बार उस न्यायाधीश के पास आकर विनती करती थी कि उसे न्याय दिलाया जाए। कुछ समय तक तो वो न्यायाधीश उसे टालता रहा, किंतु फिर उसने मन में विचार किया, यद्यपि मैं ना तो परमेश्वर से डरता हूँ और ना लोगों से प्रभावित होता हूँ, फिर भी ये विधवा आ आकर मेरी नाक में दम किए दे रही है, इसलिए उत्तम यही होगा कि मैं इसका न्याय कर ही दूं, कि ये बार बार आकर मेरी नाक में दम तो ना करे। प्रभु ने आगे कहा, उस अधर्मी न्यायाधीश के शब्दों पर ध्यान दो कि उसने क्या कहा। तब क्या परमेश्वर अपने उन चुने हुओं का न्याय न करेंगे जो दिन रात उनके नाम की दोहाई दिया करते हैं? क्या वो उनके संबंध में देर करेंगे? सच मानो परमेश्वर बिना देर किए उनके पक्ष में सक्रिय हो जाएंगे। फिर भी क्या मनुष्य के पुत्र के पुनरागमन पर विश्वास बना रहेगा? तब मसीह यीशु ने उनके लिए, जो स्वयं को तो धर्मी मानते थे परंतु अन्यों को तुच्छ दृष्टि से देखते थे, ये दृष्टांत प्रस्तुत किया। प्रार्थना करने दो व्यक्ति मंदिर में गए, एक फरीसी था तथा दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी की प्रार्थना इस प्रकार थी, परमेश्वर मैं आपका आभारी हूँ कि मैं अन्य मनुष्यों जैसा नहीं हूँ, छली, अन्यायी, व्यभिचारी और ना इस चुंगी लेने वाले के जैसा। मैं सप्ताह में दो बार उपवास करता हूँ और अपनी सारी आय का दसवां अंश दिया करता हूँ। किंतु चुंगी लेने वाला दूर ही खड़ा रहा, उसने दृष्टि तक उठाने का साहस न किया। अपने सीने पर शोक में प्रहार करते हुए उसने कहा, प्रभु परमेश्वर कृपा कीजिए मुझ पापी पर।
विश्वास करो, वास्तव में यही चुंगी लेने वाला धर्मी घोषित किया जाकर घर लौटा, न कि वो फरीसी। क्योंकि हर एक जो स्वयं को बड़ा बनाता है छोटा बना दिया जाएगा, तथा जो व्यक्ति स्वयं नम्र हो जाता है वो ऊंचा उठाया जाता है। लोग अपने बालकों को मसीह यीशु के पास ला रहे थे कि मसीह यीशु उन्हें स्पर्श मात्र कर दें। शिष्य ये देख उन्हें डांटने लगे। मसीह यीशु ने बालकों को अपने पास बुलाते हुए कहा, नन्हे बालकों को मेरे पास आने दो, मत रोको उन्हें, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। वास्तव में जो परमेश्वर के राज्य को एक नन्हे बालक के भाव में ग्रहण नहीं करता, उसमें कभी प्रवेश न कर पाएगा। एक प्रधान ने उनसे प्रश्न किया, उत्तम गुरु, अनंत काल के जीवन को पाने के लिए मेरे लिए क्या करना सही होगा? तुम मुझे उत्तम कहकर क्यों बुला रहे हो? मसीह यीशु ने कहा, परमेश्वर के अलावा दूसरा कोई भी उत्तम नहीं। आज्ञा तो तुम्हें मालूम ही है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने माता पिता का सम्मान करना, इन सब का पालन तो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। उसने उत्तर दिया, ये सुन मसीह यीशु ने उससे कहा, एक कमी फिर भी है तुम्हें, अपनी सारी संपत्ति बेचकर निर्धनों में बांट दो, धन तुम्हें स्वर्ग में प्राप्त होगा, तब आकर मेरे पीछे हो लो। ये सुन वो प्रधान बहुत दुखी हो गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। ये देख मसीह यीशु ने कहा, धनवानों का स्वर्ग राज्य में प्रवेश कैसा कठिन है। एक धनी के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की तुलना में सुई के छेद में से ऊंट का पार हो जाना सरल है। इस पर सुनने वाले पूछने लगे, तब किसका उद्धार संभव है? मसीह यीशु ने उत्तर दिया, जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। पतरस ने मसीह यीशु से कहा, हम तो अपना घर बार छोड़कर आपके पीछे चल रहे हैं। मसीह यीशु ने इसके उत्तर में कहा, सच तो ये है कि ऐसा कोई भी नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए अपनी घर गृहस्थी, पत्नी, भाई, माता पिता या संतान का त्याग किया हो, और उसे इस समय में कई गुना अधिक तथा आगामी युग में अनंत काल का जीवन प्राप्त ना हो। तब मसीह यीशु ने 12 शिष्यों को अलग ले जाकर उन पर प्रकट किया, हम यरूशलेम नगर जा रहे हैं, भविष्यद्वक्ताओं द्वारा मनुष्य के पुत्र के विषय में जो भी लिखा गया है वो पूरा होने पर है। उसे अन्य जातियों को सौंप दिया जाएगा, उसका उपहास किया जाएगा, उसे अपमानित किया जाएगा, उस पर थूका जाएगा, उसे कोड़े लगाने के बाद वे उसे मार डालेंगे, और वो तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित हो जाएगा। शिष्यों को कुछ भी समझ में ना आया, उनसे इसका अर्थ छिपा कर रखा गया था। इस विषय में मसीह यीशु की कही बातें शिष्यों की समझ से परे थी। जब मसीह यीशु यरीहो नगर के पास पहुंचे, उन्हें एक अंधा मिला जो मार्ग के किनारे बैठा हुआ भिक्षा मांग रहा था। भीड़ का शोर सुनकर उसने जानना चाहा कि क्या हो रहा है। उन्होंने उसे बताया, नाजरत के यीशु यहां से होकर जा निकल रहे हैं। वो अंधा पुकार उठा, यीशु, दाविद की संतान, मुझ पर दया कीजिए। उन्होंने जो आगे आगे चल रहे थे उसे डांटा और उसे शांत रहने की आज्ञा दी। इस पर वो और भी ऊंचे शब्द में पुकारने लगा, दाविद के पुत्र, मुझ पर कृपा कीजिए। मसीह यीशु रुक गए और उन्हें आज्ञा दी कि वो व्यक्ति उनके पास लाया जाए। जब वो उनके पास लाया गया, मसीह यीशु ने उससे प्रश्न किया, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? प्रभु, मैं देखना चाहता हूं, उसने उत्तर दिया। मसीह यीशु ने कहा, रोशनी प्राप्त करो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें स्वस्थ किया है। तत्काल ही वो देखने लगा, परमेश्वर की वंदना करते हुए वो मसीह यीशु के पीछे चलने लगा। ये देख सारी भीड़ भी परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी। मसीह यीशु ने यरीहो नगर में प्रवेश किया। वहां जखाइयास नामक एक व्यक्ति था जो प्रधान चुंगी लेने वाला और धनी व्यक्ति था।
वो ये देखने का प्रयत्न कर रहा था कि मसीह यीशु कौन है। भीड़ में वो मसीह यीशु को देख नहीं पा रहा था क्योंकि वो नाटा था। इसलिए मसीह यीशु को देखने के लिए वो दौड़कर आगे बढ़ा और गूलर के एक पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि मसीह यीशु उसी मार्ग से जाने को थे। जब मसीह यीशु वहां पहुंचे, उन्होंने ऊपर देखते हुए उससे कहा, जखाइयास, तुरंत नीचे आ जाओ, जरूरी है कि आज मैं तुम्हारे घर में ठहरूं। वो तुरंत नीचे उतरा और खुशी से उन्हें अपने घर ले गया। ये देख सभी बड़बड़ाने लगे, वो तो एक ऐसे व्यक्ति के घर गया है जो अपराधी है। किंतु जखाइयास ने खड़े होकर प्रभु से कहा, प्रभुवर, मैं अपनी आधी संपत्ति निर्धनों में दान कर दूंगा, और यदि मैंने किसी से गलत ढंग से कुछ भी लिया है तो मैं उसे चौगुनी राशि लौटा दूंगा। मसीह यीशु ने उससे कहा, आज इस परिवार में उद्धार का आगमन हुआ है, ये व्यक्ति भी अब्राहम की संतान है। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को खोजने तथा उन्हें उद्धार देने आया है। जब वे इन बातों को सुन रहे थे, मसीह यीशु ने एक दृष्टांत प्रस्तुत किया, क्योंकि अब वे यरूशलेम नगर के पास पहुंच रहे थे और लोगों की आशा थी कि परमेश्वर का राज्य तुरंत ही प्रकट होने पर है। मसीह यीशु ने कहना प्रारंभ किया, एक कुलीन व्यक्ति राजपद प्राप्त करने के लिए दूर देश की यात्रा पर निकला। यात्रा के पहले उसने अपने 10 दासों को बुलाकर उन्हें 10 सोने के सिक्के देते हुए कहा, मेरे लौटने तक इस राशि से व्यापार करना। लोग उससे घृणा करते थे, इसलिए उन्होंने उसके पीछे एक सेवकों की टुकड़ी को इस संदेश के साथ भेजा, हम नहीं चाहते कि ये व्यक्ति हम पर शासन करे। इस पर भी उसे राजा बना दिया गया। लौटने पर उसने उन दासों को बुलवाया कि वो ये मालूम करे कि उन्होंने उस राशि से व्यापार कर कितना लाभ कमाया है। पहले दास ने आकर बताया, स्वामी, आपके द्वारा दिए गए सोने के सिक्कों से मैंने 10 सिक्के और कमाए हैं। बहुत बढ़िया मेरे योग्य दास, स्वामी ने उत्तर दिया, इसलिए कि तुम बहुत छोटी जिम्मेदारी में भी विश्वास योग्य पाए गए, तुम 10 नगरों की जिम्मेदारी संभालो। दूसरे दास ने आकर बताया, स्वामी, आपके द्वारा दिए गए सोने के सिक्कों में से मैंने 5 सोने के सिक्के और कमाए हैं। स्वामी ने उत्तर दिया, तुम 5 नगरों की जिम्मेदारी संभालो। तब एक अन्य दास आया और स्वामी से कहने लगा, स्वामी, ये है आपका दिया हुआ सोने का सिक्का, जिसे मैंने बड़ी ही सावधानी से कपड़े में लपेट संभाल कर रखा है। मुझे आपसे भय था क्योंकि आप कठोर व्यक्ति हैं। आपने जिसका निवेश भी नहीं किया वो आप ले लेते हैं, जो आपने बोया ही नहीं उसे काटते हैं। स्वामी ने उसे उत्तर दिया, अरे ओ दुष्ट, तेरा न्याय तो मैं तेरे ही शब्दों के आधार पर करूंगा। जब तू जानता है कि मैं एक कठोर व्यक्ति हूँ, मैं वो ले लेता हूँ जिसका मैंने निवेश ही नहीं किया, और वो काटता हूँ जो मैंने बोया ही नहीं, तो तूने मेरा धन साहूकारों के पास जमा क्यों नहीं कर दिया कि मैं लौटने पर उसे ब्याज सहित प्राप्त कर सकता। तब उसने अपने पास खड़े दासों को आज्ञा दी, इसकी स्वर्ण मुद्रा लेकर उसे दे दो जिसके पास अब 10 मुद्राएं हैं। उन्होंने आपत्ति करते हुए कहा, स्वामी, उसके पास तो पहले ही 10 हैं। स्वामी ने उत्तर दिया, सच्चाई ये है, हर एक जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा, किंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मेरे इन शत्रुओं को, जिन्हें मेरा उन पर शासन करना अच्छा नहीं लग रहा, यहां मेरे सामने लाकर प्राण दंड दो। इसके बाद मसीह यीशु उनके आगे आगे चलते हुए यरूशलेम नगर की ओर बढ़ गए। जब मसीह यीशु जैतून नामक पर्वत पर बसे गांव बैतफगे तथा बैथनिया पहुंचे, उन्होंने अपने 2 शिष्यों को इस आज्ञा के साथ आगे भेज दिया, सामने उस गांव में जाओ, वहां प्रवेश करते ही तुम्हें गधे का एक बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, जिसकी अब तक किसी ने सवारी नहीं की है, उसे खोल कर यहाँ ले आओ। यदि कोई तुमसे ये प्रश्न करे, क्यों खोल रहे हो उसे, तो उसे उत्तर देना, प्रभु को इसकी जरूरत है। जिन्हें इसके लिए भेजा गया था, उन्होंने ठीक वैसा ही पाया जैसा उन्हें सूचित किया गया था। जब वे उस बच्चे को खोल ही रहे थे, उसके स्वामियों ने उनसे पूछा, क्यों खोल रहे हो उसे? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु को इसकी जरूरत है। वे उसे प्रभु के पास ले आए और उस पर अपने वस्त्र डालकर मसीह यीशु को उस पर बैठा दिया। जब प्रभु जा रहे थे, लोगों ने अपने बाहरी वस्त्र मार्ग पर बिछा दिए। जब वे उस स्थान पर पहुंचे जहां जैतून पर्वत का ढाल प्रारंभ होता है, सारी भीड़ उन सभी अद्भुत कामों को याद करते हुए जो उन्होंने देखे थे, ऊंचे शब्द में आनंद पूर्वक परमेश्वर की स्तुति करने लगी। स्तुति के योग्य है वो राजा जो प्रभु के नाम में आ रहा है।
स्वर्ग में शांति और सर्वोच्च में महिमा हो। भीड़ में से कुछ फरीसियों ने आपत्ति उठाते हुए मसीह यीशु से कहा, गुरु अपने शिष्यों को डांटिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यदि ये शांत हो गए तो स्तुति इन पत्थरों से निकलने लगेगी। जब वे यरूशलेम नगर के पास आए तो नगर को देख वे ये कहते हुए रो पड़े, यदि तुम, हाँ तुम आज इतना ही समझ लेते कि शांति का मतलब क्या है, किंतु ये तुमसे छिपा कर रखा गया है। वे दिन आ रहे हैं जब शत्रु सेना तुम्हारे चारों ओर घेराबंदी करके तुम्हारे निकलने का रास्ता बंद कर देगी। वे तुम्हें तथा तुम्हारी संतानों को धूल में मिला देंगे। वे तुम्हारे घरों का एक भी पत्थर दूसरे पत्थर पर न छोड़ेंगे, क्योंकि तुमने तुम्हें दिए गए सुअवसर को नहीं पहचाना। मंदिर में प्रवेश करने पर मसीह यीशु ने सभी विक्रेताओं को ये कहते हुए वहां से बाहर करना प्रारंभ कर दिया, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, किंतु तुमने तो इसे डाकुओं की गुफा बना रखी है। मसीह यीशु हर रोज मंदिर में शिक्षा दिया करते थे। प्रधान याजक, शास्त्री तथा जन साधारण में से प्रधान नागरिक उनकी हत्या की योजना कर रहे थे, किंतु उनकी कोई भी योजना सफल नहीं हो रही थी, क्योंकि लोग मसीह यीशु के प्रवचनों से अत्यंत प्रभावित थे। एक दिन जब मसीह यीशु मंदिर में शिक्षा दे रहे तथा सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, प्रधान पुरोहितों तथा शास्त्रियों ने पुरनियों के साथ आकर मसीह यीशु का सामना किया और उन्होंने उनसे पूछा, ये बताओ तुम किस अधिकार से ये सब कर रहे हो? कौन है वो जिसने तुम्हें यह अधिकार दिया है? मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, एक प्रश्न मैं भी आपसे पूछता हूँ, मुझे बताइए, योहन का बपतिस्मा परमेश्वर की ओर से था या मनुष्यों की ओर से? इस पर वे आपस में विचार विमर्श करने लगे। यदि हम कहते हैं परमेश्वर की ओर से, तो वो कहेगा, तब तुमने योहन का विश्वास क्यों नहीं किया? किंतु यदि हम कहें मनुष्यों से, तब तो जनता हमारा पथराव कर हमें मार डालेगी, क्योंकि उनका तो ये पक्का विश्वास है कि योहन एक भविष्यद्वक्ता थे। इसलिए उन्होंने मसीह यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते कि वो बपतिस्मा कहां से था। मसीह यीशु ने इसके उत्तर में कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि किस अधिकार से मैं ये काम कर रहा हूं। मसीह यीशु ने भीड़ को यह दृष्टांत सुनाया, एक व्यक्ति ने एक दाख की बारी लगाई और उसे किसानों को पट्टे पर देकर लंबी यात्रा पर चला गया। फसल तैयार होने पर उसने अपने एक दास को उनके पास भेजा कि वे फसल का एक भाग उसे दे दें, किंतु उन किसानों ने उसकी पिटाई कर उसे खाली हाथ ही लौटा दिया। तब उसने दूसरे दास को उनके पास भेजा, किसानों ने उस दास की भी पिटाई की, उसके साथ शर्मनाक व्यवहार किया और उसे भी खाली हाथ लौटा दिया। उसने तीसरे दास को उनके पास भेजा, उन्होंने उसे भी घायल कर बाहर फेंक दिया। तब दाख की बारी के स्वामी ने विचार किया, अब मेरा क्या करना सही होगा, मैं अपने प्रिय पुत्र को उनके पास भेजूंगा, जरूर वे उसका सम्मान करेंगे। किंतु उसके पुत्र को देख किसानों ने आपस में विचार विमर्श किया, सुनो ये तो वारिस है, चलो इसकी हत्या कर दें, जिससे संपत्ति ही हमारी हो जाए। उन्होंने उसे बारी के बाहर निकालकर उसकी हत्या कर दी। ये बताओ उद्यान का स्वामी अब उनके साथ क्या करेगा? यही कि वो आएगा और इन किसानों का वध कर बारी अन्य किसानों को सौंप देगा। ये सुन लोगों ने कहा, ऐसा कभी ना हो। तब उनकी ओर देखकर मसीह यीशु ने उनसे प्रश्न किया, तो इस लेख का मतलब क्या है?
राजमिस्त्रियों द्वारा निकम्मी ठहराई शिला ही आधार की शिला बन गई। हर एक जो उस पर गिरेगा वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और जिस पर ये गिरेगी उसे पीस डालेगी। फलस्वरूप प्रधान याजक तथा शास्त्री उसी समय मसीह यीशु को पकड़ने की योजना में जुट गए, किंतु उन्हें भीड़ का भय था। वे समझ गए थे कि मसीह यीशु ने उन पर ही ये दृष्टांत कहा है। वे मसीह यीशु की गतिविधियों पर दृष्टि रखे हुए थे। उन्होंने मसीह यीशु के पास अपने गुप्तचर भेजे कि वे धर्म का ढोंग कर मसीह यीशु को उनकी ही किसी बात में फंसा कर उन्हें राज्यपाल को सौंप दें। गुप्तचरों ने मसीह यीशु से प्रश्न किया, गुरुवर, ये तो हम जानते हैं कि आपकी बातें तथा शिक्षाएं सही हैं और आप किसी के प्रति पक्षपाती भी नहीं हैं। आप पूरी सच्चाई में परमेश्वर के विषय में शिक्षा दिया करते हैं, इसलिए ये बताइए कि कैसर को कर देना विधान सम्मत है या नहीं। मसीह यीशु ने उनकी चतुराई भांपते हुए उनसे कहा, मुझे एक दीनार दिखाओ, इस पर आकृति तथा मुद्रण किसका है? उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। मसीह यीशु ने उनसे कहा, तो जो कैसर का है वो कैसर को और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। भीड़ की उपस्थिति में वह मसीह यीशु को उनकी बातों के कारण पकड़ने में असफल रहे। मसीह यीशु के इस उत्तर से वे चकित थे और आगे कुछ भी ना कह पाए। तब सदूकी समुदाय के कुछ लोग जो पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते मसीह यीशु के पास आए। उन्होंने उनसे प्रश्न किया, गुरुवर, हमारे लिए मोशे के निर्देश हैं, यदि किसी निसंतान पुरुष का पत्नी के रहते हुए निधन हो जाए तो उसका भाई उस स्त्री से विवाह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे, पहले ने विवाह किया और निसंतान ही उसकी मृत्यु हो गई। तब दूसरे ने और फिर तीसरे ने उससे विवाह किया और इस प्रकार 7 ही निसंतान चल बसे। अंततः उस स्त्री की भी मृत्यु हो गई। इसलिए मरे हुओं के जी उठने पर वो स्त्री किसकी पत्नी कहलाएगी, क्योंकि वो 7 ही की पत्नी रह चुकी थी। मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, विवाह केवल इसी लोक में होते हैं। वे जो आने वाले लोक में प्रवेश तथा मरे हुओं में से जी उठने के योग्य गिने जाते हैं, वैवाहिक अवस्था में प्रवेश नहीं करते। जी उठने पर लोग ना तो वैवाहिक अवस्था में होंगे और ना ही कभी उनकी मृत्यु होगी, क्योंकि वहां वे स्वर्ग दूतों जैसे होते हैं। जी उठने के परिणाम स्वरूप वे परमेश्वर की संतान होंगे। मरे हुओं का जी उठना एक सच्चाई है। इसकी पुष्टि स्वयं मोशे ने जलती हुई झाड़ी के विवरण में की है, जहां वो प्रभु को अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर तथा याकोब का परमेश्वर कहते हैं। इसलिए वो मरे हुओं के नहीं जीवितों के परमेश्वर हैं, क्योंकि उनके सामने ये सभी जीवित हैं। कुछ शास्त्रियों ने इसके उत्तर में कहा, गुरुवर, अति उत्तम उत्तर दिया आपने, उनमें से किसी को भी अब उनसे किसी भी विषय में प्रश्न करने का साहस न रहा। मसीह यीशु ने उनसे प्रश्न किया, लोग ये क्यों कहते हैं कि मसीह दाविद की संतान है? क्योंकि स्वयं दाविद भजन संहिता में कहते हैं, यावे ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाएं पक्ष में बैठे रहो, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे अधीन करूंगा। जब दाविद उन्हें प्रभु कहकर संबोधित करते हैं, तब वो दाविद के पुत्र कैसे हुए? सारी भीड़ के सुनते हुए मसीह यीशु ने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, उन शास्त्रियों से सावधान रहना जो ढीले ढाले लंबे लहराते वस्त्र धारण किए हुए घूमते रहते हैं, जिन्हें सार्वजनिक स्थलों पर सम्मान भरे नमस्कार की इच्छा रहती है। उन्हें यहूदी सभागृहों में प्रधान आसन तथा भोज के अवसरों पर सम्मान के स्थान की आशा रहती है। वे विधवाओं के घर हड़प लेते हैं तथा मात्र दिखावे के उद्देश्य से लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। कठोर होगा इनका दंड। मसीह यीशु ने देखा कि धनी व्यक्ति दान कोष में अपना अपना दान डाल रहे हैं। उन्होंने ये भी देखा कि एक निर्धन विधवा ने 2 छोटे सिक्के डाले हैं। इस पर मसीह यीशु ने कहा, सच ये है कि इस निर्धन विधवा ने उन सभी से बढ़कर दिया है। इन सब ने तो अपने धन की बढ़ती में से दिया है,
किंतु इस विधवा ने अपनी कंगाली में से अपनी सारी जीविका ही दे दी है। जब कुछ लोग मंदिर के विषय में चर्चा कर रहे थे कि ये भवन कितने सुंदर पत्थरों तथा मन्नत की भेंटों से सजाया है, मसीह यीशु ने उनसे कहा, जिन वस्तुओं को तुम इस समय सराह रहे हो, एक दिन आएगा कि इन भवनों का एक भी पत्थर दूसरे पर स्थापित न दिखेगा, हर एक पत्थर भूमि पर पड़ा होगा। उन्होंने मसीह यीशु से प्रश्न किया, गुरुवर ये कब घटित होगा तथा इनके पूरा होने के समय का चिन्ह क्या होगा? मसीह यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहना कि तुम भटका ना दिए जाओ, क्योंकि मेरे नाम में अनेक आएंगे और दावा करेंगे मैं मसीह हूँ तथा वो समय पास आ गया है, किंतु उनकी ना सुनना। जब तुम युद्धों तथा बलवों के समाचार सुनो तो भयभीत ना होना, इनका पहले घटना जरूरी है, फिर भी इनके तुरंत बाद अंत नहीं होगा। तब मसीह यीशु ने उनसे कहा, राष्ट्र राष्ट्र के तथा राज्य राज्य के विरुद्ध उठ खड़ा होगा, भीषण भूकंप आएंगे, विभिन्न स्थानों पर महामारियां होंगी तथा अकाल पड़ेंगे, भयावह घटनाएं होंगी तथा आकाश में अचंभित दृश्य दिखाई देंगे। इन सब के पहले वे तुम्हें पकड़ लेंगे और तुम्हें यातनाएं देंगे, मेरे नाम के कारण वे तुम्हें सभागृहों में ले जाएंगे, बंदी गृह में डाल देंगे तथा तुम्हें राजाओं और राज्यपालों के हाथों में सौंप देंगे। इसके परिणाम स्वरूप तुम्हें गवाही देने का सुअवसर प्राप्त हो जाएगा, इसलिए सुनिश्चित करो कि तुम पहले ही अपने बचाव की तैयारी नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें अपने बचाव में कहने के विचार तथा बुद्धि मैं दूंगा, जिसका तुम्हारे विरोधी ना तो सामना कर सकेंगे और ना ही खंडन। तुम्हारे माता पिता भाई बहन तथा परिजन और मित्र ही तुम्हारे साथ धोखा करेंगे, वे तुम में से कुछ की तो हत्या भी कर देंगे, मेरे नाम के कारण सभी तुमसे घृणा करेंगे, फिर भी तुम्हारे एक बाल तक की हानि ना होगी, तुम्हारे धीरज में छिपी होगी तुम्हारे जीवन की सुरक्षा। जिस समय यरूशलेम नगर सेनाओं द्वारा घिरा हुआ दिखे, तब ये समझ लेना कि विनाश पास है, तब वे जो यहूदिया प्रदेश में हैं भागकर पर्वतों की शरण लें, वे जो नगर में हैं नगर छोड़कर चले जाएं, जो नगर के बाहर हैं वे नगर में प्रवेश ना करें, क्योंकि ये बदला लेने का समय होगा कि वे सब जो लेखों में पहले से लिखा है पूरा हो जाए। दयनीय होगी गर्भवती और दूध पिलाती स्त्रियों की स्थिति, क्योंकि ये मनुष्यों पर क्रोध तथा पृथ्वी पर घोर संकट का समय होगा। वे तलवार से घात किए जाएंगे, अन्य राष्ट्र उन्हें बंदी बनाकर ले जाएंगे। यरूशलेम नगर अन्य जातियों द्वारा उस समय तक रौंदा जाएगा जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो जाए। सूर्य चंद्रमा और तारों में अद्भुत चिन्ह दिखाई देंगे, पृथ्वी पर राष्ट्रों में आतंक छा जाएगा, उफनते सागर की लहरों के कारण लोग घबरा जाएंगे, लोग भय और इस आशंका से मूर्छित हो जाएंगे कि अब संसार का क्या होगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिला दी जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को बादल में सामर्थ्य और प्रताप में नीचे आता हुआ देखेंगे। जब ये घटनाएं घटित होने लगे, साहस के साथ स्थिर खड़े होकर आने वाली घटना की प्रतीक्षा करो, क्योंकि समीप होगा तुम्हारा छुटकारा। तब मसीह यीशु ने उन्हें इस दृष्टांत के द्वारा शिक्षा दी, अंजीर के पेड़ तथा अन्य वृक्षों पर ध्यान दो, जब उनमें कोंपले निकलने लगती हैं, तो तुम स्वयं जान जाते हो कि गर्मी का समय पास है। इसी प्रकार जब तुम इन घटनाओं को घटित होते हुए देखो, तो तुम ये जान जाओगे कि परमेश्वर का राज्य अब पास है। वस्तुतः ये पीढ़ी उस समय तक समाप्त नहीं होगी जब तक ये सभी घटनाएं घटित न हो जाए। आकाश और पृथ्वी का लुप्त हो जाना संभव है, किंतु मेरे शब्दों का बिल्कुल नहीं। सावधान रहना कि तुम्हारा हृदय जीवन संबंधी चिंताओं, दुर्व्यसनों तथा मतवालेपन में पड़कर सुस्त ना हो जाए और वो दिन तुम पर अचानक से फंदे जैसा आ पड़े। उस दिन का प्रभाव पृथ्वी के हर एक मनुष्य पर पड़ेगा। हमेशा सावधान रहना, प्रार्थना करते रहना कि तुम्हें इन आने वाली घटनाओं से निकलने के लिए बल प्राप्त हो और तुम मनुष्य के पुत्र की उपस्थिति में खड़े हो सको।
दिन के समय मसीह यीशु मंदिर में शिक्षा दिया करते तथा संध्या काल में वो जैतून पर्वत पर जाकर प्रार्थना करते हुए रात बिताया करते थे। लोग भोर में उनका प्रवचन सुनने मंदिर आ जाया करते थे। अखमीरी रोटी का उत्सव जो फसह पर्व कहलाता है पास आ रहा था। प्रधान याजक तथा शास्त्री इस खोज में थे कि मसीह यीशु को किस प्रकार मार डाला जाए, किंतु उन्हें लोगों का भय था। शैतान ने कारियोतवासी यहूदा में जो 12 शिष्यों में से एक था प्रवेश किया। उसने प्रधान पुरोहितों तथा अधिकारियों से मिलकर निश्चित किया कि वो किस प्रकार मसीह यीशु को पकड़वा सकता है। इस पर प्रसन्न हो वे उसे इसका दाम देने पर सहमत हो गए। यहूदा मसीह यीशु को उनके हाथ पकड़वा देने के ऐसे सुअवसर की प्रतीक्षा करने लगा जब आसपास भीड़ ना हो। तब अखमीरी रोटी का उत्सव आ गया, जब फसह का मेमना बलि किया जाता था। मसीह यीशु ने पतरस और योहन को इस आज्ञा के साथ भेजा, जाओ और हमारे लिए फसह की तैयारी करो। उन्होंने उनसे प्रश्न किया, प्रभु हम किस स्थान पर इसकी तैयारी करें, आप क्या चाहते हैं? मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, नगर में प्रवेश करते ही तुम्हें एक व्यक्ति पानी का घड़ा ले जाता हुआ मिलेगा। उसका पीछा करते हुए उस घर में चले जाना जिस घर में वो प्रवेश करेगा। उस घर के स्वामी से कहना, गुरु ने पूछा है वो अतिथि कक्ष कहाँ है जहाँ मैं अपने शिष्यों के साथ फसह खाऊंगा। वो तुमको एक विशाल सुसज्जित ऊपरी कक्ष दिखाएगा, तुम वहीं सारी तैयारी करना। ये सुन वे दोनों वहां से चले गए और सब कुछ ठीक वैसा ही पाया जैसा मसीह यीशु ने कहा था। उन्होंने वहां फसह तैयार किया। नियत समय पर मसीह यीशु अपने प्रेरितों के साथ भोज पर बैठे। उन्होंने प्रेरितों से कहा, मेरी बड़ी लालसा थी कि मैं अपने दुख भोग के पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि सच ये है कि मैं इसे दोबारा तब तक नहीं खाऊंगा जब तक ये परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो। तब उन्होंने प्याला उठाया, परमेश्वर के प्रति धन्यवाद दिया और कहा, इसे लो, आपस में बांट लो, क्योंकि ये निर्धारित है कि जब तक परमेश्वर के राज्य का आगमन ना हो जाए मैं दाखरस दोबारा नहीं पीऊंगा। तब उन्होंने रोटी ली, धन्यवाद देते हुए उसे तोड़ा और शिष्यों को ये कहते हुए दे दी, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, मेरी याद में तुम ऐसा ही किया करना। इसी प्रकार इसके बाद मसीह यीशु ने प्याला उठाया और कहा, ये प्याला मेरे लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है नई वाचा है। वो जो मुझे पकड़वाएगा हमारे साथ इस भोज में शामिल है। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं कि मनुष्य का पुत्र जैसा उसके लिए तय किया गया है ठीक उसी के अनुसार आगे बढ़ रहा है, किंतु धिक्कार है उस व्यक्ति पर जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जा रहा है। ये सुन वो आपस में विचार विमर्श करने लगे कि वो कौन हो सकता है जो ये करने पर है। उनके बीच ये विवाद भी उठ खड़ा हुआ कि उनमें से सबसे बड़ा कौन है। ये जान मसीह यीशु ने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर शासन करते हैं और वे जिन्हें उन पर अधिकार है उनके हितैषी कहलाते हैं, किंतु तुम वो नहीं हो। तुम में जो बड़ा है वो सबसे छोटे के समान हो जाए और राजा सेवक समान। बड़ा कौन है, क्या वो जो भोजन पर बैठा है या वो जो खड़ा हुआ सेवा कर रहा है? तुम्हारे मध्य मैं सेवक के समान हूं। तुम ही हो जो मेरे विषम समयों में मेरा साथ देते रहे हो, इसलिए जैसा मेरे पिता ने मुझे एक राज्य प्रदान किया है वैसा ही मैं भी तुम्हें यह अधिकार देता हूं कि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर बैठकर मेरे साथ संगति करो और सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 वंशों का न्याय। शिमोन, शिमोन सुनो, शैतान ने तुम सबको गेहूं के समान अलग करने की आज्ञा प्राप्त कर ली है, किंतु शिमोन तुम्हारे लिए मैंने प्रार्थना की है
कि तुम्हारे विश्वास का पतन न हो। जब तुम पहले जैसी स्थिति पर लौट आओ तो अपने भाइयों को भी विश्वास में मजबूत करना। पतरस ने मसीह यीशु से कहा, प्रभु मैं तो आपके साथ दोनों ही को स्वीकारने के लिए तत्पर हूं, बंदी गृह तथा मृत्यु। मसीह यीशु ने इसके उत्तर में कहा, सुनो पतरस, आज रात मुर्ग तब तक बांग न देगा जब तक तुम तीन बार इस सच को कि तुम मुझे जानते हो नकार न चुके होगे। मसीह यीशु ने उनसे प्रश्न किया, ये बताओ जब मैंने तुम्हें बिना बटुए बिना झोले और बिना जूती के बाहर भेजा था क्या तुम्हें कोई अभाव हुआ था? बिल्कुल नहीं, उन्होंने उत्तर दिया। तब मसीह यीशु ने उनसे कहा, किंतु अब जिस किसी के पास बटुआ है वो उसे साथ ले ले, इसी प्रकार झोला भी, और जिसके पास तलवार नहीं है वो अपना वस्त्र बेचकर तलवार मोल ले। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि ये जो लेख लिखा है उसकी गिनती अपराधियों में हुई का मुझ में पूरा होना जरूरी है, क्योंकि मुझसे संबंधित सभी लेखों का पूरा होना अवश्य है। शिष्यों ने कहा, प्रभु देख। तब मसीह यीशु बाहर निकलकर जैतून पर्वत पर चले गए जहां वो प्रायः जाया करते थे, उनके शिष्य भी उनके साथ थे। उस स्थान पर पहुंचकर मसीह यीशु ने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न फंसो। तब मसीह यीशु शिष्यों से कुछ ही दूरी पर गए और उन्होंने घुटने टेक कर ये प्रार्थना की, पिताजी यदि संभव हो तो यातना का यह प्याला मुझसे दूर कर दीजिए, फिर भी मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। उसी समय स्वर्ग से एक स्वर्ग दूत ने आकर उनमें बल का संचार किया। प्राण निकलने के समान दर्द में वो और भी अधिक कातर भाव में प्रार्थना करने लगे। उनका पसीना लहू के समान भूमि पर टपक रहा था। जब वो प्रार्थना से उठे और शिष्यों के पास आए तो उन्हें सोता हुआ पाया। उदासी के मारे शिष्य सो चुके थे। मसीह यीशु ने शिष्यों से कहा, सो क्यों रहे हो? उठो, प्रार्थना करो कि तुम किसी परीक्षा में ना फंसो। मसीह यीशु जब ये कह ही रहे थे तभी एक भीड़ वहां आ पहुंची। उनमें यहूदा जो 12 शिष्यों में से एक था सबसे आगे था। वो मसीह यीशु को चूमने के लिए आगे बढ़ा, किंतु मसीह यीशु ने उससे कहा, यहूदा क्या मनुष्य के पुत्र को तुम इस चुंबन के द्वारा पकड़वा रहे हो? ये पता चलने पर कि क्या होने पर है, शिष्यों ने मसीह यीशु से पूछा, प्रभु क्या हम तलवार चलाएं? उनमें से एक ने तो महायाजक के दास पर वार कर उस दास का दाहिना कान ही उड़ा दिया। मसीह यीशु इस पर बोले, बस बहुत हुआ। और उन्होंने उस दास के कान का स्पर्श कर उसे पहले जैसा कर दिया। तब मसीह यीशु ने प्रधान पुरोहितों, मंदिर के पहरुओं तथा वहां उपस्थित पुरनियों को संबोधित करते हुए कहा, तलवारें और लाठियां लेकर क्या आप किसी राजद्रोही को पकड़ने आए हैं? आपने मुझे तब तो नहीं पकड़ा जब मैं मंदिर आंगन में प्रतिदिन आपके साथ हुआ करता था। यह इसलिए कि ये क्षण आपका है, अंधकार के हाकिम का। वे मसीह यीशु को पकड़कर महायाजक के घर पर ले गए। पतरस दूर ही दूर से उनके पीछे पीछे चलते रहे। जब लोग आंगन में आग जलाए हुए बैठे थे पतरस भी उनके साथ बैठ गए। एक सेविका ने पतरस को आग की रोशनी में देखा और उनको एक टक देखते हुए कहा, ये व्यक्ति भी उसके साथ था। पतरस ने नकारते हुए कहा, नहीं मैं उसे नहीं जानता। कुछ समय बाद किसी अन्य ने उन्हें देखकर कहा, तुम भी तो उनमें से एक हो।
नहीं भाई नहीं, पत्रस ने उत्तर दिया। लगभग एक घंटे बाद एक अन्य व्यक्ति ने बल देते हुए कहा, निसंदेह ये व्यक्ति भी उसके साथ था क्योंकि ये भी गलीलवासी है। पत्रस ने उत्तर दिया, महोदय मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। जब वो कह ही रहे थे कि एक मुर्ग ने बांग दी, उसी समय प्रभु ने मुड़कर पत्रस की ओर दृष्टि की और पत्रस को प्रभु की पहले कही हुई बात याद आ गई। इसके पहले कि मुर्ग बांग दे, तुम आज 3 बार मुझे नकार चुके होगे। पत्रस बाहर चले गए और फूट फूट कर रोने लगे। जिन्होंने मसीह यीशु को पकड़ा था वे उनको ठट्ठों में उड़ाते हुए उन पर वार करते जा रहे थे। उन्होंने मसीह यीशु की आंखों पर पट्टी बांधी और उनसे पूछने लगे, अपनी भविष्यवाणी से बता किसने वार किया है तुझ पर। इसके अतिरिक्त वे उनकी निंदा करते हुए उनके लिए अनेक अपमानजनक शब्द भी कहे जा रहे थे। पौ फटने पर पुरनीय लोगों ने प्रधान पुरोहितों तथा शास्त्रियों की एक सभा बुलाई और मसीह यीशु को महासभा में ले गए। उन्होंने मसीह यीशु से प्रश्न किया, यदि तुम ही मसीह हो तो हमें बता दो। मसीह यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आपको ये बताऊंगा तो भी आप इसका विश्वास नहीं करेंगे, और यदि मैं आपसे कोई प्रश्न करूं तो आप उसका उत्तर ही ना देंगे। किंतु अब इसके बाद मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाईं ओर बैठाया जाएगा। उन्होंने प्रश्न किया, तो क्या तुम परमेश्वर के पुत्र हो। मसीह यीशु ने उत्तर दिया, जी हाँ मैं हूँ। ये सुन वे कहने लगे, अब हमें गवाहों की जरूरत ही ना रही, स्वयं हमने इसके मुख से सुन लिया है। इस पर सारी सभा उठ खड़ी हुई और वे मसीह यीशु को राज्यपाल पिलातोस के पास ले गए। पिलातोस के सामने वे ये कहते हुए मसीह यीशु पर दोष लगाने लगे, हमने पाया है कि ये व्यक्ति हमारे राष्ट्र को भरमा रहा है। ये कैसर को कर देने का विरोध करता तथा ये दावा करता है कि वो स्वयं ही मसीह राजा है। इसलिए पिलातोस ने मसीह यीशु से प्रश्न किया, क्या तुम यहूदियों के राजा हो। सच वही है जो आपने कहा है, मसीह यीशु ने उत्तर दिया। इस पर पिलातोस ने प्रधान पुरोहितों और भीड़ को संबोधित करते हुए घोषणा की, मुझे इस व्यक्ति में ऐसा कोई दोष नहीं मिला कि इस पर मुकदमा चलाया जाए। किंतु वे दृढ़ता पूर्वक कहते रहे, ये सारे यहूदिया प्रदेश में लोगों को अपनी शिक्षाओं द्वारा भड़का रहा है। ये सब इसने गलील प्रदेश से प्रारंभ किया और अब यहाँ भी आ पहुँचा है। ये सुनते ही पिलातोस ने प्रश्न किया, क्या ये व्यक्ति गलील वासी है। ये मालूम होने पर कि मसीह यीशु हेरोदेस के अधिकार क्षेत्र के हैं, उसने उन्हें हेरोदेस के पास भेज दिया जो इस समय यरूशलेम नगर में ही था। मसीह यीशु को देखकर हेरोदेस अत्यंत प्रसन्न हुआ क्योंकि बहुत दिनों से उसे मसीह यीशु को देखने की इच्छा थी। उसने मसीह यीशु के विषय में बहुत कुछ सुन रखा था। उसे आशा थी कि वो मसीह यीशु द्वारा किया गया कोई चमत्कार देख सकेगा। उसने मसीह यीशु से अनेक प्रश्न किए किंतु मसीह यीशु ने कोई भी उत्तर न दिया। प्रधान याजक और शास्त्री वहीं खड़े हुए थे और पूरे जोर शोर से मसीह यीशु पर दोष लगा रहे थे। हेरोदेस और उसके सैनिकों ने अपमान करके मसीह यीशु का मजाक उड़ाया और उन पर भड़कीला वस्त्र डालकर वापस पिलातोस के पास भेज दिया। उसी दिन से हेरोदेस और पिलातोस में मित्रता हो गई। इसके पहले वे एक दूसरे के शत्रु थे। पिलातोस ने प्रधान पुरोहितों, नायकों और लोगों को पास बुलाया और उनसे कहा, तुम इस व्यक्ति को ये कहते हुए मेरे पास लाए हो कि ये लोगों को विद्रोह के लिए उकसा रहा है। तुम्हारी ही उपस्थिति में मैंने उससे पूछताछ की और मुझे उसमें तुम्हारे द्वारा लगाए गए आरोप के लिए कोई भी आधार नहीं मिला, न ही हेरोदेस को उसमें कोई दोष मिला है। उसने उसे हमारे पास ही भेज दिया है। तुम देख ही रहे हो कि उसने मृत्यु दंड के योग्य कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए मैं उसे कोड़े लगवा कर छोड़ देता हूँ। उत्सव के अवसर पर एक बंदी को मुक्त कर देने की प्रथा थी। भीड़ एक शब्द में चिल्ला उठी, उसे मृत्यु दंड दीजिए और हमारे लिए बारब्बा को मुक्त कर दीजिए। बारब्बा को नगर में विद्रोह भड़काने और हत्या के आरोप में बंदी बनाया गया था। मसीह यीशु को मुक्त करने की इच्छा से पिलातोस ने उनसे एक बार फिर विनती की, किंतु वे चिल्लाते रहे, क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। पिलातोस ने तीसरी बार उनसे प्रश्न किया, क्यों, क्या है उसका अपराध। मुझे तो उसमें मृत्यु दंड देने योग्य कोई दोष नहीं मिला, मैं उसे कोड़े लगवा कर छोड़े देता हूं।
किंतु वे हट करते हुए ऊंचे शब्द में चिल्लाते रहे, क्रूस पर चढ़ाओ उसे। तब हार कर उसे उनके आगे झुकना ही पड़ा। पिलातोस ने अनुमति दे दी कि उनकी मांग पूरी की जाए और उसने उस व्यक्ति को मुक्त कर दिया जिसे विद्रोह तथा हत्या के अपराधों में बंदी बनाया गया था, जिसे छोड़ देने की उन्होंने मांग की थी, और उसने मसीह यीशु को भीड़ की इच्छा अनुसार उन्हें ही सौंप दिया। जब वे मसीह यीशु को लेकर जा रहे थे, उन्होंने साइरीन वासी शिमोन को पकड़ा जो अपने गांव से आ रहा था। उन्होंने मसीह यीशु के लिए निर्धारित क्रूस उस पर लाद दिया कि वो उसे लेकर मसीह यीशु के पीछे पीछे जाए। बड़ी संख्या में लोग उनके पीछे चल रहे थे, उनमें अनेक स्त्रियां भी थीं जो मसीह यीशु के लिए विलाप कर रही थीं। मुड़कर मसीह यीशु ने उनसे कहा, यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए रोना छोड़कर स्वयं अपने लिए तथा अपनी संतान के लिए रोओ, क्योंकि वे दिन आ रहे हैं जब लोग कहेंगे, धन्य हैं वे स्त्रियां जो बांझ हैं, वे गर्भ जिन्होंने संतान उत्पन्न नहीं किए, और वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। तब वे पर्वतों को संबोधित करके कहेंगे, हम पर आ गिरो, और पहाड़ियों से हमको ढांप लो, क्योंकि जब वे एक हरे पेड़ के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, तब क्या होगी सूखे पेड़ की दशा। अन्य दो भी जो राजद्रोह के अपराधी थे, मसीह यीशु के साथ मृत्युदंड के लिए ले जाए जा रहे थे। जब वे कपाल नामक स्थल पर पहुंचे, उन्होंने मसीह यीशु तथा उन दोनों राजद्रोहियों को भी क्रूसित कर दिया, एक को मसीह यीशु की दाईं ओर, दूसरे को उनकी बाईं ओर। मसीह यीशु ने प्रार्थना की, पिता, इनको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि इन्हें ये पता ही नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने पासा फेंक कर मसीह यीशु के वस्त्र आपस में बांट लिए। भीड़ खड़ी हुई ये सब देख रही थी। यहूदी राजा ये कहते हुए मसीह यीशु का ठट्ठा कर रहे थे, इसने अन्य लोगों की रक्षा की है, यदि ये परमेश्वर का मसीह उनका चुना हुआ है तो अब अपनी रक्षा स्वयं कर ले। सैनिक भी उनका ठट्ठा कर रहे थे। वे मसीह यीशु के पास आकर उन्हें घटिया दाखरस प्रस्तुत करके कह रहे थे, यदि यहूदियों के राजा हो तो स्वयं को बचा लो। क्रूस पर उनके सिर के ऊपर सूचना पत्र के रूप में ये लिखा था, यही वो यहूदियों का राजा है। वहां लटकाए गए राजद्रोहियों में से एक ने मसीह यीशु पर अपशब्दों की बौछार करते हुए कहा, अरे क्या तुम मसीह नहीं हो, स्वयं अपने आप को बचाओ और हमको भी। किंतु दूसरे राजद्रोही ने डपटते हुए उससे कहा, क्या तुझे परमेश्वर का थोड़ा भी भय नहीं है, तुझे भी तो वही दंड दिया जा रहा है। हमारे लिए तो ये दंड सही ही है, क्योंकि हमें वही मिल रहा है जो हमारे बुरे कामों के लिए सही है, किंतु इन्होंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। तब मसीह यीशु की ओर देखकर उसने उनसे विनती की, आदरणीय यीशु, अपने राज्य में मुझ पर दया कीजिएगा। मसीह यीशु ने उसे आश्वासन दिया, मैं तुम पर यह सच्चाई प्रकट कर रहा हूँ, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगे। ये दिन का छठा घंटा था। सारे क्षेत्र पर अंधकार छा गया और ये 9 घंटे तक छाया रहा। सूर्य अंधियारा हो गया। मंदिर का पर्दा फटकर 2 भागों में बांट दिया गया। मसीह यीशु ने ऊंचे शब्द में पुकारते हुए कहा, पिता, मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूं। ये कहते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए। एला
वो सेनापति जो ये सब देख रहा था, ये कहते हुए परमेश्वर की वंदना करने लगा, सचमुच ये व्यक्ति निर्दोष था। इस घटना को देखने के लिए इकट्ठा भीड़ ये सब देख विलाप करती हुई घर लौट गई। मसीह यीशु के परिचित और गलील प्रदेश से मसीह यीशु के साथ आई स्त्रियां कुछ दूर खड़ी हुई ये सब देख रही थीं। यूसुफ नामक एक व्यक्ति थे, वो महासभा के सदस्य, सज्जन तथा धर्मी थे। वो ना तो यहूदी अगुओं की योजना से और ना ही उसके कामों से सहमत थे। यूसुफ यहूदियों के एक नगर अरिमथिया के निवासी थे और वो परमेश्वर के राज्य की प्रतीक्षा कर रहे थे। यूसुफ ने पिलातोस के पास जाकर विनती की कि मसीह यीशु का शव उन्हें दे दिया जाए। उन्होंने शव को क्रूस से उतारकर मलमल के वस्त्र में लपेटा और चट्टान में खोदकर बनाई गई एक कब्र की गुफा में रख दिया। इस कब्र में अब तक कोई भी शव रखा नहीं गया था। ये शब्बात की तैयारी का दिन था, शब्बात प्रारंभ होने पर ही था। गलील प्रदेश से आई हुई स्त्रियां भी उनके साथ वहां गई। उन्होंने उस कब्र को देखा तथा ये भी कि शव को वहां कैसे रखा गया था। तब वे सब घर लौट गए और उन्होंने अंत्येष्टि के लिए उबटन लेप तैयार किए। व्यवस्था के अनुसार उन्होंने शब्बात पर विश्राम किया, किंतु सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही वे तैयार किए गए उबटन लेपों को लेकर कब्र की गुफा पर आईं। उन्होंने कब्र के द्वार का पत्थर कब्र से लुढ़का हुआ पाया, किंतु जब उन्होंने कब्र की गुफा में प्रवेश किया, वहां प्रभु मसीह यीशु का शव नहीं था। जब वे स्थिति का निरीक्षण कर ही रही थी, एकाएक उजले वस्त्रों में दो व्यक्ति उनके पास आ खड़े हुए। भय में डरी हुई स्त्रियों की दृष्टि भूमि की ओर ही थी कि उन्होंने स्त्रियों से प्रश्न किया, आप लोग एक जीवित को मरे हुओं के मध्य क्यों खोज रही हैं? वो यहां नहीं है, वो दोबारा जीवित हो गए हैं। याद कीजिए, जब वो आपके साथ गलील प्रदेश में थे, उन्होंने आपसे क्या कहा था? ये अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र कुकर्मियों के हाथों में सौंपा जाए, क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित हो जाए। अब उन्हें मसीह यीशु की बातों की याद आई। वे सभी स्त्रियां कब्र की गुफा से लौट गई और सारा हाल 11 शिष्यों तथा बाकियों को सुनाया। जिन स्त्रियों ने प्रेरितों को यह हाल सुनाया वे थीं मगदाला वासी मरियम, योहन्ना तथा याकूब की माता मरियम तथा उनके अलावा अन्य स्त्रियां। प्रेरितों को यह समाचार बेमतलब लगा, उन्होंने इसका विश्वास नहीं किया। किंतु पतरस उठे और कब्र की गुफा की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने झुककर भीतर देखा और वहां उन्हें वे पट्टियां जो शव पर लपेटी गई थीं अलग रखी हुई दिखी। इस घटना पर अचंभित पतरस घर लौट गए। उसी दिन दो शिष्य इमाउस नामक गांव की ओर जा रहे थे, जो यरूशलेम नगर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर था। सारा घटनाक्रम ही उनकी आपस की बातों का विषय था। जब वे विचार विमर्श और बातचीत में मग्न ही थे, स्वयं मसीह यीशु उनके पास पहुंचकर उनके साथ साथ चलने लगे, किंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थीं कि वे मसीह यीशु को पहचानने ना पाए। मसीह यीशु ने उनसे प्रश्न किया, आप लोग किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? वे रुक गए, उनके मुख पर उदासी छाई हुई थी। उनमें से एक ने, जिसका नाम क्लोपस था, इसके उत्तर में उनसे ये प्रश्न किया, आप यरूशलेम में आए अकेले ऐसे परदेसी हैं कि आपको ये मालूम नहीं कि यहाँ इन दिनों में क्या क्या हुआ है? क्या क्या हुआ है? मसीह यीशु ने उनसे प्रश्न किया। उन्होंने उत्तर दिया, नाजरेतवासी मसीह यीशु से संबंधित घटनाएं, मसीह यीशु जो वास्तव में परमेश्वर और सभी जन साधारण की नजर में और काम में सामर्थी भविष्यद्वक्ता थे, उन्हें प्रधान पुरोहितों और हमारे सरदारों ने मृत्युदंड दिया और क्रूस पर चढ़ा दिया।
हमारी आशा ये थी कि मसीह यीशु इज़राइल राष्ट्र को स्वतंत्र करवा देंगे। ये आज से 3 दिन पूर्व की घटना है, किंतु हमारे समुदाय की कुछ स्त्रियों ने हमें आश्चर्य में डाल दिया है। पॉप हटते ही वे कब्र पर गई थी, किंतु उन्हें वहाँ मसीह यीशु का शव नहीं मिला। उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने वहाँ स्वर्ग दूतों को देखा है, जिन्होंने उन्हें सूचना दी कि मसीह यीशु जीवित हैं। हमारे कुछ साथी भी कब्र पर गए थे और उन्होंने ठीक वैसा ही पाया जैसा स्त्रियों ने बताया था, किंतु मसीह यीशु को उन्होंने नहीं देखा। तब मसीह यीशु ने उनसे कहा, ओ मूर्खों, भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंद बुद्धियों, क्या मसीह के लिए जरूरी न था कि वो सभी यंत्रणाएं सहकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब मसीह यीशु ने पवित्र शास्त्र में स्वयं से संबंधित उन सभी लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया, मोशे से प्रारंभ कर सभी भविष्यद्वक्ताओं तक। तब वे उस गांव के पास पहुंचे जहां उनको जाना था। मसीह यीशु के व्यवहार से ऐसा भास हुआ मानो वो आगे बढ़ना चाह रहे हों, किंतु उन शिष्यों ने विनती की, हमारे साथ ही ठहर जाइए, क्योंकि दिन ढल चला है और शाम होने को है। इसलिए मसीह यीशु उनके साथ भीतर चले गए। जब वे सब भोजन के लिए बैठे, मसीह यीशु ने रोटी लेकर आशीर्वाद के साथ उसे तोड़ा और उन्हें दे दिया। तब उनकी आंखों को देखने लायक बना दिया गया और वे मसीह यीशु को पहचान गए, किंतु उसी क्षण मसीह यीशु उनकी आंखों से ओझल हो गए। वे आपस में विचार करने लगे, मार्ग में जब वो हमसे बातचीत कर रहे थे और पवित्र शास्त्र की व्याख्या कर रहे थे तो हमारे मन में उत्तेजना हुई थी ना? तत्काल ही वे उठे और यरूशलेम को लौट गए। वहां उन्होंने 11 शिष्यों और अन्यों को जो वहां इकट्ठा थे ये कहते पाया, हाँ ये सच है, प्रभु मरे हुओं में से दोबारा जीवित हो गए हैं और शिमोन को दिखाई भी दिए हैं। तब इन 2 शिष्यों ने भी मार्ग में हुई घटना का ब्यौरा सुनाया कि किस प्रकार भोजन करते समय वे मसीह यीशु को पहचानने में समर्थ हो गए थे। जब वे इस बारे में बातें कर ही रहे थे, स्वयं मसीह यीशु उनके बीच आ खड़े हुए। वे अचंभित और भयभीत हो गए और उन्हें लगा कि वे किसी प्रेत को देख रहे हैं। मसीह यीशु ने उनसे कहा, तुम घबरा क्यों रहे हो? क्यों उठ रहे हैं तुम्हारे मन में ये संदेह? देखो, ये मेरे हाथ और पांव, ये मैं ही हूं। मुझे स्पर्श करके देख लो, क्योंकि प्रेत के हाड़ मांस नहीं होता जैसा तुम देख रहे हो कि मेरे हैं। ये कहकर उन्होंने उन्हें अपने हाथ और पांव दिखाए, और जब वे आश्चर्य और आनंद की स्थिति में विश्वास नहीं कर पा रहे थे, मसीह यीशु ने उनसे प्रश्न किया, क्या यहां कुछ भोजन है? उन्होंने मसीह यीशु को भूनी हुई मछली का एक टुकड़ा दिया और मसीह यीशु ने उसे लेकर उनके सामने खाया। मसीह यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे साथ रहते हुए मैंने तुम लोगों से यही कहा था, वो सब पूरा होना जरूरी है जो मेरे विषय में मोशे की व्यवस्था, भविष्यद्वक्ताओं के लेख तथा भजन की पुस्तकों में लिखा गया है। तब मसीह यीशु ने उनकी समझ खोल दी कि वे पवित्र शास्त्र को समझ सके और उनसे कहा, ये लिखा है कि मसीह यातनाएं सहे और 3रे दिन मरे हुओं में से दोबारा जीवित किया जाए और यरूशलेम से प्रारंभ कर सभी राष्ट्रों में उसके नाम में पाप क्षमा के लिए पश्चाताप की घोषणा की जाए। तुम सभी इन घटनाओं के गवाह हो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है उसे मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा, किंतु आवश्यक ये है कि तुम यरूशलेम में उस समय तक ठहरे रहो जब तक स्वर्ग से भेजी गई सामर्थ्य से परिपूर्ण ना हो जाओ।
तब मसीह यीशु उन्हें बैथनिया नामक गांव तक ले गए और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। जब वो उन्हें आशीष दे ही रहे थे, वो उनसे विदा हो गए। वे बहुत ही आनंद में यरूशलेम लौट गए। वे मंदिर में नियमित रूप से परमेश्वर की स्तुति करते रहते थे।